हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। अभी आप लोगों को इस वीडियो में पूरा का पूरा ऑर्गेनिक मिलेगा, और ये जो है ना, ये टू द पॉइंट है। ये आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम के लिए, डायरेक्ट नीट 2021 के लिए, या जेईई मेंस आप लोग जो भी दोगे उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ नीट और जेईई के लिए है, और बाकी बोर्ड वगैरह के लिए नहीं है। क्या क्या पूछा जाता है, ये सिर्फ दो स्टूडेंट के लिए। एक स्टूडेंट जिन्हें रिवीजन करना है, रिवाइज कर सकते हो आप इससे बहुत अच्छे तरीका से, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिवाइज कर लोगे। और एक वो स्टूडेंट जिनके लिए मुझे बहुत पहले से था कि हाँ, इनके लिए कुछ करना है और आगे भी अभी बहुत कुछ करना, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं किया, जिनको अभी तक मालूम नहीं नीट एक्चुअल में होता क्या है, नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उन लोगों के लिए भी है। ये कर लो तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, नीट एक्चुअल में है क्या। और 180 आउट ऑफ 180 बहुत ईजिली आप लोग कैम में स्कोर कर सकते हो, बहुत ईजिली। अभी का पेपर देखा जाए ना, तो अभी का पेपर जैसे पूछ रहे हैं, जैसे पैटर्न है उनका, तो बहुत इजीली आप लोग स्कोर कर सकते हो। जेई मेंस का मैंने कुछ 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 चैप्टर्स के जेई मेंस के पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, सो इसलिए इतना टाइम भी लग गया। तो बस वीडियो देखो, और बाकी की बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग। टोटल 50 क्वेश्चन है जीओसी में, तो जीओसी में टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सारा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंजमेंट ऑफ CH3O3 CH3O2 CH3 CH2 व्हेन अटैच्ड टू बेंजाइल और एन अनसेचुरेटेड ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मेनली ये आपसे पूछना क्या चाहता है कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर मालूम है या नहीं मालूम है। मेरे नोट्स में अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ पे आपको प्लस आई इफेक्ट का मिलेगा, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एम, माइनस एम, प्लस आर, माइनस आर, सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, क्योंकि नीट 2018 में भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था उससे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के ऑर्डर से। तो यहाँ पे मेनली आप लोग प्लस आई इफेक्ट या इंडक्टिव इफेक्ट, इस क्वेश्चन को देखते हुए प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट पूछा हम लोगों से। तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक बात याद रखना, एज द नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इंक्रीजेज, एज द नंबर ऑफ CH3 ग्रुप इंक्रीजेज, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, द इंडक्टिव इफेक्ट ऑल्सो इंक्रीजेज। जितना हम लोग CH3 को इंक्रीज करते जाएंगे, उतना ही हम लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, CH3O3 C, CH3 का होल 2, CH, CH3, CH2, ये हो जाएगा आपका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। तो अब इस क्वेश्चन में देख लो ऐसा कहाँ दिया हुआ है, CH3 का होल 3 C, CH3 होल 2 CH, CH3, CH2, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, असिमिलरिटी। एक बात और बता देता हूँ, आप लोग क्या करना कि आप लोग ऐसे नोटबुक में ना ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना, लाइन ड्रॉ करने के बाद उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने इंडक्टिव देखा तो इंडक्टिव लिख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कुछ देखेंगे तो उस क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट लिख लेना, कॉन्सेप्ट सॉरी टॉपिक का नेम लिख लेना, किससे क्वेश्चन पूछा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो वो टॉपिक लिख लेना, फोर्थ में फिर वो टॉपिक लिख लेना। आपको धीरे धीरे करके टोटल 50 टॉपिक आ जाएंगे जीओसी से, बहुत सारे टॉपिक आप लोग देखोगे तो रिपीट किया हुआ रहेगा, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, समझे। और यही होता है नीट और जेई मेंस, क्वेश्चन को घुमाया जाएगा, कॉन्सेप्ट सेम लगेंगे, समझ रहे हो ना। A4 एप्पल भी होता है और A4 एरोप्लेन भी होता है, तो बस एक बार एप्पल पूछ देंगे, दूसरी बार आप लोगों से एरोप्लेन पूछेंगे, बट पूछेंगे ए, समझ में आ रहा है ना, चीज़ों को समझना, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो मे बी आइसोमेरिज्म से, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे 2020 में, कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरा 2021 में आपसे पूछ देंगे कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव शो करेगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिव कितने बनेंगे, ठीक है, या मेजो कंपाउंड कितने बनेंगे टोटल, ऐसे करके आपसे पूछ लेगा। मेजो मतलब नॉन ऑप्टिकल, ठीक है, नॉन ऑप्टिकल या ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो बस अगर ऑप्टिक्स यहाँ पे लिख दे रहा, ऑप्टिकली एक्टिव कॉन्सेप्ट, स्टेरियो आइसोमेरिज्म में आप लोग देखोगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
तो उस चीज़ों को पढ़ लेना है, सारा कुछ कर लेना है। करने के बाद वो जो पूछता है पूछने दो, क्वेश्चन आप लोग 210% करेक्ट करके आओगे। तो ये तरीका है पढ़ने का, तभी मार्क्स अच्छा आएगा, समझे? और 100% आएगा। ऑर्गेनिक पीआईपी से थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री कॉपी पेस्ट आते हैं, सिर्फ बचता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक एंड एस ब्लॉक थोड़ा अगर रट्टू क्वेश्चन पूछ दे तब वो आपको रटना पड़ेगा, और कॉन्सेप्चुअल पूछता है तो वो भी पीआईपी में सारा अपलोडेड है। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में अ सिमिलरिटी बिटवीन ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज दैट। तो इस क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले ऑप्शन पढ़ो, चारों का चारों ऑप्शन पढ़ो। इच फॉर्म्स इक्वल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर अ गिवन कंपाउंड, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। इफ इन अ कंपाउंड वन इज प्रेजेंट देन सो इज द अदर, नो, ये भी गलत है। बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दे हैव नो सिमिलरिटी। ये अगर क्लास 10 के स्टूडेंट को भी दूँ ना तो वो भी सही करके आ जाएगा। इससे एक चीज़ सीखने मिल रहा है कि सबसे पहले ना टोटल चारों के चारों ऑप्शन पढ़ना चाहिए, और चार ऑप्शन पढ़ने के बाद डिसाइड करना चाहिए क्या होगा। अगर पहले हम लोग इस ऑप्शन को देख करके इसके बारे में ही सोचने लगे तो टाइम वेस्ट होगा। अगर ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, फिर ये पढ़ते हैं, तो ये कोई भी बता देगा कि स्टेरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ते हैं, तो बोथ आर इंक्लूडेड इन स्टेरियो आइसोमेरिज्म। सिंपल सा ये चीज़ था। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखना, जो हम लोगों का सी डबल बॉन्ड सी होगा सबसे पहला कॉन्सेप्ट, कार्बन जो होगा वो हम लोगों का पाई बॉन्डेड रहेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ना वो हमेशा इन देगा, कभी भी एन नहीं देगा, वो हमेशा इन देगा ऑप्शन में। अगर इन देगा तो वो आग बंद करके काट के आ जाना, सिर्फ और सिर्फ इन पे ही लगा के आना। अब इन में कौन सा कंपाउंड आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है? तो जो कार्बन डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है वो कार्बन ए बी से जुड़ा हो, ये जो दो एटम से जुड़े हों ये दोनों एटम डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई होना चाहिए, ये जो दोनों एटम है ना ये दोनों डिफरेंट होना चाहिए। जो भी कार्बन पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है उस कार्बन के साथ जो भी एटम कनेक्ट होंगे वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर सी है, यहाँ पे ए है और इससे फिर ए जुड़ा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ क्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, समझे? तो अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप लोगों का हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे क्लोरीन हो गया, तो इसे हम लोग ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलेंगे। डिफरेंट साइड में है तो ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये जो दिख रहा है ना ये डिफरेंट साइड में है तो ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर हम लोगों का सी सी एल हो जाए, डबल बॉन्ड सी एल हो जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसे हम लोग सिस आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या चीज? सिस आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोगों को जानने के लिए मिला कि दो तरह के आइसोमेरिज्म ये शो करता है, एक ट्रांस करता है और एक सिस करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? जो कार्बन डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है वो कार्बन दो डिफरेंट एटम से कनेक्टेड होने चाहिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, यही आपको पूछेगा नीट 2021 में, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, समझे? इतना बस याद रखना। अब तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थ्री में आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, 1,2-डाइक्लोरोपेंटीन। तो 1,2 है ऑफ कोर्स, ये कर देगा शो आप लोगों को। 1,2 मतलब यहाँ पे देखो पहले वन पे ही है वो पेंटीन, पेंटीन मतलब 5, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे एक क्लोरीन, 2 पे क्लोरीन, जाहिर सी बात है यहाँ पे हाइड्रोजन होगी और यहाँ पे हाइड्रोजन होगी, तो ये आप लोगों का शो कर देगा। क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट एटम कनेक्टेड है डबल बॉन्डेड कार्बन से। 1,3-डाइक्लोरो-2-पेंटीन ये भी शो कर देगा, 1,1-डाइक्लोरो-1-पेंटीन ये शो नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी 1,1-डाइक्लोरो, ऑप्शन नंबर सी 1,1-डाइक्लोरो, 1,1-डाइक्लोरो, ठीक है, दोनों सेम एटम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन एमिनो एसिड। फंक्शनल ग्रुप बताओ जो कि एमिनो एसिड में पाया जाता है। तो हम लोगों को एमिनो एसिड में NH2 और COOH पाया जाता है, NH2 एंड COOH,
NH2, सॉरी CH2, एक मिनट रुक जाओ, ऐसे कर देता हूँ, COOH और NH2, ये पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एंड अमीन। तो हम लोगों का बोथ ए एंड बी हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एंड अमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रॉन्ग IUPAC नेम? ये तो यार लड्डू क्वेश्चन है। आज के टाइम में ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि IUPAC नेम से इजी आपके लिए कुछ नहीं पूछा जा सकता, और ये 2017 नीट में पूछा गया था IUPAC नेम लिखने के लिए। तो IUPAC नेम देख लेना, 2021 में भी आ सकता है। तो इसमें मैं डायरेक्ट देख लेता हूँ, इथाइल ब्यूटानोएट, ब्यूटानोएट 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से करो 1 2 3। यहाँ से क्यों कर रहा हूँ, एक चीज़ थोड़ा बेसिक चीज़ है तो बता देता हूँ। काउंटिंग जो होता है ना, वो हमेशा वहाँ से स्टार्ट करना जहाँ से आपका जो ग्रुप है वो सामने हो। सी सी डबल बॉन्ड ओ सी सी सी, तो 1 2 3 4 5 और एक 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करो जहाँ से आपका ये जो ग्रुप लगा हुआ है ना वो नज़दीक हो आपका मेन चेन से। तो यहाँ से 1 2 ये ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, या 1 2 3 4 ये ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, जाहिर सी बात है ये ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 5, ये करेक्ट ऑर्डर होगा, समझे? तो इस चीज़ को दिमाग में रखना, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं जाएंगे। बाकी नोट्स में मैंने बहुत हाई लेवल पे जा करके स्पायरो वगैरह भी सारा कुछ समझा रखा है, कैसे क्या होता है आइसोमेरिज्म में। तो इसका IUPAC नेम आप लोग लिख सकते हो हैज़ रॉन्ग, तो ये तो सही दिख रहा है 1 2 इथाइल ब्यूटानेट, मतलब ये क्या किया ना, इसे ऐसे कर दिया, इसे ऐसे समझा देता हूँ। सी हो गया यहाँ पे डबल ओ, C2 H5, और यहाँ पे दिया हुआ CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब 1 2 3 4 यही है, मिथाइल इथाइल सॉरी C2H5 है, तो इथाइल ब्यूटा नोएट, इथाइल ब्यूटा नोएट 1 पे ही ये ग्रुप लिया जा रहा, ठीक है। C2H5 यहाँ पे भी लिख सकते हो आप लोग ऐसे करके, इथाइल ब्यूटा नोएट। अब फिर देखते हैं 3-methyl-butanol, 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, क्योंकि ये आपका ग्रुप जो है ना वो कार्बन से पहले कनेक्टेड है, तो ये कार्बन हम लोग लेंगे। बताया तो यार, यहाँ पे जो कार्बन पहले आपको नज़दीकी लगे उसको 1 काउंट करना है, बस वही है। यहाँ पे इसी सी के साथ डबल बॉन्ड ओ कनेक्टेड है, तो 1 2 3 3-methyl-butanol। नल क्यों है, एल्डिहाइड लगा हुआ है। यहाँ पे CH3 CH CH3 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 OH, तो अब यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ तो OH लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, तो क्या हम लोग CH3 को ग्रुप लेंगे? तो नहीं, यहाँ पे CH3 को ग्रुप नहीं लेना, यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो काउंटिंग कहाँ से होगा? काउंटिंग देखो 1 2 3 4, एक ये कर सकते हैं, एक यहाँ से 1 2 3 4 कर सकते हैं, और एक 1 2 3 4। तो मिनिमम आपका कहाँ से आ रहा है, अगर यहाँ से काउंट करोगे तो सबसे नज़दीक हो रहा है 1 और 2, तो 1 2 2 पे आपका ब्यूटेनॉल होना चाहिए और 3 पे आपका मिथाइल होना चाहिए। तो इसको कैसे लिखना है, 3-methyl-2-butanol, ये करेक्ट होगा, ठीक है, 3-methyl-2-butanol, बट इसने क्या लिखा है, 2-methyl-3-butanol, तो ये रॉन्ग है। तो 5 का हो गया सी, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन IUPAC पूछा है, CH3COCH CH3 का होल 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों का फिर से वही है, तो इसे भी तोड़ करके अगर IUPAC नेम लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कंपाउंड है CH3COCH CH3 होल 2, ऐसा आपका कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड को कैसे करेंगे, इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से भी बहुत इजीली आप लोगों को दिख जा रहा होगा कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, कैसे किया मैंने ये बताओ, CH3
सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच थ्री, ये है इसका स्ट्रक्चर। समझ में आया? अब फोर कैसे किया मैंने, 1 2 3 4, यहाँ से भी ले सकते हो आप लोग 1 2 3 4, और एक आप लोग क्या कर सकते हो इधर से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4। बच्चों वाली चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं, मुझे भी मालूम है, बट फिर भी यही सब पूछता है नीट में, यही सब पूछता है इसलिए बता रहा हूँ। अब स्पायरो वगैरह वो भी पढ़ा रखा है, सारा कुछ पढ़ा रखा है आप लोगों को, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखना, तो वो एक एक जो लेक्चर है उसे आप लोग देख लो, समझे? वो सारा कुछ आइसोमेरिज्म में दे रखा मैंने, नोट्स पढ़ लेना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आईआईटी एडवांस में सिर्फ और सिर्फ स्पायरो पूछा जाता, सारा कवर है। ये सब ही सिर्फ नीट के लिए इतना ही रखो, काफ़ी है, इतना हो सकता है। तो मैंने क्या बताया, जहाँ से आपका ग्रुप सामने हो उसे आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, तो यहाँ से ग्रुप सामने है तो इसे आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। तो 1 2 3 4, तो मिथाइल आ रहा है 3 पे, तो 3 मिथाइल 2 ब्यूटे, केटोन है ना, तो ब्यूटे नॉन, ये हो गया आपका 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अंडरलाइंड कार्बन हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया है कि अगर सिंगल बॉन्डेड कार्बन हो तो हम लोग sp3 बोलेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन हो तो sp2 बोलेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो तो हम लोग sp बोलेंगे। अगर हम लोगों का थोड़ा सा एग्जामिनर ज़्यादा दिमाग लगा दे और वो डबल बॉन्डेड दोनों तरफ दे दे कार्बन, तो लीनियर हो जाने के कारण हम लोगों का ये कार्बन sp हो जाता है। तो हम लोग भी दिमाग वाले हैं, स्टूडेंट हैं, हम लोग भी जानते हैं कि जो इसका शेप है, जो ज्योमेट्री है, वो हम लोगों का लीनियर आ जाता है, प्लेन पे आ जाता है ऐसे, इसलिए हम लोग इसे sp हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, समझे? तो इसका जो करेक्ट होगा वो sp होगा, डबल बॉन्डेड है बट sp है। बाकी दुनिया में कोई भी अगर आपको मिल जाए डबल बॉन्डेड कार्बन अगर कनेक्टेड है, तो वो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड sp होगा, सिंगल बॉन्डेड sp3 होगा। अब इस कंपाउंड को देखते हैं, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और एक OH, इसे कैसे लिखोगे? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो यहाँ पे हम लोगों का किसे मार्क किया? C डबल बॉन्ड इसे मार्क किया, तो ये तो जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और पूछ क्या रहा है ये हम लोगों से? sp3। यहाँ पे CH3 CH2 OH, यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रहा है कि ये कैसे होगा, CH3 CH2 OH, यहाँ पे चारों के चारों सिंगल बॉन्डेड है, तो ये sp3। सिंपल सा क्वेश्चन है ये आप लोगों का, sp3 ऑप्शन नंबर भी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी सी डी खुद से भी बना लेना है, यहाँ तो साफ साफ दिख गया कि डबल बॉन्डेड है, कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा डबल बॉन्डेड, तो sp2 हो जाएगा। यहाँ पे केटोनिक ग्रुप है, वो ऊपर जा करके डबल बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे भी आप लोगों को sp2 आएगा। रेशमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाई मिक्सिंग ऑफ टू इनेंसियोमर्स विथ कायरल कंपाउंड, ये रटा हुआ है ऑप्शन नंबर डी, बट मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ रेशमिक मिक्सचर किसे बोलते हैं, इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ इनेंसियोमर्स, इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ इनेंसियोमर, रेशमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, बस डेफिनेशन याद रखना, इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ इनेंसियोमर्स, इनेंसियोमर्स डी एंड एल फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म, ये आप लोगों का ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये आप लोगों का जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, इतना दो चीज़ें याद रखना, और इसमें कुछ रेशमिक मिक्सचर में याद नहीं रखना, डी एंड एल फॉर्म याद रखना, इक्विमोलर से बनता है इनेंजियोमर्स का मिक्स करने से। और आप लोगों का एक चीज़, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन, ऑप्टिकली एक्टिव जो होता है उसे हम लोग रेसिमाइजेशन बोलते हैं, ये दो तीन चीज़ें याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड एज 1 2 आर स्टडीड इन टर्म्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन, इसे किस में पढ़ते हैं? तो चेन आइसोमेरिज्म आप लोगों क्या पढ़े हो, चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म में नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है, जो हम लोगों का एटम होते हैं, जो हम लोगों का एटम या जो हम लोगों का अल्काइल रहता है, वो अलग अलग पोजिशन पे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी बताना पड़ रहा है, बट कोई नहीं, सह लेंगे।
CH3 CH CH2, और यहाँ पे हम लोगों का CH3 ये हो गया। यहाँ पे मान लो ये एक कंपाउंड हो गया, ठीक ना। कितने हो गए यहाँ पे, CH2 CH3 कर लो, पेंटेन हो गए। अगर हम लोग इसे CH3 C के साथ CH3 कर दें, CH2 कर दें और CH2 कर दें, ये हो गया 6 नाइसोमेरिज्म, समझे। एक और यहाँ से बना सकते हो CH3 C CH3 CH3 CH3, इसे बोलते हैं हम लोग 6 नाइसोमेरिज्म, 6 आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे यहाँ पे आओ मेरे पास ऑर्थोमेटा पारा, तो पहले वाले में CH3 ऑर्थो में है, दूसरे में आप लोग किस पे दे दो, मेटा में दे दो CH3, और तीसरे में आप लोग यहाँ पे कुछ भी OH कर लिख दो ना, OH लिख दो, तीसरे वाले में आप लोग पारा पे दे दो CH3 OH। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, CH3, यहाँ पे आप लोग बस फंक्शनल में याद रखना ना कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा, बट जो ग्रुप रहेंगे ना वो डिफरेंट रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। CH3 CH2 CH2 NH2 ऐसे एक लिख सकते हो, इसका आइसोमेरिज्म आप लोग लिख सकते हो CH3 CH2 NH CH3। फिर दोबारा आप लोग इसका और एक बन सकता है CH3 N CH3 CH3, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर आता है आप लोगों का मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामेरिज्म आता है, मेटामेरिज्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो आइसोमेरिज्म हम लोगों का बनता है वो कुछ ऐसा होता है CH3 O CH2 CH2, ये मैंने बता रखा है, ये सारा कुछ आप लोग मेटामेरिज्म बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड सर्च कर लेना, मिल जाएगा, समझे। जो हम लोगों का अल्काइल ग्रुप का जो नेचर रहता है ना, वो हम लोगों का या तो सिर्फ और सिर्फ पॉलीवेलेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉलीवेलेंट, सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेंगे, इसे हम लोग पॉलीवेलेंट बोलते हैं। अब यहाँ पे इसे आप लोग लिख सकते हो CH3 CH2, इसी को बस चेंज कर दो CH2 CH3। यहाँ क्या किया मैंने, पहले फर्स्ट कार्बन के साथ कनेक्ट करा दिया, सेकेंड में दूसरा, बस याद रखना पॉलीवेलेंट रहेंगे मेटामेरिज्म में। और पॉलीवेलेंट क्या क्या होते हैं ये सारा नोट्स में आपको मिल जाएगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसे बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि वन आइसोमेरिज्म इज ओपन चेन बट अनदर इज साइक्लिक। जो एक हम लोगों का होता है वो होता है ओपन चेन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक जो होता है वो हम लोगों का ओपन रहता है, और अनदर जो होता है, दूसरा जो होता है वो हम लोगों का साइक्लिक होता है। ऐसा भी तो बन सकता है कंपाउंड CH2 CH2, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर आता है आप लोगों का टोटोमेरिज्म, जो कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होता है, कौन शो करते हैं, टोटोमेरिज्म वही शो करते हैं जिनके पास वन अल्फा हाइड्रोजन होता है। कौन शो करते हैं, जिनके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, तो वन अल्फा हाइड्रोजन है तो वो टोटोमेरिज्म शो करेंगे, प्रेजेंस ऑफ वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा क्या होता है हम लोगों का, सी डबल बॉन्ड ओ केटो और इनोल फॉर्म ही शो करते हैं, तो सी डबल बॉन्ड ओ रहना चाहिए, और एक ये भी हो सकता है एन डबल बॉन्ड ओ, ये आपका इसका प्रेजेंस होगा ही होगा कंपाउंड में, अदरवाइज वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, इतना याद रखना। एग्जाम्पल मैं आपको एसिटो एसिटिक इस्टर का बता देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CO CH2 H5, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केटो फॉर्म बोलेंगे, केटो फॉर्म का हम लोग केटोन है, केटो फॉर्म का हम लोग इनोल फॉर्म बनाते हैं। इनोल फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, ऑल है, ऑल मीन्स अल्कोहल, इनोल फॉर्म इसका बनाएंगे, तो CH3 CO H फिर CH, ये जो है ना इसे पाई बॉन्ड को यहाँ पे लेकर के आना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ के यहाँ पे लाना है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो CH CO CH2 H5, ये हो गया हम लोगों का इनोल फॉर्म। बस बाकी आप लोग कर लेना टोटोमेरिज्म बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, उसमें मैंने सारा कुछ बहुत अच्छे से समझा रखा है, कुछ क्वेश्चन भी करा रखा है, सारा कुछ है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि उतना लेंदी लेकर के जाऊँ, टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व करना, तो पूरा सब कुछ नहीं समझा सकता हूँ, टू दी पॉइंट जो एग्जाम में आ सकते हैं इतना आपसे मैक्सिमम पूछ सकता है,
इतना कर लो। बाकी ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखना आप लोग टॉटोमेरिज्म बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड करके आप लोग सीख सकते हो पूरा कॉन्सेप्ट। अब फिर आता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल मैंने आप लोगों को बता दिया, सीस और ट्रांस। और ऑप्टिकल, हम लोगों का ऑप्टिकल भी बता ही देता हूँ। ऑप्टिकल के लिए याद रखना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल के लिए तीन चीज़ें मैं बताऊँगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए पहला कंपाउंड कायरल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका यही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, नीट 2016 में थोड़ा सा ऊपर पूछा था, प्लेन पोलराइज्ड ऑप्टिकली एक्टिव पूछा था, तो वो सुपर इम्पोजिबल प्लेन पोलराइज्ड होना चाहिए। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनता है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। पहला याद रखना कायरल होना चाहिए, दूसरा इनेंसियोमर्स होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, इनेंसियोमर्स। तीसरा होना चाहिए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ऑप्टिकल एक्टिव शो करने के लिए पहला कायरल, दूसरा इनेंसियोमर, तीसरा नॉन सुपर। यहाँ पे मैंने सुपर बोल दिया क्योंकि वो नॉट करके पूछा था, डू नॉट शो दी ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आप लोगों का होना चाहिए। ठीक है, जो विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। तो ये रहा आप लोगों का ऑप्टिकली एक्टिव का भी कॉन्सेप्ट। कायरलिटी, कायरलिटी क्या होता है, कायरलिटी नॉर्मल से आप लोग याद रखो कि एक कंपाउंड चार डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, तो ये कायरलिटी होगी। ठीक है, एक कंपाउंड चार डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड है, तो एक कंपाउंड चार डिफरेंट, एक कार्बन चार डिफरेंट एटम से कनेक्टेड है, तो वो हम लोग कायरल कार्बन बोलेंगे, उसे हम लोग कायरल कार्बन बोलेंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम लोग इनेंसियोमर्स बोलेंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इनेंसियोमर्स। COOH, CH3OH हाइड्रोजन। और यहाँ पे बहुत अच्छे से ये मैंने सारा कुछ समझा रखा है, ये आप लोग जा करके देख सकते हो। अच्छा खासा वीडियो टेलीग्राम पे भी डला हुआ है, और बाई फिजिक्स इन प्लेग्राउंड आप लोग सर्च करके देख सकते हो उसे। कॉन्फ़िगरेशन SNR करो और जा करके वहाँ पे देख लो, सारा कुछ मिल जाएगा। तो ये रहा आप लोगों का कॉन्सेप्ट। अब और भी बहुत सारे आएंगे, अभी इसमें आएंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन 2018 में पूछा गया था, और आपसे कॉन्फॉर्मेशनल भी पूछा गया था 2016 में। तो कॉन्फॉर्मेशनल में आर एंड एस पढ़ते हैं हम लोग, आर और एस। क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो हम लोग आर लिखेंगे, ये भी याद करो। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम लोग एस लिखेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन कैसे हम लोग देखेंगे कि क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम लोग प्रायोरिटी के हिसाब से काम करेंगे। प्रायोरिटी किसे देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे प्रायोरिटी देंगे। जैसे मैं आपको इसी में समझाता हूँ, COOH ऐसा कंपाउंड करके देगा। आएंगे क्वेश्चन आगे आप लोगों को मिलेंगे, पहले क्लियर कर देने से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मान लो ऐसे दे दिया, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है इसके साथ सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देंगे। तो इसके साथ जो कनेक्टेड है वो हम लोगों का ऑक्सीजन है, तो वो अपने तरफ सब खींचने लगेगा, तो ऑक्सीजन हो गया। दूसरा, दूसरा किसे देंगे, तो भैया यहाँ तो दो दो कार्बन, दोनों कार्बन है, दोनों के सेम होते हैं, तो ठीक है मान लेता हूँ सेम होते हैं। इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन कनेक्टेड है, इस कार्बन के बाद हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो कौन बड़ा, ये बड़ा, तो दूसरा नंबर इसे देंगे। थर्ड किसे देंगे, हाइड्रोजन या कार्बन, तो थर्ड इसे देंगे, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन से बड़ा है कार्बन, तो इसे थर्ड देंगे। तो अब हम लोग इसे रोटेट करेंगे, 1 2 3 ऐसा रोटेशन हो रहा, और इस रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आ गया, तो इसे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज अभी तो पढ़े एस, बट यहाँ पे एस नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा। यही है केमिस्ट्री, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा। ये सही कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने बताया ना ये सही बताया। कभी भी क्लॉकवाइज आए तो आर लिखना, एंटी क्लॉकवाइज आए तो एस लिखना। यहाँ पे आप लोगों से एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एस होगा, बट एस ना हो करके करेक्ट आंसर आर होगा। एक क्वेश्चन आपको और भी मिलेगा, डैश करके होता है और एक ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अगर ये भी समझाऊंगा, अभी बताने पे कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बस इतना समझ लो ऐसे ऐसे होता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। ये क्यों हो जाता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में।
आर स्टडीज इन टर्म ऑफ आइसोमेरिज्म। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म मैंने आपको बता दिया, पोजीशन बता दिया, कन्फॉर्मर्स भी आपको बता दिए। तो ना ये कन्फॉर्मर्स दिख रहे हैं, ना ये आपको चेन दिख रहे हैं, ना पोजीशन, ये आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिख रहे हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता हुआ दिख रहा है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने क्या बताया था, डबल बॉन्ड होंगे भाई साहब, CH3 CH3 और यहाँ पे H, ऐसा ही कुछ है। इसी को इन्होंने क्या लिखा है ना, इन लोगों ने क्या किया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इस तरीका से लिखा, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। और सेकंड आप लोगों का कैसे दिया हुआ है, CH3 CH OH और यहाँ पे CH2 CH3, ये हो गया सेकंड वाला। तो ये आप लोगों का दिख रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं ऑप्टिकली, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें बनेगा। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर टेन में क्या आपसे पूछ रहा है, द रिएक्शन CH3O3CBr H2O CH3O3C वही जी। हाँ, तो आप लोगों का क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10 में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, Br को आर सब्स्टिट्यूट करके OH लगा रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2, ये आपको 2018 जेई मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था कि SN1 का ऑर्डर क्या होता है। तो SN1 का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है, और SN2 का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। ये ऑर्डर आप लोग याद रखना, ये ऑर्डर कहने का मतलब है CH3 का होल 3 C CH3 का होल 2 C CH3 CH2, ये आप लोगों का ऐसे देगा ना, तो ऐसे करके आना SN1 और अपोजिट कर देना SN2 के लिए, समझे। SN1 SN2 की भी वीडियो डला हुआ है, आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन देखना तो जा करके आप लोग देख सकते हैं, हेलो अल्केन और हेलो अरिनिया, हेलोजन डेरिवेटिव्स बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होता है। तो इसे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो हम लोगों का रिएक्शन दिया हुआ है CH3 का होल 3 CH3 होल 3, यहाँ पे आई थिंक CBr है ऐसे, और यहाँ पे हम लोगों को H2O CH3 होल 3 COH दे रखा है। तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, नॉर्मल H2 है, H2 हम लोग का ब्रेक होता है OH- और H+ में होता है, OH- एंड H+ में H3 होल 3 CBr। तो यहाँ पे हम लोगों का Br जो है, Br हम लोगों का कैसे ब्रोक होगा, यहाँ पे Br क्या करेगा भाई साहब, बोलेगा कि ये बॉन्ड मुझे दे दो, मैं नेगेटिव लेकर के चला, आप पॉजिटिव रखो। तो ये जो ब्रेक होगा ना, वो कुछ ऐसा होगा CH3 होल 3 C नेगेटिव, और यहाँ पे Br लेकर के पॉजिटिव साइड आ जाएगा, और यहाँ पे जो सॉरी Br नेगेटिव लेकर के साइड आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा तो नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। अब ये नेगेटिव जा करके इस पॉजिटिव के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ ज्वाइन हो जाएगा, मतलब ये पॉजिटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव ही रहेगा, Br के साथ ज्वाइन हो जाएगा और आपका CH3 का होल 3 COH बॉन्ड हो जाएगा प्लस HBr ये बना लेगा, समझे। तो यही बनता है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें आप लोगों से अब मैक्सिमम कितना पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछेगा स्लोएस्ट स्टेप कौन सा होता है और फास्टेस्ट स्टेप कौन सा होता है। तो स्लोएस्ट स्टेप कब होगा, जो ये मैंने ब्रेकडाउन बताया वो आपका स्लोएस्ट स्टेप होगा, और जो फास्टेस्ट स्टेप क्या होगा, जो ये मैंने कंबाइन करने की चीज़ें बताई, जो जाकर के H+ Br- के साथ ऐड होता है और OH हम लोगों का जाकर के CH C+ के साथ ऐड होता है। तो ये हम लोगों का फास्ट स्टेप होगा, और जो ब्रेकिंग की प्रक्रिया होगी वो हम लोगों का स्लोएस्ट स्टेप होगा, ठीक है, जो स्टेप है वो, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 में, यहाँ पे आ जाओ। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है? इन दी एनायन एच सी डबल बॉन्ड हो द टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर फाउंड टू बी ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट इज द रीजन फॉर इट। इक्वल लेंथ आ रहा है तो इसका रीजन क्या? तो इसका रीजन आप लोगों को यहाँ पे पढ़ते हैं और क्या ऑप्शन देखते हैं। द सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड इज वीकर, बिल्कुल नहीं वीकर देन दिस, बिल्कुल नहीं। द एनायन एच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, डबल बॉन्ड है वो वीकर नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग होगा। द एनायन एच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस हैज टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जरूरी नहीं है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी हम लोग बना के देखेंगे कि कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है। द एनायन इज ऑब्टेंड बाई रिमूवल ऑफ अ प्रोटोन फ्रॉम द एसिड मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ प्रोटोन फ्रॉम द एसिड मॉलिक्यूल। एनायन जो ये है ऑब्टेंड होगा प्रोटोन को निकालने से, ठीक है। इस एसिड से, किसी एसिड से प्रोटोन को आप लोग निकालोगे तो ये आपको मिलेगा, ऐसा ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, तो वो भी देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम आर हाइब्रिडाइज्ड, यहाँ पे कहने का मतलब है जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो सेम होगा, समझे। बना करके ही देख लेते हैं। एच सी डबल ओ माइनस सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एच, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, इसमें इसे हम लोग इसे इस पाई बॉन्ड के पास और ये जो है पाई बॉन्ड इसके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव दे सकते हैं। तो एच सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, देखो एकदम सेम है दोनों, दोनों ये जो बन रहे हैं ना दोनों सेम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तभी ये इक्वल लेंथ आ रहे हैं। जो ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड है वो इक्वल है, समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड इक्वल है किसके कारण? हाइब्रिडाइज्ड के कारण, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सी एन एच टू एन ओ टू कुड बी फॉर ओपन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सी एन एच टू एन ओ टू, तो यहाँ पे मान लो एन इक्वल टू वन, सी वन एच टू इंटू वन ओ टू, तो सी एच टू ओ टू। अब इसे कैसे लिख सकते हो? इसे आप लोग सी एच डबल ओ एच हो गया, फॉर्मिक एसिड, समझ में आ रहा है। ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और एक एच, सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या बोल रहा है? अमॉन्ग दी फॉलोइंग फोर स्ट्रक्चर 1, 2, 4, इट इज ट्रू डैट ओनली वन एंड टू आर कायरल कंपाउंड्स, ओनली थ्री इज अ कायरल कंपाउंड, ओनली टू एंड फोर आर कायरल कंपाउंड, ऑल फोर आर कायरल कंपाउंड्स। तो कायरल कंपाउंड्स मैंने क्या कहा था कि कायरलिटी, वही कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन उसे बोलेंगे जो कार्बन फोर डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड हो, जो कार्बन फोर डिफरेंट ग्रुप से कनेक्टेड हो उसे हम लोग कायरल कार्बन बोलेंगे, और उसी में हम लोग कायरलिटी, उसी को कायरलिटी कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या है? C2H5, CH3C3H7, तो यहाँ पे कायरल है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये टोटली एक कंपाउंड हो गया, ये टोटली एक हो गया, ये टोटली, तो यहाँ पे एक कायरल है और यहाँ पे भी एक कायरल मिलेगा बिकॉज C2H5 है और यहाँ पे CH3 है और ये एक टोटली अलग कंपाउंड हो गया, तो एक कायरल यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या कायरल मिलेगा? नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन 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 तीनों के तीनों सेम है, यहाँ पे कायरल मिलेगा? नहीं मिलेगा बिकॉज C2H5 इधर भी, C2H5 इधर भी, तो ओनली वन एंड टू आर कायरल कंपाउंड्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या बोल रहा है? बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आप लोगों को कहता है कि जो ब्रांच्ड होंगे, जितना ज़्यादा ब्रांच्ड होगा कार्बन, जैसे यहाँ पे जितना ज़्यादा ब्रांचिंग हो गया और ये चैन चला गया, स्ट्रेट चैन, समझ रहे हो, उतना ही लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रेट चैन होगा, ब्रांचिंग कम होगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये सिंपल सी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग ऑफ
कार्बन चेन, ठीक है, फैमिली चेन भी बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बस इतना याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ग्रेटर द ब्रांचिंग ऑफ द चेन लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, ग्रेटर द ब्रांचिंग ऑफ द चेन लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, समझे। और भी इसमें एक अद कॉन्सेप्ट आता है क्वेश्चन में, क्या है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटाइन एन ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन, तो आइसो ब्यूटेन यहाँ तो हैज दी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन पढ़ के भी आप लोग बता सकते हो कि क्या होगा, आइसो ब्यूटेन होगा। क्यों ब्यूटेन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ आइसो दिख रहा है, मतलब ब्रांचिंग दिख रही है, ब्रांचिंग है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा कम, बाकी सारे वन 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 है, और यहाँ पे तो खैर एन ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन बन जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट किससे अफेक्टेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों का पाई इलेक्ट्रॉन से भी अफेक्टेड होता है, बॉइलिंग पॉइंट पाई इलेक्ट्रॉन से भी अफेक्टेड होता है, जितने ज्यादा पाई बॉन्ड उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, अल्काइन और अल्कीन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा ये बताओ, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, समझे, ये भी बताया आप लोगों को मैंने जब अल्केन या अल्कीन पढ़ाया है, अल्केन पढ़ाया था उसमें बताया था एन आइसो नियो, एन आइसो नियो ये हो गया आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइड चेन, अभी आप लोगों को बताया, जैसे जैसे हम लोग ब्रांचिंग बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है एन आइसो नियो, नियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा ब्रांचिंग इसलिए नियो का कम, एन स्ट्रेट लाइन है तो नॉर्मल, बाकी पाई बॉन्ड के लिए भी मैंने बता दिया कैसे लेना है, ट्रिपल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो यहाँ तो ईजी है, यहाँ तो मिनिमम पूछा तो मिनिमम आप लोग बहुत ईजिली बता सकते हो डी नंबर। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, इसमें मैक्सिमम बताना किसका होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इसमें 14 नंबर में किसका होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आईयूपीएसी नेम ये खुद से कर लो, ये आपका कंपाउंड दे रखा है, ये कुछ ऐसा दे रखा है, यहाँ पे कर लेते हैं, ये कंपाउंड आप लोगों का कुछ ऐसा दे रखा है ओ एच, और यहाँ पे ऐसा है, तो इसे नंबरिंग कैसे करोगे, जाहिर सी बात है जहाँ मैंने बोला था ग्रुप आपको सामने दिखे वो करना, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है A1 टू थ्री, थ्री पे क्या है, थ्री पे आप लोगों को मिथाइल दिख रहा है, तो डाईमिथाइल, डाईमिथाइल दो है, डाईमिथाइल तो थ्री थ्री डाईमिथाइल, थ्री थ्री डाईमिथाइल, वन साइक्लो ओ एच है तो हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल ओ एच है तो हेक्सेनॉल, तो देख लो थ्री थ्री डाईमिथाइल वन साइक्लो हेक्सेनॉल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज किसमें नहीं है, तो अब देखो आपको अगर इनके स्ट्रक्चर लिखने आते होंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे, एसिटिक एसिड कैसे लिखते हैं, एसीटामाइड कैसे लिखते हैं, एसीटोन कैसे लिखते हैं, एसीटोनाइट्राइल कैसे लिखते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको GOC में क्लास 11 में सिखाया जाता है कि हम लोग स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, अगर अमाइड हो इक इक लगाओ, ये सब सारा कुछ सफिक्स एंड प्रीफिक्स सिखाया जाता है, अमाइड ओन और नाइट्राइल, समझे, ये सारा कुछ आएगा तभी आप लोग स्ट्रक्चर लिख सकते हो, कितना रटोगे, रटोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो बहुत काम आएगा, समझे। तो एसीटोन लिखना है तो एसीटोन को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, H3CO है तो डबल बॉन्ड ओ CH3, केटोन, केटोन में हम लोगों का डबल बॉन्ड, ये क्लास 11 के बेसिक में ही पढ़ाया जाता है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, GOC स्टार्ट होने से पहले प्रीफिक्स और सफिक्स की एक दो क्लासेस लगती है, तब जाकर के आइसोमेरिज्म स्टार्ट होता है, सबसे पहले ये पढ़ाना होता है प्रीफिक्स और सफिक्स, किसको क्या बोलते हैं और किस में क्या होता है, केटोन अल्कोहल एल्डिहाइड में कैसे क्या क्या लगते हैं, तो ये हो गया हम लोगों का एसीटोन, फिर एसीटोनाइट्राइल देखना है, तो एसीटोनाइट्राइल CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसे हम लोग बोलेंगे एसीटो नाइट्राइल, एसीटामाइड ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग पढ़ोगे भी और मैंने बताया भी है, अमीन का लेक्चर जा करके देख लेना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। एसीटा अमाइड बोलते हैं, ओ एन एच टू लगा रहे हैं तो अमाइड बोलते हैं, एसीटा अमाइड, एसीटा अमाइड। और आपका क्या बचता है, एसीटोन बता दिया, एसीटोनाइट्राइल बता दिया, एसीटा अमाइड बता दिया, और क्या है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये हो जाएगा CH3 COH, ये एसिटिक एसिड। यहाँ पे डबल बॉन्ड O लिख दो और एक इससे कनेक्ट, ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने लिखा वो भी कर सकते हो। तो इसमें क्या पूछा है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसका है, तो यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और ये आप लोगों का sp3 है सिंगल बॉन्डेड, sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा ड्यू टू सिंगल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड के कारण ये कार्बन sp2 है, तो एक आ रहा हम लोगों का एसीटो, ये क्या है, एसीटोन है, एसीटोन, एसीटोन sp2 आ रहा है, याद रखना है एसीटोन। अब नेक्स्ट देखते हैं एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल में sp हाइब्रिडाइजेशन है, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में हम लोगों का यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड ओ और OH2 sp2 आ रहा है ये भी, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को sp2 देखने ही मिलेगा। अब और एक कंपाउंड था ना, ये कंपाउंड है sp3 हो गया और ये हो गया आप लोगों का sp2। अब पूछा गया डज नॉट हैव, डज नॉट हैव तो किस में था, डज नॉट हैव एसीटो नाइट्राइल, एसीटो नाइट्राइल डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आप लोगों का sp हाइब्रिडाइजेशन है ट्रिपल बॉन्ड। सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था ट्रिपल डबल सिंगल, उतना याद रह जाए ना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मेसो आइसोमर ऑल्सो, तो मेसो आइसोमर, मेसो आप लोगों को पढ़ाना होगा, मेजो किसे बोलते हैं, दोज कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स आर सुपर इम्पोजिबल, दोज मॉलिक्यूल हुज इमेज आर सुपर इम्पोजिबल, दोज कंपाउंड हुज मॉलिक्यूल्स आर सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, जो मिरर इमेज बनेगी वो सुपर इम्पोजिबल होंगे। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, सॉरी सेकेंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तीस नंबर आप लोगों का क्या है, थर्ड नंबर में एक चीज याद रखना, कंटेनिंग टू सिमिलर ए सिमेट्रिक कार्बन, कंटेनिंग, कंटेनिंग टू सिमिलर ए सिमेट्रिक कार्बन, बना देता हूं डायग्राम, CH3 CH3 Cl हाइड्रोजन, Cl हाइड्रोजन, ये देखो इसे बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, दो पार्ट में इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझे, और इसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, मेजो। क्या क्या बताया मैंने, सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कंटेनिंग टू सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन, बस ये तीन पॉइंट याद रखना, और यहाँ पे आपको बता दिया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होता है, और कुछ नहीं होगा, और कार्बन जो देख रहे होगे दोनों एसिमेट्रिक है, समझे। अब आता है क्वेश्चन नंबर, तो इसका क्या होगा आपका क्वेश्चन नंबर, मेजो आइसोमर ऑल्सो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो विल हैव मेजो ऑल्सो, तो यहाँ पे देखो 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, अभी तो बनाया मैंने, ये क्या है, 1,2,3,4, तो ब्यूटेन है, 2,3-डाइक्लोरो है, डाइक्लोरो, और फिर क्या बोल रहा है, बस और कुछ नहीं, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी, 2-क्लोरोब्यूटेन हो ही नहीं सकता, 2-क्लोरो सिर्फ एक ही रहेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री की एक बात आ जाएगी, 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन आप लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ नहीं सकता है, पेंटेन बोल रहा है, तो CH3 एक कार्बन, 2, 3 ऐसा आएगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5, समझ रहे हो, पेंटेन बता रहा है वो, तो मान लो यहाँ पे अगर हम लोग देते 2 पे क्लोरो है,
1 to 2 पे क्लोरो है, 3 पे क्लोरो। इसका कभी कर सकते हो, कभी डिवाइड नहीं कर सकते हो। 5 को कभी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप लोग 2.5 ही आएगा। तो इसे आप लोग इक्वल कर सकते हो, मतलब ये पॉइंट में ये एक तरह से रेशनलाइज हो गया। मैथ यहाँ पे ना कर देना कि भैया 2.5 + 2.5 इक्वल पार्ट हो गया, नहीं वो नहीं बताना चाह रहा हूँ। यहाँ कुछ अलग चीज़ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस चीज़ को ना आप लोग दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाओगे इस पेन को। क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज यहाँ पे आपका अलग सरफेस है और यहाँ पे आप लोगों का जो है वो अलग सरफेस एरिया है, तो दोनों में फ़र्क हो जाएगी। तो ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इक्वल डिवाइड नहीं कर पाओगे, समझे? तो ऐसे ये क्वेश्चन ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है। 2 क्लोरोब्यूटेन अगेन नहीं होगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड ये आप लोग करके देखना, ये भी नहीं होगा। रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है न्यूक्लियोफिलिक Nu- और यहाँ पे Z-। आगे देखते हैं, इज फास्टेस्ट व्हेन जेड इज। जेड क्या होगा कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्टेस्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन कब फास्टेस्ट होगा। तो यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसा दिया, RC(O) Z+ Nu- RC(O) Nu+ Z-, कुछ ऐसा दिया हुआ है। और ऑप्शन में आप लोगों को क्या है, OC2H5, OC2H5, NH2, Cl और है CO CH3, ये ऑप्शन में। तो यहाँ से कैसे बनाओगे? तो एक बात याद रखना कि हम लोगों को जो मोस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टेस्ट, जो सबसे जल्दी लीव करता है, ठीक है, और कंपाउंड को रिएक्टिव छोड़ता है, उसे हम लोग फास्टेस्ट बोलते हैं। उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा फास्टेस्ट होगा। जो हम लोगों का ऑक्सीजन है OC2H5 है, यहाँ पे मान लो OC2 यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे NH2-, यहाँ पे इस जगह रहता और यहाँ पे ये रहता, समझ में आया? और जेड ये है, समझ रहे हो ना चीजों को? तो यहाँ पे जेड है। अब जेड के जगह क्या रहेगा, जेड के जगह क्या रहेगा कि वो इस कंपाउंड को लीव करे और इस कंपाउंड को रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव बना दे, ये जा करके Nu के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है? तो वो हम लोगों का Cl होगा। कैसे होगा? जो O है वो डबल पार्शियल बॉन्ड कंटेन रखता है। क्या रखता है? पार्शियल डबल बॉन्ड, CO यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड रहता, ये तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए OC2H5 हटा दो। प्लस दूसरी कंडीशन आपकी क्या आती है, जो CX है वो ज़्यादा पोलर है, जो CX होना चाहिए वो ज़्यादा पोलर होगा, जो कि क्लोरीन है, ज़्यादा पोलर होगा, प्लस ज़्यादा आयोनिक भी होगा। Cl- जो है इन तीनों से ज़्यादा आयोनिक भी होगा, और इसे रिमूव कराना बहुत ही आसान है। और ये जब निकलता है ना तो इस कंपाउंड को रिएक्टिव बना के जाएगा, और जितना रिएक्टिव बनाएगा उतना रिएक्शन करने के चांसेस बढ़ जाएंगे Cl- के कारण। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? पोलरिटी, आयोनिक, पार्शियल, डबल बॉन्ड, ये तीन चीजें याद रखना। सॉरी, समझे? ऐसे करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो Cl- होगा इसका करेक्ट आंसर। हो क्या रहा है? न्यूक्लियोफाइल है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे क्या होता है। Cl- जाएगा, और Cl- सबसे पहले आयनिक है और ज़्यादा पोलर भी, और वो तब लीव करता है तो रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड को कर देता है और इजली लीव हो जाएगा। बट ओ रहेगा तो पास डबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल वाली काम है, मुश्किल क्या होगा ही नहीं। अमोंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन हैविंग लोएस्ट मॉलिक्यूलर मास, लोएस्ट
मॉलिक्यूलर मास। तो ऑप्टिकली एक्टिव के लिए मैंने आपको बताया दिया था, तीन चार चीज़ें बताया था। पहला क्या बताया था, आप लोगों का नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, जिसे हम लोग इनेंसियोमर बोलेंगे। दूसरा, तीसरा आप लोगों का कायरलिटी होना चाहिए, कायरल होगा तभी ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को कायरल है, ऑफ कोर्स कायरल है। यहाँ पे C3 लगा हुआ है, साइक्लो प्रोपेन है। यहाँ पे CH3, C2, H5H है। तो यहाँ पे कायरलिटी, यहाँ पे कायरलिटी है, यहाँ पे कायरलिटी नहीं है। दो कार्बन सेम कार्बन है, यहाँ पे कायरलिटी है, यहाँ पे आप लोगों को कायरलिटी नहीं दिखेगा। इस पे दो हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, इसमें भी कायरलिटी नहीं है। क्या इस कार्बन पे कायरलिटी है? तो इस कार्बन पे आप लोग बोलोगे कि कायरलिटी है, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों को ए में और बी में कायरल कंपाउंड दिख रहा है। ए एंड बी कायरल कंपाउंड आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोग बताओ क्या होगा, ए होगा या बी होगा? यहाँ पे कुछ ऐसा दे रखा है, CH3, CH, C2H5 और डी नंबर में, ए एंड डी, सॉरी बी नहीं, ए एंड डी। डी है CH3, CH2, C3 CH, ऐसा दे रखा। इसमें कायरलिटी, यहाँ कायरल है और यहाँ क्या कायरल है, इस कार्बन के पास एक CH है, बाकी C2H5 है। तो दो ऑप्टिकली एक्टिव अल्कीन, अल्केन, अल्केन, ऑप्टिकली एक्टिव अल्केन। क्वेश्चन, इससे एक चीज़ समझ में आता है कि क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। जैसे मैंने अभी थोड़ा स्पीड में सॉल्व करने के कारण यहाँ पे कायरलिटी देखने लगा, इससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये जो है ये अल्काइन है, और अल्काइन की बात ये नहीं कर रहा है, ये अल्केन की बात कर रहा है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ अल्केन, हैविंग लोवेस्ट मोलिकुलर मास इज ऑप्शन नंबर ए। तो डी की यहाँ पे बात ही नहीं उठनी चाहिए थी, समझे? तो ये चीज़, एक चीज़ सिखाता है कि क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन हड़बड़ी में मत करके चले आना, गलत हो जाएगा वो। आराम से पढ़ना और अच्छे से देखना वो पूछ क्या रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 19। बहुत कुछ सीखोगे, जैसे जैसे आगे चलेगा क्वेश्चन, वैसे वैसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। कंसिडर दी एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं एसिडिक ऑर्डर आप लोगों को बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक ऑर्डर कैसे होता है? क्वेश्चन छोड़ दो, पहले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कार्बोक्सिलिक एसिड का तीन चार चीज़ें हैं, तीन चार चीज़ें याद रखना। अगर C6H4, COOH एंड NO2 ऐसा रहे कंपाउंड, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑर्थो पारा मेटा एंड बेंजोइक एसिड। अगर हम लोगों का क्यों होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। NO2 जो भैया है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, समझे? तो इसके कारण हम लोगों ऑर्थो पारा मेटा और बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे C6H4, COOH है, CH3, तो यहाँ पे होगा ऑर्थो बेंजोइक मेटा पारा। अगर हम लोगों का C6H4, COOH है और यहाँ पे OCH3 है, ऑर्थो मेटा बेंजोइक एंड पारा। और अगर हम लोगों का C6H4, COOH एंड क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है इसके साथ ऐसे, तो ऑर्थो मेटा पारा एंड बेंजोइक एसिड। ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये हम लोगों ने एसिडिक पढ़ा। तो याद रखना है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में पूछा जा सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक। थोड़ा इसे याद रखना, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और तो पारा मेटा बेंजोइक। अब देख लो क्वेश्चन में कैसे है, NO2 ही दिया हुआ है, और तो पे NO2 है, मेटा पे NO2 है, पारा पे NO2 और नॉर्मल एक बेंजोइक है। तो ये केस नंबर वन है, केस नंबर वन ऑर्थो पारा मेटा बेंजोइक। तो देख लो, ऑर्थो बी
बी सबसे पहले होगा, तो बी सब में पहले है, सिर्फ सी में नहीं, तो सी ऑप्शन हटा दो। उसके बाद ऑर्थो के बाद आता है पारा, पारा 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 सी, तो सी ऑप्शन नंबर डी। 10 सेकेंड लगेंगे अगर ये चीज़ आपको याद हो तो, सिर्फ ऑप्शन देखना, ऑप्शन में कहाँ ए बी सी डी है उसे देखना और टिक करके आ जाना। तो ये चीज़ें थोड़ा कोशिश करना कि याद हो जाए, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, समझे। ऐसे केस में ऑर्थो मेटा बेंजीन पारा, ऐसे केस में ऑर्थो बेंजीन मेटा पारा लगेगा, ऑर्थो मेटा बेंजीन पारा, ऑर्थो मेटा पारा बेंजीन, ऑर्थो पारा मेटा बेंजोइक एसिड, ऐसे करके। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? एसिडिटी और बेसिसिटी अच्छे से पढ़ के जाना। एसिडिक की स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, बेसिक की स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होता है, थोड़ा देख लेना। 2017 में पूछा है तो 2021 में पूछ सकता है। बेसिक की स्ट्रेंथ आते हैं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते जाओ, बेसिक की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ, समझे। तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बेसिक के लिए याद रखना, नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, एसिडिक के लिए भी दिया हुआ है, बेसिक के लिए भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है टेलीग्राम पे नोट्स, एक बार जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट देखते हैं, तो मेजोमेरिक ज़्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के बाद आप लोगों का इंडक्टिव इफेक्ट, ये होगा बेसिक के लिए, ठीक है, ये होगा आप लोगों का बेसिक के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या बेंजीन दिया हुआ है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई मेंस का इसलिए अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। एक डांसिंग रेजोनेंस पढ़े होगे, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, जो रिंग में रेजोनेंस होता है उसके कारण हम लोगों का बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, समझ रहे हो। रिंग में रेजोनेंस होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, ये बता दूंगा, ये कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं बताया, ये कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों का सी डबल ओ एच है, यहाँ पे सी एच थ्री है, यहाँ पे सी एच थ्री है, और यहाँ पे हम लोगों का एनओ टू है, एक ये रखो और एक यहाँ पे रखो, ऐसे यहाँ पे था और यहाँ पे ऐसे एनओ टू, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी डबल ओ एच। अब ये आप बताओ मुझे कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, ये 2017 में ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बल्की ग्रुप जहाँ आपको देखने कम मिले एनओ टू के सामने उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, बिकॉज जो एनओ टू है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, मतलब रेजोनेंस कर लेता है रिंग के अंदर, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पे बल्की ग्रुप है, रेजोनेंस रोक देगा, सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस ही कॉन्सेप्ट है जिसके कारण यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ आप बस बता सकते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे हो जाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे हो जाएगा, ये मोर एसिडिक देन दिस और ये ज़्यादा बेसिक होगा देन दिस, ठीक है। क्यों हो रहा है, क्योंकि बल्की ग्रुप है ज़्यादा एनओ टू के सामने और बल्की के कारण आपको रेजोनेंस करने नहीं देगा, यहाँ पे कोई नहीं है तो यहाँ पे इजली रेजोनेंस हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ जो कनेक्टेड रहेंगे वो रेजोनेंस करेंगे और रेजोनेंस फिर ये रिंग के अंदर आ जाएगा, और रिंग के जैसे अंदर रेजोनेंस आएगी वैसे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाती है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है हम लोगों को। यहाँ पे दिया हुआ है NH2CH3, तो NH2 का रिंग में आकर के रेजोनेंस कर लेगा, NHCH3 डायरेक्ट एन से कनेक्टेड है तो रेजोनेंस कर लेगा, NH2 ये बहुत इजीली रेजोनेंस करेगा, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसी में देखने मिलेगा, CH2NH2 यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा बिकॉज CH2 ने रोक रखा है, CH2NH2 यहाँ पे देख लो, CH2NH2 ये ऐसा कंपाउंड है, इसका एक एन है, इसका एक एच है। अगर यहाँ पे मान लो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन भी रहते ना, वो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन,
समझे, नहीं हो पाएगा रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। अगर रिंग के अंदर रेजोनेंस हो जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, जैसा मैंने आपको बल्कि ग्रुप का एग्जांपल लेकर के समझाया, समझे। अब और ये चीज़ भी याद रखना, मेजोमेरिक हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव जेई मेंस का इसलिए ऐसा पूछा है, नीट में कम चांसेस है। नीट में आपको मेनली वही पूछेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का आपको अगर स्टेबिलिटी मालूम है और ऑर्डर मालूम है कैसे कैसे देखना है, तो बस CH3 दिया हो समझ जाओ कि बहुत ज़्यादा CH3 है, तो उस तरीका से बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग कर लेना। बेसिक स्ट्रेंथ आप लोगों को कुछ कुछ बता देता हूँ मैं, कुछ कुछ बेसिक स्ट्रेंथ आप लोग याद रखना। अल्कीन में आप लोग बेसिक स्ट्रेंथ R2C डबल बॉन्ड CR2 R2 C डबल बॉन्ड CHR R2 C डबल बॉन्ड CH2, फिर RCH डबल बॉन्ड CHR RCH डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये ऐसे आप लोग बेसिक स्ट्रेंथ में याद रखना। और क्या याद रख सकते हो, और आप लोग एनिलीन का बहुत फेमस पूछता है, वो एक आपका प्राइमरी दे देता है, CH3 दे देता है, दूसरा C2H5 देता है, ठीक है। तो CH3 देगा तो आप लोग क्या करना है, इम्पोर्टेंट है, सारा एग्ज़ाम को लेकर के ही बन रहा है ये लेक्चर, तो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम की ही बातें होगी। तो ये एग्ज़ाम में आपका 2020 या 2019 में ये पूछा है, CH3 अगर रहे तो हम लोगों का 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री NH3, और C2H5 रहे तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री NH3, ये हो जाएगा। और कुछ आप लोग याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, CH3 CHO और CH3O2CO, देख रहे हो, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अभी यहाँ पे बताया आपको, मेजोमेरिक हाइपर इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट, बढ़ाते जाओ, जितने नंबर ऑफ अल्काइल बढ़ेंगे उतने ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था बेसिक स्ट्रेंथ, CCl3 CHO CHCl2 CHO CH2 CL CHO CL3, नंबर ऑफ क्लोरीन जितना ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा डिक्रीज, उतना ज़्यादा आपका बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, ठीक है। CCl3 CHCl2 CH2 CL, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और एक याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर पूछे एसाइल से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए भी याद रखना, एसिड क्लोराइड क्लोराइड एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड ईस्टर अमाइड, ये याद रख सकते हो। बेसिक स्ट्रेंथ इस तरह जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ दो ही बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ H2O CH3BC CH 2017 में पूछा था, इसलिए ये वाला बता दे रहा हूँ, H2O CH3BC NH3 और फिर CH3BC CH2BC CH2 CH3 CH3, ये रहा आप लोगों का एक ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये पूछा है ये। और NCERT जरूर कर लेना, NCERT में एक और दे रखा है आप लोगों का, एक और आपका प्लस आई बढ़ाया, प्लस आई या माइनस आई बढ़ाया, और वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा गया, नीट 2018 का ये क्वेश्चन है, 18 या 17 में ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन, तो उसे आप लोग देख लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, ये आपका काम है करना, बता दिया, एक कार्बन चारों डिफरेंट एटम से कनेक्टेड हो तभी उसे कायरलिटी बोलेंगे। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर
फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं हमारे वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल्स आर, फ्री रेडिकल्स मतलब क्या, ये सी हो गया यहाँ पे, इसी को फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। और जितने भी फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो रिएक्टिव होते हैं, केमिकली रिएक्टिव होते हैं। एनायंस तो बोलेंगे नहीं, अब ऐसे करके आप लोग एनायंस बोल दो कि भैया ये भी तो नेगेटिव है, तो एनायंस मत कर देना एनायंस, ठीक है। केटायंस एनायंस केमिकली इनएक्टिव, ये तीनों कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 24 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये याद रखना एक चीज़, बेसिसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, बट लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो वहाँ पे दोनों हम लोगों का रिलेट करता है, मतलब दोनों डिक्रीज करते हैं। तो मोर बेसिक द स्पीसीज स्ट्रॉन्गर इज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, इतना हिंट देता हूँ, मोर बेसिक द स्पीसीज स्ट्रॉन्गर इज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। बाकी आप इसे सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है क्योंकि सारा कुछ बता ही दिया इसमें मैंने। जितना बेसिक होगा उतना ज़्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी, उतना ही स्ट्रांग होगा वो। अब क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 में वही है, फिर से वही सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीट किया 2005 में। द रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड ओ फास्टेस्ट, सी एल होगा, IUPAC, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड सोन बिलो, ये अब आप खुद से करो, अब सीख गए हो। क्वेश्चन नंबर 26, 26 में 27 सॉरी, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल का आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्या क्या होते हैं पहले ये समझो, हम लोगों का जो पॉजिटिव होता है उसे हम लोग कार्बन, कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उसे हम लोग कार्बो केटायन बोलते हैं, जो नेगेटिव पाए जाते हैं उसे हम लोग कार्बो एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बो एनायन, ठीक है। तो कार्बो केटायन कार्बो एनायन पर सबसे पहले याद रखो। और अगर हम लोगों के कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाए जाए तो उसे हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक ना। कार्बन के ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाए तो उसे हम लोग फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये जो होता है हम लोगों का नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पूछा है व्हाट इज कार्बन केटायन एंड व्हाट इज कार्बन एनायन, 2017 में ये पूछा गया था। तो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं नेगेटिव चार्ज रखते हैं, ये लड्डू सी क्वेश्चन नीट में पूछी जाती है, समझे। तो अब वहाँ से 2021 में मे बी वो लोग ऑर्डर पूछ सकते हैं। तो ऑर्डर अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कार्बोकेटायन कार्बो एनायन और इसका। कार्बोकेटायन में याद रखना कि हम लोगों का 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ऐसे लेकर के चलते हैं। फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री लेकर के चलते हैं, समझे ऐसे। पर कार्बोनायन में अगर इससे कंपेयर करें तो वो हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। बट कुछ चीज़ें हैं जिसके कारण ये फॉर्मूला कार्बोनायन में आप लोग याद मत रखना, समझे। इस चीज़ में कार्बोनायन में याद मत रखना, बट केटायन और फ्री रेडिकल में आप लोग ये लेकर के चलना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब पहले देख लेते हैं फ्री रेडिकल पूछा है, तो फ्री रेडिकल के लिए तो PH3C, PH2C, फिर PH2CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3C, 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 H2। यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने स्किप कर दिया बहुत जगह, तो वो हाइड्रोजन आप लोग देख लेना, समझे। ये हो गया आपका फ्री रेडिकल। अब आता है कार्बा केटायन, कार्बा केटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल ये कंपाउंड होता है CH2 प्लस, ये जो कार्बन पे होता है ना ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये उसके बाद फिर कुछ ऐसा रहेगा, ये थोड़ा कंपाउंड,
ये ऐसा कुछ कर लेना, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ये पॉजिटिव, टोटल इसमें 7 कार्बन है, ठीक है, 7 कार्बन है, याद रखना है। ये रिंग सही तरीके से बना नहीं है, तो टोटल 7 कार्बन, ये कुछ ऐसे रिंग होना चाहिए था, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसा कुछ करके ये फिर ज़्यादा चला गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो देख लेना, टोटल 7 कार्बन होंगे इसमें। यहाँ पॉजिटिव, उसके बाद फिर PH3, Hol3C पॉजिटिव, PH2, ये हो गया। फिर आप लोगों का होगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 पॉजिटिव, CH3 Hol3 C पॉजिटिव, देख लेना है। इससे ज़्यादा ये ऐसा ना कि 3 डिग्री 2 डिग्री पड़ के गए और ये दे दिया, इसे आप लोग स्टेबल कर दिए, इसे सबसे लेस में डाल दिए, मतलब CH3 CH2 उससे भी लेस इसे डाल दिए, तो गलत हो जाएगा। तो मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस, तो याद रखना है, समझे। उसके बाद CH3 Hol2 C पॉजिटिव H CH3 CH2 पॉजिटिव, फिर CH3 पॉजिटिव, ये आपका कार्बो केटायन का, कार्बोनायन का आता है, तो कार्बोनायन का आप लोग याद रखो। कार्बोनायन कैसे होगा, कार्बोनायन थोड़ा ट्विस्टेड है, खैर मैक्सिमम चीज़ें सेम ही है। नेगेटिव PH2 PH CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। अब जो ये कर रहे थे ना हम लोग, CH3 Hol3 C CH3 Hol2 CH3 CH2, फिर ये, तो बस इसी में पलट जाएगा। बस इतना के लिए मैंने आपको बताया था, बस इतना के लिए आप लोग ये कर सकते हो। इतना के लिए आप लोग 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर CH3-, ये ऐसे चल सकता। इसके बाद क्या होगा, यही होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या होगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा आपका CH3, सॉरी ये CH3-, यहाँ पे CH3-, देन 1 डिग्री CH3 CH2-, देन 2 डिग्री 2 डिग्री इसे बोलते हैं CH3 Hol2 CH-, 3 डिग्री इसे बोलते हैं CH3 Hol3 C-, ये हो जाएगा ऑर्डर, समझे। तो ये है आपका सारा कुछ, फ्री रेडिकल, कार्बो केटायन, कार्बोनायन, तो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा, फ्री रेडिकल को लेकर के। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, समझे। और बी एंड सी यहाँ पे देखोगे तो बी और सी दोनों सेम ही है, दोनों का दोनों कॉपी पेस्ट है, तो दोनों सही आंसर है। फिर यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है, CH3Br न्यूक्लियोफाइल है, CH3NuBr, यहाँ पे तो साफ साफ फिर से सब्स्टिट्यूशन ही दिख रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द एबव रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल A to D आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है, स्ट्रॉन्गर द एसिड द वीकर द कंजुगेट बेस फॉर्म्ड, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कंजुगेट बेस फॉर्म। अब कंजुगेट बेस
क्या है इसमें PHO- CCO- HO- CH3O-, इसका ऑर्डर याद रखना, ऑर्डर मैं बता दे रहा हूँ, ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ अभी पहले भी बताया था, CH3CO- C6H5O- OH- CH3O-, तो यहाँ से ये है आप लोगों का ऑर्डर। तो इस तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर आप लोगों का आ जाएगा सी, समझे, सी सबसे ज़्यादा CH3O-, फिर OH-, फिर PHO-, 6 6H5O- जो मैंने लिखा वही है, फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल, वो PH लिख दिया वहाँ पे, C6H5O-CH3CO-, ये है इसका ऑर्डर। जितना एसिड स्ट्रेंथ स्ट्रोंगर होगा, जितना एसिड स्ट्रोंगर होगा समझे, उतना ही कंजुगेट बेस जो होगा वीकर होगा। पीएच वगैरह ऑर्गेनिक में भी पढ़ना होता है, पीएच पढ़ना होता है, पी के ए पढ़ना होता है, पी के बी पढ़ना होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, के ए एंड के बी, एक एसिडिक स्ट्रेंथ एक बेसिक स्ट्रेंथ, समझे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग लेते हैं, ये सारा कुछ मैंने पढ़ा रखा, नोट्स में भी सारा कुछ दिया हुआ, टेंशन ना लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है ना उसको आप लोग देखते जाओ, उसका आंसर देखते जाओ, कॉन्सेप्ट देखते जाओ और टॉपिक लिखते जाओ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, क्या क्या हमें जानने की ज़रूरत है, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, द अल्किन फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट इन द एवव एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने आपको बता रखा है, सिटजेफ रूल आपको बताया है, सिटजेफ रूल और हॉफमैन्स रूल, सिन और एंटी एडिशन सारा कुछ ये बता रखा। हॉफमैन्स रूल क्या कहता है, हॉफमैन्स रूल कहता है कि जो हम लोगों का अल्किन लेस स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये कंपाउंड जो हीट यहाँ दे रखा ना, ये हम लोगों का हॉफमैन्स प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा, हॉफमैन्स प्रोडक्ट। तो हॉफमैन्स प्रोडक्ट में जो हम लोगों का लीस्ट स्टेबल अल्किन होगा, जो कि ये है दिख रहा है यहाँ पे लीस्ट स्टेबल है, तो ये हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट होगा। और सेटजेफ रूल क्या कहता है, सेटजेफ रूल कहता है कि जो हम लोगों का मोर स्टेबल अल्किन होगा वो हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर मान लो एग्जाम्पल से ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है क्लोरीन, ऐसा यहाँ पे मैंने दे दिया बेस और हीट करा दिया इसे, हीट को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक बन रहा है ये, और एक प्रोडक्ट बन रहा है ये, अब बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट ये होगा, माइनर प्रोडक्ट ये होगा, E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हैलोजन डेरिवेटिव्स बाई फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड आप लोग कर लेना, आप लोगों को मिल जाएगा, हैलोजन डेरिवेटिव्स बाई फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड, मेजर ये होगा बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, ये जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इससे, और किसके कारण हो रहा है, E2 मैकेनिज्म, सेट जेफ, यहाँ पे क्या लग रहा है, सेट जेट जेट सेफ, जेट सेफ रूल, अगर हम लोगों का वही यहाँ पे दे देता ऐसा ये चीज, तो हम लोग हॉफमैन्स रूल लगाते हैं, मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाता, मेजर प्रोडक्ट हो जाता हम लोगों का जो लीस लेस स्टेबल या लीस्ट स्टेबल होगा, समझे। हॉफमैन्स रूल और जेट सेफ रूल में क्या फ़र्क है, ये मोर स्टेबल अल्किन को मेजर प्रोडक्ट बनाता है, हॉफमैन्स रूल लीस्ट स्टेबल अल्किन को मेजर प्रोडक्ट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अमोंग दी थ्री मेन कन्फॉर्मेशन, इक्लिप्स, एंटी एंड गॉज फॉर्म, टू फ्लोरो इथेनॉल। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोगों का कन्फॉर्मेशन होता कैसे है, 60 डिग्री पे हम लोग रोटेट करते हैं, ये भी डला हुआ है आप लोग देख लेना, कन्फॉर्मेशन बाय फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड। ये होता क्या है कि हम लोगों का एक सर्कल होता है, सर्कल पे हम लोग ऐसे ऐसे कंपाउंड रखते हैं, उसके बाद एक पीछे में भी कंपाउंड डालते हैं, इसमें दो पेन चाहिए होगा, कुछ यहाँ पे दे दिया मैंने, मान लो एन ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशन समझते हैं हम लोग, एन ब्यूटेन,
तो एन ब्यूटेन को कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो इसका हम लोग कन्फॉर्मर्स लिखते हैं। तो जो CH3 हो गया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक CH3 हो गया यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन, समझे। तो ये तो मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, बट इसे ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा मतलब गॉड फॉर्म बोलते हैं ये स्टेबल होता है। किससे स्टेबल होता है, फुली इक्लिप्स से स्टेबल होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक याद रखना, 2017 में पूछा है कि जो हम लोगों का बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल जो होता है कन्फॉर्मर्स में, वो दोनों के दोनों सेम होते हैं इथेन के लिए। बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जो हम लोगों की ये एंगल है बीच का वो 60 डिग्री की होती है, और 60 डिग्री पे रोटेट करता है। कितने डिग्री पे रोटेट करता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे हम लोग रोटेट कराते हैं इसे, समझे। थर्ड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कैसे कैसे होगा, फुल्ली स्टेगर्ड, मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड। फुल्ली स्टेगर्ड इज मोर स्टेबल देन इक्लिप्स्ड, और स्टेगर्ड फुल्ली अगर हो तो उसे हम लोग एंटी फॉर्म भी बोलते हैं। एक स्टेगर्ड होता है और एक फुल्ली स्टेगर्ड होता है, जिसे हम लोग एंटी फॉर्म बोलते हैं फुल्ली स्टेगर्ड को। और ये पहला स्टेबिलिटी ऑर्डर है। दूसरा स्टेबिलिटी अभी मैं ये बनाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एन ब्यूटेन का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले क्या होगा, एक CH3 ऊपर रह जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सेकेंड हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, ऊपर की तरफ CH3, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो होगा ये हम लोगों का, ये जो कंपाउंड बनेगा ये हम लोगों का कंपाउंड इक्लिप्स्ड बनता है, इक्लिप्स्ड, ठीक है। ये हम लोगों का फुल्ली इक्लिप्स्ड बनेगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड, जो कि लेस स्टेबल होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री रोटेट कराएंगे। कितना, 60 डिग्री रोटेट कराएंगे, तो हम लोगों का ऐसा आएगा, ये देखो ये आएगा CH3 CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसे पकड़ लेना, ऊपर वाले कार्बन को पकड़ लेना, समझना व्हील है, पीछे से एक कार्बन के चेन को हम लोग रोटेट करा रहे हैं, समझे। और इसका यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो आएगा इसे हम लोग गॉच फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉच फॉर्म, जो कि मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल। चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना, मोर स्टेबल। फिर एक यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ हाइड्रोजन आएगा और यहाँ हाइड्रोजन आएगा। क्या किया हम लोगों ने, 60 डिग्री से रोटेट कराया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड बोलते हैं, सिंपल इक्लिप्स्ड। ये फुल्ली इक्लिप्स्ड है, ये सिंपल इक्लिप्स्ड है, इसे स्क्यू भी बोल देते हैं कभी कभी। फिर हम लोगों ने ये कॉन्फॉर्मर्स बना रहे हैं एन ब्यूटेन का, फिर हम लोगों ने इसे 60 डिग्री पे रोटेट कराया, तो यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये कुछ CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग फुल्ली स्टेगर्ड बोलते हैं, फुल्ली स्टेगर्ड। ये जो होता है हम लोगों का मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल, इसे हम लोग एंटी फॉर्म भी बोलते हैं, एंटी फॉर्म। ट्रिक के लिए याद रखना, CH3 CH3 आमने सामने हो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, CH3 CH3 एक साथ हो ऊपर में ही दिखाई दे रहा हो सबसे कम स्टेबल होगा, नॉर्मल सी बात है। 60 डिग्री अगर आपको रोटेशन दिख रहा होगा तो गॉच फॉर्म होगा, 120 डिग्री रोटेशन दिख रहा होगा तो आप लोगों का इक्लिप्स्ड होगा। IIT 2004, IIT एडवांस 2004 में एक क्वेश्चन पूछा था कि एन ब्यूटेन में हम लोग अगर 120 डिग्री की रोटेशन लगाते तो हम लोगों का कंपाउंड क्या बनेगा, कुछ भी कंपाउंड अगर वो दे देता
मान लो जरूरी नहीं है यहाँ से देगा, वो लोग अगर ये कंपाउंड दे देते हैं और उसके बाद बोलते हैं 120 डिग्री अगर हम लोग रोटेट करवाते हैं तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, तो इसको अगर 120 डिग्री रोटेट करवाओगे तो आप लोगों का स्ट्रक्चर कैसा आएगा, आप लोगों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, पहले तो 60 डिग्री करवाए तो ये यहाँ पे कार्बन आ गया, फिर 60 डिग्री करवाए तो यहाँ पे कार्बन आ गया, फिर 60 डिग्री करवाओगे तो कुछ ऐसा कार्बन आएगा, ऊपर का CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे आ जाएगा, रेड पेन से कर देता हूँ, CH3, ये CH3 आएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड आ जाएगा 120 डिग्री रोटेट कराने के बाद, 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 60 60 प्लस 60, 180 डिग्री। तो जैसे वो लोग आपसे पूछें वैसे आप लोग करना, मेनली 120 60 यही पूछेगा आपसे, ये दे करके 180 पूछ सकता है, और शेप पूछ सकता है कैसा बनेगा, और ऑप्शन ABCD दे सकता है, या तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा स्टेगर्ड है गॉच है या एंटी फॉर्म है, एंटी फॉर्म बार बार बता रहा हूँ, फुली स्टेगर्ड को एंटी फॉर्म भी बोलते हैं, तो इन चारों में स्टेबिलिटी क्या होती है, इन चारों की स्टेबिलिटी आपकी होती है एंटी, मोस्ट स्टेबल, देन गॉच, जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है देख लेना, इक्लिप्स्ड, फिर फुली इक्लिप्स्ड, फुली इक्लिप्स्ड, ये हो गया। अब एक कन्फॉर्मर साइक्लोहेक्सेन में भी बनते हैं, एक कन्फॉर्मर साइक्लोहेक्सेन में भी बनते हैं, साइक्लोहेक्सेन में कन्फॉर्मर क्या बनते हैं, स्टेबिलिटी देख लेते हैं, चेन, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर, हाफ चेयर, चेयर कुछ ऐसा होता है, इसे बोलते हैं चेयर, इसे बोलते हैं हाफ चेयर, इसे बोलते हैं बोट, इसे बोलते हैं ट्विस्टेड, ठीक है, ये यहां से फिर ऐसे हो रहा और ये यहां से फिर ऐसे हो रहा, ट्विस्टेड, इसे बोलते हैं हम लोग ट्विस्टेड। तो ये साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर्स याद रखना, स्टेबिलिटी याद रखना, ये मैक्सिमम यही जा सकता है, ये जेई मेंस की चीज़ें हैं, इतना नहीं पूछेगा, बस यही बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ ही पूछ सकते हैं, सेम है कि नहीं है, और क्या आपका है ये भी पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी वगैरह भी मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, हायर लेवल में कैसे क्या बनाना है, जा करके बना देना, सॉल्व कर देना, हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2-फ्लोरोइथेनॉल, फ्लोरोइथेनॉल या क्लोरोइथेनॉल जो देना है दे दो, बन जाएगा, करना क्या है, 2-फ्लोरोइथेनॉल, ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ 3 मेन कन्फॉर्मर्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो अभी तो बताया मैंने एंटी गॉच इक्लिप्स्ड, तो एंटी गॉच इक्लिप्स्ड, एंटी गॉच इक्लिप्स्ड, एंटी गॉच इक्लिप्स्ड देख लो, एंटी गॉच इक्लिप्स्ड, ऑप्शन नंबर सी, 30 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गलत हो जाएगा अगर सी करते हो तो। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है वो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों यहाँ पे एंटी लेस फॉर्म हो जा रहा है गॉच के कारण, लेस स्टेबिलिटी हो जा रही, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, जेई मेंस है ना इसलिए थोड़ा ट्विस्टेड है, तो यहाँ पे देख लो, बट कॉन्सेप्ट ये याद रखना एंटी गॉच इक्लिप्स्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो मैंने बताया, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, जो हम लोगों का गॉच फॉर्म है, गॉच फॉर्म कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, कहाँ बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे H रखेंगे, और यहाँ पे हम लोगों का फ्लोरीन रहेगा, और क्या बोल रहा है, इथेनॉल बोल रहा है, ऑल ऑल मीन्स अल्कोहल, ओ रहेगा यहाँ पे हम लोगों का, ओ रहेगा,
हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब क्या होगा भाई साहब, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, उस तरीका से उसी टाइम गॉच फॉर्म की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एनटी से। समझे? यही था यहाँ पे कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट पढ़ के जाओगे क्वेश्चन, वहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, अगर चीज़ें आएगी तब जा कर के क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो वहाँ पे नीट में भी अगर पूछता है तो थोड़ा दिमाग लगा लेना कि मे भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो क्या क्या ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है? ऐसा नहीं यहाँ क्लोरीन है तो क्लोरीन के साथ भी ऑक्सीजन बॉन्ड बना करके आ जाना, नहीं ये गलती मत करना। फ्लोरीन है, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है यहाँ पे आपका, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ये आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। समझे? ये आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण आप लोगों का स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है गॉच का, और गॉच मोर स्टेबल हो जाता है एनटी से, और बाकी इक्लिप्स लेस स्टेबल होता है। ठीक है, तो इससे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉच एनटी इक्लिप्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में आईयूपीएसी नेम है, ये कर लेना आईयूपीएसी नेम। और क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। कहने का मतलब है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा कंपाउंड है, तो ऑप्टिकली एक्टिव वही होगा जिसके पास कायरल कार्बन होगा। तो क्या यहाँ पे कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्टेड है, यहाँ पे कायरल कार्बन है, तो ये तो करेगा ही करेगा। बाकी और देख लेते हैं, यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है, जो ये कंपाउंड है वो ये कंपाउंड है, यहाँ पे कायरल कंपाउंड यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, कायरलिटी नहीं है, सेम ही आ जाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको कायरलिटी नहीं दिख रही है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड टू बिकॉज ऑफ कायरलिटी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रेजेंस ऑफ अ नाइट्रो ग्रुप इन अ बेंजीन रिंग एक्टिवेट्स द रिंग टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होता है, सो इट एक्टिवेट्स द रिंग टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज काइरल। तो अभी मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, स्ट्रक्चर यहाँ पे है साइक्लोहेक्सेन का कन्फॉर्मर्स, तो कहाँ पे आपको कायरलिटी दिखेगी? तो कायरलिटी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ट्विस्ट बोर्ड में, ट्विस्ट बोट में आपको कायरलिटी दिखेगा, बाकी कायरलिटी आपको कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ का इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ट्विस्ट बोट, द एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ एब्सोल्यूट कन्फर्मेशन, जो स्टार्टिंग में मैंने समझाने की कोशिश की थी आर एंड एस, यहाँ पे जो आप लोगों को समझाया था आर एस, ये अभी बताता हूँ कैसे क्या होता है। यहाँ कंपाउंड देख लो क्या दिया हुआ है, ये कुछ ऐसा दे रखा है, ये मैंने बता रखा है, ये सारा कुछ करवा रखा है, आप लोग जा करके देख सकते हो। कॉन्फ्यूगुरेशन आर एंड एस बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड। ठीक है, तो ये आ गया, ये आप लोगों का दे रखा। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? इसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर हम लोगों का क्लॉकवाइज होगा तो आर बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हम लोगों का एस बनता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और हम लोग कैसे करते हैं? एटॉमिक नंबर से काउंट करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं किसको? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे हम लोग प्रायोरिटी देंगे। क्लियर है? मान लो जैसे यहाँ कार्बन है, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो कुछ यहाँ पे क्लोरीन दे दो, यहाँ पे फ्लोरीन दे दो, आयोडीन ब्रोमीन कुछ ऐसा जाएगा, 1 2 3 4 कुछ ऐसा जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये हम लोगों का एस। ठीक है, और क्लॉकवाइज होता है तो हम लोगों का आर। ये इस तरीका से हम लोग करते हैं, बट जेई मेंस का क्वेश्चन है तो थोड़ा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही लगेगा। तो इस कार्बन को पकड़ लो, इस कार्बन को पकड़ो, यहाँ से अगर कार्बन काउंटिंग करोगे तो सबसे पहले वन नंबर पे ये आएगा, ओ एच आएगा,
सेकेंड नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड नंबर पे कार्बन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कार्बन है। फिर आप लोगों का क्या आएगा, इस कार्बन के बाद ये कार्बन आएगा, इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन आएगा, और इस कार्बन के बाद भी ऑक्सीजन आ सकता है। तो मान लो ऑक्सीजन लूँगा बिकॉज इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन हो गया, बट फिर इस कार्बन के बाद दूसरा ऑक्सीजन ही है, बट इस कार्बन के बाद सेकेंड नंबर पे आपको ये कार्बन लेना पड़ेगा। ध्यान से समझना चीज़ों को, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इस कार्बन के लिए प्रायोरिटी देना है, तो सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन 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 से सबसे बड़ा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन वन। दूसरा, इस कार्बन से एक कार्बन जॉइंट है और एक ऑक्सीजन जॉइंट है, फिर यहाँ एक कार्बन जॉइंट है, तो बड़ा कौन सा होगा? इस कार्बन से एक कार्बन जॉइंट है, फिर ऑक्सीजन जॉइंट है, फिर एक कार्बन जॉइंट है, और यहाँ पे एक कार्बन है। तो इसमें हम लोग नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि इस कार्बन से एक कार्बन ये आ जा रहा है, फिर ये कार्बन आ जा रहा, समझ रहे हो ना? तो फिर दूसरा देखते हैं कि इस कार्बन के साथ क्या कनेक्टेड है। तो इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो इस कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो ये भी नहीं होगा। फिर देखेंगे दोबारा, तो फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे O2 है, बट इस कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन है, और दूसरा अगर देखते हैं तो वहाँ पे कार्बन आ जाएगा। तो कार्बन बड़ा है या दूसरा वाला है, यहाँ ऑक्सीजन बड़ा है, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन बड़ा है, तो पॉइंट नंबर 2 इसे दे देंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना, गड़बड़ करके ना आना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। और तीसरा पॉइंट हम लोग इसे दे देंगे, तीसरा पॉइंट हम लोग इसे दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग रोटेट करवाते हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो ये हम लोगों क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो रहा है आर, तो हम लोगों का एक मिल गया आर। दूसरा हम लोग देखते हैं, इस कार्बन से अगेन वही होगा, सिमिलर जाएगा, इस कार्बन से देखो तो ये हो जाएगा वन, दूसरा हो जाएगा ये, तीसरा हो जाएगा ये, समझ में आ गया सारा कुछ, सिमिलर ही है वही, फिर ऑक्सीजन कार्बन काउंट करना, तो ये हम लोग ऐसे जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे होना चाहिए हम लोगों का एस, बट ये एस नहीं होगा। क्यों एस नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जो वन नंबर पे मोस्ट प्रायोरिटी में जो आती है वो हमेशा वेज में होना चाहिए, यही था कॉन्सेप्ट, वो कभी डैश पोजीशन पे हम लोग हायर प्रायोरिटी को नहीं लेंगे, वो हमेशा वेज पोजीशन पे होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रोटेट करवा देंगे, ठीक है, और जैसे ही रोटेट कराएंगे टोटली चेंज हो जाएगा। तो उतना वहाँ पे जा करके रोटेट करवाना, दोबारा स्ट्रक्चर लिखना, वो सब कुछ मत करना। नॉर्मली आप लोग एस आएगा तो आर कर देना, आर आएगा तो एस कर देना, मैक्सिमम चांसेस है, 99% चांसेस है आपके क्वेश्चन सही होंगे, समझे? तो बस इतना काम करना, अगर एस आ रहा है और वेज पे फर्स्ट वाला जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमारी वेज पे नहीं है, डैश पोजीशन पे है, तो हम लोग इसको आर कर देंगे। एग्जामिनर वही करवाना चाहता आपसे, तभी उसने ऐसा कुछ दिया, समझे? बाकी एक बार करके आप क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं, मैक्सिमम केस में यही आएगा, तो ये हो जाएगा आर, तो आर आर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, आर आर। अब मान लो जैसे और एक कंपाउंड दे दे, अगर वो आगे आएगा, आगे एक क्वेश्चन आएगा, CH2OH, जो मैंने वहाँ पे बताया था क्यों चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे CH3, Cl, हाइड्रोजन, OH और हाइड्रोजन, और एक यहाँ पे CH2OH, यहाँ CH3, Cl, H, OH और हाइड्रोजन। वो हमसे पूछ दिया कि ये वन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये फोर, अगर और हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2 और 3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 2 3 का कॉन्फ़िगरेशन के लिए पहले हम लोग 2 देखते हैं, तो 2 नंबर का कार्बन को पकड़ते हैं और हम लोग मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रायोरिटी सबसे पहले एटॉमिक नंबर के हिसाब से देखते हैं, जिसका ज़्यादा उसका प्रायोरिटी 1 दे देंगे, तो ये हम लोगों ने दे दिया 1।
फिर उसके बाद क्या देंगे, फिर हम लोग टू देंगे ये, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। फिर कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, बट कार्बन के बाद क्लोरीन है, तो ये हो गया टू, और ये हो जाएगा थ्री। तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों का क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या बताया, आर, ठीक है। फिर थ्री करते हैं, तो थ्री में हम लोगों का क्या हो जाएगा, थ्री में हम लोग इसके लिए, ये कार्बन है तो इस कार्बन के लिए हम लोगों का सबसे पहले हो गया वन, फिर हो जाएगा ये टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, बट ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है। कार्बन कार्बन में तो कर लोगे आप लोग कि दोनों सेम है, बट ये कार्बन अगेन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जा रहा है, और ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो रहा है, जिसके कारण प्रायोरिटी इसको ज़्यादा दे दोगे और इसे कम, तो ये हो जाएगा थ्री, 1 2 3। तो इसे रोटेट करवाओगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये आ गया थ्री नंबर एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया एस। अब ऐसा करके आओगे तो ऐसा हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम लोगों ने इसमें कॉन्सेप्ट सीखा कि कभी भी हम लोगों का वेज पे ही प्रायोरिटी होना चाहिए, उसी तरह हम लोगों का वर्टिकल लाइन पे ही नंबर वन वाला होना चाहिए। जो एटॉमिक नंबर ज़्यादा है वो वर्टिकल लाइन पे ही हम लोग लेंगे, ये जो है ना, इसे हम लोग वर्टिकल बोलते हैं और इसे हॉरिजेंटल बोलते हैं। मुझे मालूम है आप लोगों को मालूम है, बट फिर भी बता दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, समझे। तो बस कुछ नहीं करना है, इसे चेंज कर दो, आर के जगह एस कर दो, और इसे आर कर दो, 2s3r। ये क्वेश्चन आएगा जेई मेंस 2013 या 12 या 14 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आ गया, आप लोगों को मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक ही बार देख लेते हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट आता है तो एक ही बार देख करके ख़त्म करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन वो जो चाहे वो पूछ सकते हैं, आप लोग सॉल्व करके आ जाओगे, एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा। अब आता है द इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव अटैच दी बेंजीन रिंग टू जनरेट द इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है उसकी बात कर रहा है। ऑफ द फॉलोइंग विच कॉम्प्लेक्स इज लोएस्ट एनर्जी, किसका लोएस्ट एनर्जी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 में आप लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो लेस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, उसका एनर्जी जो होता है वो ज़्यादा होता है। लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स की एनर्जी ज़्यादा होता है, और जो जो आप लोगों का मोस्ट स्टेबल होते हैं उनका एनर्जी कम होता है, जो मोस्ट स्टेबल होते हैं उनका एनर्जी कम होता है। और मोस्ट स्टेबल यहाँ पे कैसे होगा, आप लोग कैसे पता लगाओगे, सोचो। जो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा ना, NO2, NO2 के कारण जो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वो हम लोगों का ये NO2, 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 इसके कारण जो ऑर्थोमेटा पारा पे जो दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म करेगा वो हम लोगों का लेस स्टेबल होगा जो बेंजीन है उससे, समझे। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, पहले भी ये आपको बताया मैंने। तो ये जितने हैं ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा, एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। ये मोस्ट स्टेबल है, एनर्जी इसकी कम होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, 37 में क्या बोल रहा है, दी करेक्ट क्वेश्चन नंबर 37, दी करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिक। हाँ, ये थोड़ा सा याद रखना, ये मैं बता देता हूँ। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर IUPAC नेम में पूछता है तो COOH, SO3H, सी डबल बॉन्ड ओ, NH2, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपकी प्रायोरिटी, समझे, IUPAC के लिए, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, कार्बेनायन बता दिया, अब कर लेना आप लोग सॉल्व। फ्री रेडिकल, कार्बाकेटायन, कार्बेनायन बता दिया। द अल्किन डेट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी बता दिया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में देखने मिलता है, जो कार्बन पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है उस कार्बन
दो डिफरेंट एटम से कनेक्टेड होने चाहिए, वो कार्बन दो डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड होने चाहिए तभी होगा। तो 40 में अगर हम लोग बना करके देखें तो 40 में 2-मिथाइल प्रोपीन होगा नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, 2-मिथाइल प्रोपीन 2-ब्यूटीन बनाते हैं, 2-ब्यूटीन CH3H, 1, 2, 3, 4 टू पे है इन 2-ब्यूटीन, ये हो गया सिस। और इसका इसका आप लोग ट्रांस बना सकते हैं, हाइड्रोजन CH3, CH3 CH3, ये हो गया आप लोगों का ट्रांस, समझे? तो सिस और ट्रांस ऐसे करके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर अ कंपाउंड। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद से सॉल्व करना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n। कब ये करते हैं? जब हम लोगों का कायरिलिटी होती है, वो जब कायरिलिटी होती है वो हम लोगों का ऑड नंबर, वो हम लोगों का क्या होता है, दो अलग इक्वल पार्ट में नहीं जुड़ा डिवाइड होता है। जहाँ पे कायरिलिटी होती है ना कार्बन पे, उसे आप लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे सी यहाँ पे सी, तो ये आप लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसे, समझ रहे हो? इस कार्बन से ऐसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं अगर सी दे दूँ और यहाँ पे CH3 दे दूँ और यहाँ पे C2H5 दे दूँ, तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना? यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ अच्छी चीज़ें देखो, जहाँ डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा, समझे? तो ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा और ऑप्टिकल भी शो करेगा। कितने होते हैं? फॉर्मूला बताया हुआ है, नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ द कंजुगेट बेस, ये मैंने बेसिसिटी का ऑर्डर आप लोगों को बता दिया है, बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे होता है कंजुगेट बेस, तो ये आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने बोला था CH3 - R- यहाँ पे जो है ना CH3 - CH3 - NH2 - ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये ऐसा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, RCOO- ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड किसका ज़्यादा होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना ट्रिपल बॉन्ड में, NH2 - R- यहाँ पे CH3 दे रखा है R की जगह। आउट ऑफ द फॉलोइंग द अल्किन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अगेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहाँ कायरल कार्बन आप लोगों को दिखेगा वो आप लोगों का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो कायरल कार्बन कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे क्या दिखेगा? 3-मिथाइल 2-पेंटीन नहीं दिखेगा, 3-मिथाइल 2-पेंटीन में आप लोगों को नहीं दिखेगा कायरल कार्बन, ठीक है? फिर आप लोग देख लो दूसरे वाले में, 4-मिथाइल 1-पेंटीन यहाँ पे भी नहीं, 3-मिथाइल 1-पेंटीन यहाँ पे आप लोगों को कायरल कार्बन मिल जाएगा। स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ 3-मिथाइल 1-पेंटीन का, तो ये देख लो 3-मिथाइल 1-पेंटीन CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH2 CH3, ये कायरल कार्बन आप लोगों को मिल जाएगा। 2-मिथाइल 2-पेंटीन 2-मिथाइल 2-पेंटीन यहाँ पे कायरल कार्बन मिलना इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 43, क्यों इम्पॉसिबल है? दोनों डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग पार्ट में, ठीक है? एक कार्बन दो सेम एटम से कनेक्टेड है इसलिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2-मिथाइल 2-पेंटीन 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही इन है, तो वो आप लोग करके देखना, HH आ जाएगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड डेट एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और आप लोगों का C डबल बॉन्ड O और N डबल बॉन्ड O से रहना चाहिए, केटो और इनोल फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोगों का ब्यूटीन, ब्यूटीन तो होगा, या तो बहुत आसान है यार, केटो और इनोल, या तो सी होगा या तो डी होगा, एसिड और इन आइन का कुछ है नहीं, केटो और इनोल होता है, और केटो ही आपको शो करता है टोटोमेरिज्म। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी ये CH3 2 पे पेंट होना है, 2
पेंटोन, पेंटानोन, CH2, CH3। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? तो जो भी कार्बन ग्रुप से कनेक्टेड है उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, और उसके बगल वाले को बीटा बोलते हैं, देन गामा बोलते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर कोई पूछे आपसे, तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 5 होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और ये होता है केटोफॉर्म। तो अल्फा हाइड्रोजन है, एसिमेट्री है, आप लोगों का इक्वल पार्ट में बटेगा नहीं, प्लस आप लोगों के लिए और क्या चाहिए था टोटोमेरिज्म के लिए, ये वाला ऐसा होना चाहिए था और ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये मस्ट है एटम में, ये आपको प्रेजेंस होना चाहिए इसका, ठीक है, कंपाउंड में। तो ये आपका 5 हाइड्रोजन है, केटो हो गया। और इनोल में बना देता हूँ यहाँ अच्छे से, क्या था, H3 C C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। इसका टॉटोमेरिज्म ये क्या है, ये केटो फॉर्म है। इनोल फॉर्म क्या होगा, इनोल फॉर्म ओ एल आ जाएगा। ओ एल कैसे आएगा, ये हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे, ये भाई साहब यहाँ पे जाएंगे, नेगेटिव आएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है ये हम लोगों का यहाँ कार्बन पे आएगा नेगेटिव, हाइड्रोजन प्लस आ जाएगा, हाइड्रोजन प्लस आ करके ये यहाँ पे जा करके ज्वाइंट होगा, और ये जो कार्बन पे नेगेटिव आया था वो कार्बन यहाँ पे आके पाई बॉन्ड बना लेगा। ये मैकेनिज्म है इसका। तो यहाँ पे H3CCOH डबल बॉन्ड CCH3CH2CH3, ये हो गया इनोल फॉर्म, समझ गए कैसे क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों का ठीक है, ये हो गया, वो मैं चेक कर रहा था, 2 पे होना है। अब सॉल्यूशन ऑफ 1-1-क्लोरो-1-फिनाइल-इथेन इन टूलिन रेसिमाइजेस स्लोली इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HBlC5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 2 इक्वी मोलर इनेंसियोमर का मिक्सचर DNL फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन या रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो बोल रहा है उससे कर ही लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है CH3 और यहाँ पे फिनोल, ये कुछ ऐसा है, C6H5 है, फिनाइल फिनाइल इथेन, फिनाइल इथेन, वन वन क्लोरो वन फिनाइल इथेन, वन क्लोरो वन फिनाइल इथेन, ठीक है, वन क्लोरो वन फिनाइल इथेन। अब प्रेजेंस ऑफ टोलिन, टोलिन इसे बोलते हैं, CH3 से टूलिन बोलते हैं, HBCl5 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों का पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होगा, यहाँ पे अब देखो अब होगा क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को यहाँ ले जाएंगे क्लोरीन के पास, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो माइनस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे अब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पे जैसे ही जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और अब क्या होगा, हम लोगों का क्लोरीन नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे हम लोगों का HBCl5 खाली बैठा हुआ है, तो HBCl5 के साथ क्या करेगा, HBCl5 के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये हम लोगों का क्या होगा, ये हम लोगों का कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको,
CH पॉजिटिव CH3 प्लस SbCl6। अब SbCl6 से एक क्लोरीन यहाँ डाल देंगे हम लोग, इसी को कहते हैं ये जो रेसमाइजेशन है ना, इक्विमोलर DNL फॉर्म, यही है अभी DNL फॉर्म ही बनेगा आप लोगों का। तो फिर यहाँ पे फिनोल, यहाँ पे CH के साथ CH3 प्लस SbCl5, यही और कुछ नहीं है, समझे। PH CH CH3 और ये Cl, ये कंपाउंड आप लोगों का बनेगा। इक्विमोलर नंबर ऑफ इनेंसियोमर्स डी एंड एल फॉर्म, टेस्टीरियो और लेटीरियो। तो ये क्या हो गया 45 में, 45 में आप लोगों क्या बन रहा है अभी देखे ना, क्या बनाया था मैंने, कार्बो केटायन और कार्बो केटायन पे क्लोरीन आ करके कनेक्ट हो रहा। द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 46, द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बो केटायन, अगेन ये रिपीट क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। 46 47 न्यूमरिकल है, बहुत ही आसान है, ये आप लोग खुद से कर लेना, यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कैसे क्या करना होता है। डूमास प्रोसेस, खेजाल्ड मेथड में फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, परसेंटेज ऑफ एन इक्वल टू 1.4 इंटू एम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं, इवॉल्व अमोनिया वाज ऑब्जर्व सल्फ्यूरिक एसिड है, द अनरिएक्टेड एसिड इतना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का पूछा जा रहा है आपसे परसेंटेज, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हो गया। और हम लोग एक दो और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ आपसे, खेजाल्ड के लिए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन पूछा जा सकता है, खेजाल्ड में 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज इन मिली लीटर इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और फॉर्मूला याद रखो, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में आपसे नॉर्मली पूछ दिया था कौन सा खेजाल्ड देगा और कौन सा नहीं देगा, डूमास मेथड भी देख लेना, ठीक है आप लोगों का। खेजाल्ड मेथड में फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में यूज आता है, और दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर कंपाउंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप्स एंड एजो ग्रुप्स, दिस मैथड कैन नॉट बी यूज फॉर कंपाउंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप और एजो ग्रुप, ठीक है। डाइजोनियम, एजो किसे बोलते हैं, एजो ग्रुप आप लोगों का जो OH और NH2 का डिटेक्शन में मदद करता है, कपलिंग रिएक्शन अगर पढ़े होगे तो कपलिंग रिएक्शन में आप लोगों को मालूम होगा एजो किसे बोलते हैं, ठीक है। डाइजोनियम क्लोराइड यार ये N2Cl- और आप लोग NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या HCl एनिलीन अगर रहेगा, NH2 रहता तो HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आप लोगों का एजो डाई बनता, समझे। तो नाइट्रो और एजो डिटेक्ट नहीं कर पाता ये, ठीक है, मतलब फॉर्म नहीं कर पाता, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर कंपाउंड हैविंग नाइट्रो और एजो ग्रुप एंड नाइट्रोजन इन द रिंग, किसके रिंग में, पाइरिडीन एंड क्यूनोल, इम्पोर्टेंट है ये नीट 2021 के लिए, JEE 2018 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना। और इसमें कुछ और कुछ इसमें नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना, 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज्ड इन मिलीलीटर इंटू नॉर्मलिटी ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड,
ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल लो, H2SO4 60 × m/10 × 2 जो दिया हुआ है 12 आ जाएगा। फिर आप लोगों का NaOH दिया हुआ है, तो NaOH 20 × m/2 10 = 2, तो एम इक्विवेलेंट आप लोग निकालो, वॉल्यूम ऑफ यूज इन मिलीलीटर, एम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 12 − 2 = 10, बाकी 1.4 × 10 / 1.4 = 10%, ये हो जाएगा आंसर 10%। क्वेश्चन नंबर 48 एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बार बार बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 49 ये कर लेना खुद से, ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। ड्यूमास मेथड भी देख लेना, ड्यूमास मेथड भी इम्पोर्टेंट है, वो देख लेना। और उससे एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लिख लो थोड़ा सा, जो ड्यूमास मेथड है, दिस मेथड कैन बी यूज टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 मैंने करा दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 50 ये जो आपको कराया था वही सेम क्वेश्चन है, द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 पूछा है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग, क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, द डिस्टिलेशन टेक्निक यूज मोस्ट सूटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट आयन इन सॉप। तो देख लो कितने तरह के डिस्टिलेशन होते हैं, वो डिस्टिलेशन यहाँ पे देख लो, यहाँ समझ लो आप लोग डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल राइटिंग मेरी थोड़ी अब यहाँ से चेंज नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, तो जो है जैसा है बस पढ़ो, ठीक है, और आपकी भी बिगड़ेगी, ये सबका है, ये सबके साथ होता है। सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। एक बात और, अगर UPSC देना है तो राइटिंग थोड़ा सही रखना, ठीक है, राइटिंग थोड़ा सही रखना है UPSC अगर देना है तो। बाकी अगर मैंने भी देखा, वो सारा कुछ देखा, कोई कुछ नहीं लगा, बाद में चीज़ें समझ में आई, 500 गुना ज़्यादा ऊपर है, ये एक अलग प्राइड है और एक अलग चीज़ है, समझे। मेडिकल एक डॉक्टर होना बहुत बड़ी चीज़ है, और आज के टाइम में बता दिया कि हाँ जो भी किया सही किया, समझे, जो भी डिसीजन था सही था। तो अब आ जाओ यहाँ पे, सिंपल डिस्टिलेशन, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट कितना होना चाहिए, 30K का होना चाहिए, और 30K से ज़्यादा हो सकता है व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट इन 10K, इस 10K। अब इसमें सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, मिक्सचर ऑफ इथर एंड टोलिन, और मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड टोलिन, यही आपसे पूछा जा सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री और एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर व्हेन लिक्विड बॉइल्स एट हायर टेम्परेचर एंड इट मे डिकम्पोजेस बिफोर बॉइलिंग पॉइंट इज अटेंड। और इसमें क्या क्या आपसे पूछ सकता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर जूस, रिकवरी ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंटाइन, जो कि यहाँ पे पूछा। द डिस्टिलेशन टेक्निक यूज मोस्ट सूटेड फॉर सेपरेटिंग ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट आई इन द सोप इंडस्ट्री इज डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। फिर आता है स्टीम डिस्टिलेशन, व्हेन ये मैं भी भूल गया क्या है, व्हेन सब्सटेंस इज इमिसिबल, ये होगा, व्हेन सब्सटेंस इज इमिसिबल, व्हेन हाँ ये व्हेन द सब्सटेंस इज इमिसिबल विथ H2O एंड स्टीम वोलाटाइल, व्हेन सब्सटेंस इज इमिसिबल विथ H2O, H2O मतलब वाटर एंड स्टीम वोलाटाइल, नेप्थलीन यहाँ पे याद रखना आप लोग, एनिलीन फ्रॉम वाटर, टर्पेंटाइन ऑयल, नाइट्रोबेंजीन, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये सारे एग्जाम्पल याद रखना, ऐसे पूछा जाएगा। तो आपका यहाँ पे GOC होता है कंप्लीट।
मेनली आप लोगों ने देखा होगा तो आइसोमेरिज्म पे फोकस ज़्यादा था। डिस्टिलेशन मैंने लिख के दिया था कि डिस्टिलेशन भैया पढ़ लेना, आएगा, और वो 2020 में आया था नीट में। आइसोमेरिज्म पे फोकस ज़्यादा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोगों ने सीखा, टोटोमेरिज्म पे फोकस ज़्यादा था, टोटोमेरिज्म हम लोगों ने सीखा, और हम लोगों ने क्या क्या सीखा, और हम लोगों ने सीखा कायरल कंपाउंड किसे बोलते हैं, मेजो किस में बोलते हैं, रेशमी मिक्सचर पे ज़्यादा फोकस था, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिग्रेशन आइसोमेरिज्म पे ज़्यादा फोकस था। IUPAC नेम बार बार पूछे जा रहे थे, IUPAC नेम बता दो। हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा रहा था, SP2 है, SP3, हाइब्रिडाइजेशन बता दो। और क्या क्या पूछा गया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा गया था बार बार, न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यू सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा गया था। और आपसे और आप और आपसे और आपसे क्या क्या पूछा गया था, और आपसे फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन, कार्बाइनायन का स्टेबिलिटी पूछा जा रहा था। बस यही सारे क्वेश्चन थे। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं GOC से, समझे? तो इतना निकाल लो तो GOC हो जाएगा, यहाँ पे GOC कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स में जेई मेंस का अगर पेपर देखोगे तो जेई मेंस के पेपर में ज़्यादा कुछ है नहीं। आप लोगों को इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में आपको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कुछ कॉन्सेप्ट है, अगर वो कॉन्सेप्ट और रिएक्शन आप समझ लेते हो और उसे याद कर लेते हो, याद कुछ करना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी ही पड़ेगी, और बाकी कॉन्सेप्ट आप अगर समझ लेते हो तो समझो कि आपका हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हाइड्रोकार्बन जेई मेंस, बाकी एक बार नीट का आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, समझे? तो अभी हम लोग, क्योंकि देखो जैसे ओजोनोलाइसिस आपको बताऊंगा तो वही ओजोनोलाइसिस क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है, तो कोशिश करना कि खुद से करना। O3 होगा तो यहाँ पे आप लोगों का ओजोनाइड बनेगा, ओजोनाइड के बाद H2O जेडन डाल दो तो ओजोनोलाइसिस हो जाता है, और ओजोनोलाइसिस में आपका क्या बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोडक्ट बनता है, एल्डिहाइड बनता है, और आप लोगों का अल्कोहल OH बनता है, ठीक है? एक एल्डिहाइड बनेगा और एक आप लोगों का, सॉरी, एक एल्डिहाइड बनेगा और एक केटोन बनेगा। कार्बोनिल, एल्डिहाइड और केटोन को बोलते हैं, ना कि अल्कोहल को बोलते हैं। तो एक एल्डिहाइड और एक केटोन बनेगा, तो वो ओजोनोलाइसिस का कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या देखेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस, समझे? सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे हाइड्रोकार्बन पे, बाकी न्यूमेरिकल आप लोग कर लेना सॉल्व। अल्केन्स में सबसे पहले देखना है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जितना इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा उसे आप लोग मार्क कर लेना, और ये समझो कि पूरा करवाने में बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, इसलिए थोड़ा स्पीड जाएंगे हम लोग। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्केन, सबसे पहले RCH2 डबल बॉन्ड CH2, RC CCH, तो H2 और प्लेटिनम डाल करके उसे हम लोग रिड्यूस करवा देते हैं और अल्केन बन जाता है। ऑक्सीडेशन होता है, तो हम लोगों का ऑक्सीडेशन अगर करवाओगे अल्केन का तो हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, अल्कोहल को फर्दर आप ऑक्सीडाइज करवाओगे तो केटोन बनाओगे, अगर 2 डिग्री होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ केटोन पे जा करके रुक जाएगा, समझे? 3 डिग्री होगा तो वो फर्दर केटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी ऑक्सीडेशन के बाद फॉर्म कर लेगा, चीजें समझना। ये थोड़ा ऑक्सीडेशन करवाओगे 2 डिग्री पे तो केटोन पे जाके रुक जाएगा, 3 डिग्री पे करवाओगे, 1 डिग्री पे करवाओगे तो वो पूरा कार्बोक्सिलिक बनेगा, समझे? तो अल्केन में सबसे पहले H2P2PT डाल दिए प्लेटिनम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में, तो अल्केन बन जाएगा। उसके बाद NCERT में आपके 4 रिएक्शन दे रखे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर ऊर्जी रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, जितना मैं मार्क करूंगा बस उसे आप लोग कर लेना। तो ये आप लोग पूरा का पूरा 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट
कर लेना, अच्छे से समझ लेना, खास करके उजी रिएक्शन। सोडियम ड्राई ईथर कैटलिस्ट होता है, दिमाग में याद रखना। और यहाँ पे अल्काइल हेलाइड है, एक्स मतलब क्या हो सकता है, एक्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन फ्लोरीन, यही हो सकता है एक्स के जगह, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड में अगर हम लोग सोडियम ड्राई ईथर डालते हैं, उसे उजी रिएक्शन कहते हैं। जो प्रोडक्ट आती है अल्केन आती है, रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे तो अल्केन आएगा। जेडेन अगर डालते हैं, और R-X फ्रैंकलैंड रिएक्शन बोलते हैं इसे, लिथियम कॉपर आयोडाइड और RX डालते हैं इसे, कोरी हाउस रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरी हाउस रिएक्शन। ये भी जेई मेंस में आप लोगों का पूछा गया, इतना कर लोगे ना जेई मेंस का पेपर लड्डू लगेगा, वो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो उससे उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इस पर टाइम इन्वेस्ट किया जाए, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, और क्वेश्चन आप लोग इजिली एग्जाम में जो पूछेगा वो सॉल्व कर पाओगे, समझे। RCH2I, RCH2OH, RCHO, RCOOH। जैसे अल्केन को मैंने पहले भी कहा कि अल्केन को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो क्या क्या बना सकता है, अल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक बनाएगा, 2 डिग्री रहा तो वो केटोन भी बनाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस अगर इन लोगों को करवाओगे, तो सबसे पहले रिड्यूस अगर करवाओगे तो मान लो अगर कार्बोक्सिलिक है RCOOH, तो ये कार्बोक्सिलिक रिड्यूस हो जाएगा आपका केटोन में, नहीं तो फिर एल्डिहाइड में, तो RCHO, फिर यहाँ से आप लोगों का रिड्यूसिंग आएगा RCH2OH, फिर आप लोगों का रिड्यूसिंग आएगा अल्केन, ठीक है। इस तरह करके रिड्यूसिंग एजेंट लाइन वाइज चलते रहता है, तो इसे थोड़ा याद रखना। RCH2I, RCH2OH, RCHO, ये क्या चाहिए, एल्डिहाइड, RCOOH कार्बोक्सिलिक, रेड फॉस्फोरस प्लस HI डाल देते हो तो आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा अल्केन। RCHO और RCOR, जेडेन प्लस HgHCl डाल देते हैं तो आपका जो फॉर्मेशन होता है अल्केन का होता है प्रोडक्ट, और इसे हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। जेडेन प्लस HgHCl, जेडेन प्लस HgHCl क्लेमेंसन रिडक्शन में कैटलिस्ट की तरह यूज़ किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर RCOR डालते हैं एल्डिहाइड के जगह, RCOR डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड ओ आर आर सी डबल बोन ओ आर, CH3 यहाँ हो गया, CH3 यहाँ हो गया, इस्टर या आप लोग केटून बोल लो, तो यहाँ पे NH2 डालेंगे कैटलिस्ट में, तभी हम लोगों का अल्केन आएगा। तो याद रखना एल्डिहाइड रहा तो ZN प्लस HgHCl, RC डबल बोन ओ सी आर रहा तो NH2 कैटलिस्ट यूज करेंगे, समझे। और क्लेमेंसन रिडक्शन में आप लोग एल्डिहाइड केटून दोनों यूज कर सकते हैं, और अल्केन का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना। कार्बोक्सिलिक NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम हीट करके आप लोग अल्केन बना सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। RCOOH कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करके अल्केन बना सकते हो। लास्ट में ग्रिगनार्ड दिया, RMgX Hz एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ से अल्केन की फॉर्मेशन होती है। अब अल्केन की केमिकल रिएक्शन, ये जो है ये केमिकल रिएक्शन है अल्केन का। तो अल्केन को अगर कंप्लीट ऑक्सीडाइज करवाया जाए तो NCO2 प्लस N+1H2 बनेगा। कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, KMnO4 डाल करके कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करवाया जाए तो R3COH की फॉर्मेशन होगी। R3COH, इसका कहने का मतलब है 3 डिग्री, जो कार्बन के साथ OH रहेगा वो 3 डिग्री रहेगा। R3 CH3 CH3 CH3, ये मोस्ट स्टेबल होता है, इसे याद रखना। अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछेगा ना, कभी ग्रुप दे देगा कार्बन के साथ कंटेन कनेक्ट करा करके और पूछेगा स्टेबिलिटी बताओ, तो ऐसा देगा, ऐसा हो गया फिर CH3 होल 2 COH, फिर आप लोग क्या करना, CH3 CH2 OH, ठीक है, H होगा CHOH। तो ऐसे स्टेबिलिटी करना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये जेई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है। एक ग्रुप लगा देता है, 3 2 1 करके दे देता है और पूछता है कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो 3 डिग्री की ज़्यादा होगी, 2 डिग्री की ज़्यादा होगी, 1 डिग्री की ज़्यादा होगी, किसकी ज़्यादा होगी, 3 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी। अब ये आप लोगों को बहुत आगे भी काम आएगा, जब हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं रिएक्शन करके, तो उसमें जो मेजर प्रोडक्ट होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग देते हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट है, क्यों, क्योंकि ये माइनर से मोर स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी कैसे देंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और 3 डिग्री मेजर प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो
छोटी छोटी चीजें हैं दिमाग में रखना, इससे एक तरह से ट्रिक भी बोल सकते हो चीजों को समझने के लिए। वहां पे अगर क्वेश्चन में मेजर माइनर पूछा जा रहा है, 2017 में वो कह रहे अल्डोल कंडेंसेशन से डायरेक्टली पूछा गया था मेजर प्रोडक्ट क्या होगा माइनर क्या होगा, बट अगर कुछ थोड़ा सा ऐसा पूछता है तो वहां पे आप लोग याद रखना एक सेटजेफ रूल भी होता है जो कि आप पढ़ोगे, ठीक है। हॉफमैन मैंने पढ़ा दिया, हॉफमैन पढ़ा दिया कि हॉफमैन में जो लीस्ट स्टेबल अल्कीन होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा, और सेटजेफ में जो मोस्ट स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। एच म्यू मतलब क्या चीज होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। एक्स टू डाल दो फ्री रेडिकल, एक्स टू मतलब हेलोजन, एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू, और रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू की रिएक्टिविटी ऑर्डर ये दे रखी है, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर थोड़ा याद रखना है एफ टू सी एल टू बी आर टू आई टू, और एच म्यू मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो अल्केन में फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं तो अल्काइल हैलाइड बनती है। एच एन ओ थ्री 450 डिग्री सेल्सियस पे दे दिए तो आर एन ओ थ्री बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर प्लस एस ओ थ्री, तो ये इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट है, इसका ऑक्सीडेशन याद रखना। एच टू एस ओ फोर प्लस एस ओ थ्री आर एस ओ थ्री एच, अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड और एच सी एल डाल करके हीट करा देते हैं तो आइसोमेराइजेशन होता है, ठीक है, आइसोमेरिक अल्केन बनती है, और फिर सी आर टू ओ थ्री डाल देते हैं तो एरोमाटाइजेशन होता है। एन सी आर टी पढ़ोगे तो एन सी आर टी में ये चार चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट दिखेगी, तो एन सी आर टी से लिया हुआ ये पॉइंट है तो इसे थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। पायरोलाइसिस करते हो तो अल्केन क्या होता है, अल्केन टूट करके दो चीज़ें बनाती है, एक अल्कीन बनाती है और अल्केन बनाती है। जो आपका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट में आप लोगों को अल्कीन भी मिलेगा और अल्केन भी मिलेगा, उसे हम लोग पायरोलाइसिस कहते हैं। सी एच टू एन टू, सी एच टू एन टू और हीट करा दो, सी एच टू एन टू को हीट करा दो, इंसर्शन ऑफ कार्बिन, हायर अल्केन बन जाएगा। अगर जैसे कहने का जो हायर एल्केन है वो क्या है कि सी 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 है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दे सी एच टू एन टू और हीट करा दे और यहाँ पे इंसर्शन ऑफ कार्बिन कर दे, मतलब वो बता रहा है कि ये अगर कैटलिस्ट डाल दोगे तो कार्बिन का इंसर्शन हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एक कार्बन इंक्रीज कर जाएगा, सी सी सी। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या कैटलिस्ट डालेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग वहाँ पे सी एच टू एन टू और हीट लगा करके आना, ठीक है। अब यहाँ देख लेना, तो ये चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अल्कीन पे, तो अल्कीन में क्या क्या है, अल्कीन में अगेन अल्कीन की फॉर्मेशन कैसे है, तो पायरोलाइसिस से हम लोगों ने देखा कि पायरोलाइसिस करते हैं तो अल्केन प्लस अल्कीन आती है। आर एक्स डाल दो अल्कोहलिक के ओच, अल्कोहलिक के ओएच क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और एक्वस के ओएच क्या करता है, एक्वस के ओएच आप लोगों का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। अल्कोहलिक के ओ एच याद रखना दिमाग में, अल्कोहलिक के ओ एच आप लोगों का एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, और एक्वस के ओ एच क्या करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्वस के ओ एच करेगा और अल्कोहलिक के ओ एच एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर एक्स एक्स डाल दिया हेलोजन और हम लोगों को क्या बनाना है, अल्कीन बनाना है, तो डीहेलोजिनेशन कर देंगे, जिंक और जिंक डाल करके हीट कर देंगे तो डीहेलोजिनेशन हो जाएगा। डीहेलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हेलोजन, रिमूवल ऑफ हेलोजन, हेलोजन को हटाएंगे, ये हेलोजन भाई साहब अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देंगे, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन मिल करके पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगी और एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना बॉन्ड बना लेंगे एक्स एक्स, समझ में आई, ऐसे करके बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, इसे हम लोग बोलेंगे डीहेलोजिनेशन। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है जेई मेंस में, और फिर 2019 या 20 में या 18 में नीट में भी ये पूछा गया है। अगर आर सी ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, अल्काइन में सोडियम प्लस लिक्विड NH3 डालते हैं, बिर्च रिडक्शन कहते हैं, बिर्च रिडक्शन और लिंडलार कैटलिस्ट बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड, आप लोग सर्च कर लेना, पूरा मैकेनिज्म के साथ डला हुआ है। आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर सोडियम प्लस लिक्विड NH3 अगर डालते हैं कैटलिस्ट तो हम लोगों का जो मेजर प्रोडक्ट आएगा अल्कीन आएगा, और उसमें अल्कीन जो होगा वो ट्रांस होना चाहिए, मेजर प्रोडक्ट हमें किस देना है, ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन। PD प्लस CaCO3 और PD प्लस BaSO4, इसे हम लोग लिंडलार कैटलिस्ट बोलते हैं, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो सीस अल्कीन होगा। अब एक एक्स्ट्रा पढ़ लो क्योंकि ये दोनों जो है ये सारे स्टूडेंट पढ़ के जाएंगे, अभी रिसेंटली पूछा हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे करके जाएंगे, बिर्च रिडक्शन और
लिंडार कैटलिस्ट, बीच में सोडियम प्लस लिक्विड NH3 यूज करते हैं, ट्रांस मेजर प्रोडक्ट आता है। लिंडार में पीडी प्लस CaCO3 प्लस और पीडी प्लस BSO4 यूज करते हैं, सिस मेजर प्रोडक्ट आता है। NI2 और P2 कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो हम लोगों का सिस मेजर प्रोडक्ट आता है, सिस अल्किन, तो इसे भी आप लोग याद रखना। फिर आता है अल्कोहल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट कर दो, H3PO4 डाल करके और P2O5 डाल करके हीट कर सकते हो, L2O3 डाल करके हीट करो, THO2 डाल करके हीट कर दो, तो क्या होगा, रिड्यूस कर जाएगा अल्कोहल से आपका अल्किन बन जाएगा, अल्कोहल से अल्किन बन जाएगा। पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलाइसिस ऑफ ट्राई अल्काइल अमीन ऑक्साइड, कोप एलिमिनेशन बोलते हैं इसे, पायरोलाइसिस और टेट्रा अल्काइल अमीनो आयन, ठीक है, अमोनियम अमीनो आयन। तो आप लोगों का क्या आता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है, अल्किन ही बनेगी, और हॉफमैन प्रोडक्ट देखेंगे उसमें हम लोग क्या देखेंगे, जो लेस स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ये जैसे मैंने आपको एक कल बताया था ऐसा है एक और एक ऐसा है, ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इस दोनों प्रोडक्ट में जो लीस्ट स्टेबल है ये है लीस्ट स्टेबल, तो इसे अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ मान लो कि अगर वैसा कैटलिस्ट रहता है जैसा यहाँ पे दे रखा है तो हम लोग इसे मेजर प्रोडक्ट देंगे, अगर हम लोग सेटजेफ के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग इसे मेजर प्रोडक्ट देंगे, और एक्चुअल में यही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है समझे, और ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, तो ये हॉफमैन याद याद रखना, ये हॉफमैन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है RCHCOO के, RCHCOO के, तो ये नॉर्मल इजी है, ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस ये पूछेगा भी नहीं। अब आते हैं अगर हम लोग अल्किन में H2 डाल दें तो अल्केन्स की फॉर्मेशन होगी, अल्किन में H2 डाल दें तो अल्केन बनेगा, X2 डाल दो तो हेलोजिनेशन होगी, अभी डी हेलोजिनेशन हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, फिर वही X2 डाल करके हेलोजिनेशन हो गया, HX डाल दो तो एक H जुट जाएगा और एक X जुटेगा, मैकेनिज्म अगर आप लोग बोलोगे तो मैकेनिज्म भी मैं समझा दूंगा कैसे क्या बॉन्ड ब्रेक होता है, एक्स पे माइनस जाएगा, मान लो अगर क्लोरीन है तो वो जाहिर सी बात है क्लोरीन है, अगर यहाँ पे HCl है तो ये माइनस लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे जैसे RCH2CH3 रहता, ठीक है, सॉरी अल्किन है तो CH2 नहीं होगा, डबल बॉन्ड होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 कुछ ऐसा है, समझ रहे हो ना, तो ये जो है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस होगा। अब बोलोगे कि भैया बीच में ही क्यों आ रहा है, इधर क्यों नहीं आ रहा है, और ये आर मतलब CH3 है, यहाँ तो खैर नहीं जा सकता, तो बीच में क्यों आ रहा है, बीच में इसलिए आ रहा है बिकॉज ये 2 डिग्री है, और बॉन्ड वहीं पे ब्रेक होगा जहाँ पे आपका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। रिएक्शन अगर मैकेनिज्म सीखना तो इस स्टेबिलिटी को आपको याद रखना, और इसके एक्सेप्शन भी है कुछ कुछ चीज़ों में, इसके एक्सेप्शन भी है, मार्कोनिकफ और एंटी मार्कोनिकफ रूल आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएगी कि एंटी मार्कोनिकफ में क्या होता है और मार्कोनिकफ में क्या होता है, वहाँ पे आपको एक जगह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी रूल देखने मिलेगा, समझे, एंटी मार्कोनिकफ और मार्कोनिकफ रूल में। तो ये देखो खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, वहां पे आप लोग पढ़ोगे, तो एच एक्स डाल दो तो RCHCH3X होगा, ओ एच एक्स RCHOHCH2X, ठीक है, यहाँ पे देखो 1 डिग्री पे कंबाइन हो रहा है एक्स और यहाँ पे 2 डिग्री पे कंबाइन हो रहा है एक्स, H2OH+ RCHOHCH3। अब यहाँ पे ये दो तीन चीज़ें याद रखना, BH3 H2O2 डालते हैं OH माइनस के साथ तो रीअरेंजमेंट हमारी नहीं होती, जा करके 1 डिग्री पे वो OH कंबाइन हो जाता है, अगर हम लोग ACO का होल टू मरकरी और H2O डालते हैं या NaBH4 OH माइनस डालते हैं तो 2 डिग्री पे जा करके OH कनेक्ट होता है, तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझे। NOCl डाल दो तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बिन, ये इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन रिएक्शन में आप लोगों को पूछा जा सकता है। CL2 500 डिग्री पे NBH डाल दो, एलाइलिक सब्सटीट्यूशन होगा, ये KMnO KMnO4
KMnO4 और Ag+ हाफ O2 या RCO2OH रहा है, तो दोनों में जो प्रोडक्ट बनेगा ग्लाइकोल होगा, बट एक सीन एडिशन होगा, एक एंटी एडिशन होगा, सीन एडिशन एंड एंटी एडिशन। अब यहाँ पे आता है लास्ट पॉइंट, O3ZnH2O, ये होता है आपका ओजोनोलाइसिस। O3ZnH2O अगर कहीं पे भी देखे तो उसे बोलना ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बोनिल कंपाउंड। अब होता क्या है उसमें, होता कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो अगर कंपाउंड दे दो। मान लो वो कुछ ऐसा दे रखा CH3C डबल बॉन्ड, यहाँ पे H दे दो, CH सिंगल बॉन्ड CH3 कुछ ऐसा दे रखा है, और यहाँ पे दे दिया O3ZnH2O। तो कुछ ना करना, सिर्फ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना है, एक ऑक्सीजन इसे देना है, एक ऑक्सीजन इसे देना, और लिख देना CH3HCOOCHCH3, बस हो गया। और कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना, एक CHO आएगा और यहाँ पे भी CHO ही आएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक एक ऑक्सीजन दे करके आ जाना एग्जाम में। तो एग्जामिनर अब क्या करता है, सोचता है कि बहुत इजी हो जाएगा अगर ऐसे देते हैं और प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, तो वो क्या करता है कि प्रोडक्ट दे देता है और पूछता है कि रिएक्टेंट बता दो, समझे, कहानी बना देता है प्रोडक्ट दे करके, और बोलता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसने ये फॉर्म किया, किसके साथ रिएक्ट करके, O3ZnH2O के साथ, समझे। तो ऐसे करके वो बना करके आपको एक स्टोरी की तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। तो कुछ नहीं करना, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप लोग समझना कि कैसे बॉन्ड फॉर्म किया है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल दे रखा, यहाँ पे CH3, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर दो, ओ दे दो, सिंपल ओ दे दो, तो यहाँ पे आप लोगों द कंपाउंड बी इज, कंपाउंड बी इज आप लोगों का आएगा CH3CH3CHO, CH3CHO, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना यही आएगा CH3CHO, ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए बोला था कि अगर क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, कब कॉन्सेप्ट अगर सीख जाओगे तब, तो कॉन्सेप्ट सीख लो उसके बाद क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहना। तो ओजोनोलाइसिस याद रखना, ओजोनोलाइसिस अल्कीन में होता है, प्रोडक्ट जो आता है कार्बोनिल आता है, और जो कैटलिस्ट होता है O3ZnH2O होता है। अब आप लोगों का अल्काइंस है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड RC, ट्रिपल बॉन्ड CH NaNH2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा याद रखना। NaNH2 RX दे दे और RMGX RX के साथ दे तो अल्काइन बनेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, RCH हेलोजन CH हेलोजन R, अल्कोहलिक एज डाल दो, एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन जैसे होगा आपका अल्काइन बना लेगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, एक यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, एक यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, HX HX निकल जाएगी, समझे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करने के बाद। RCX3 Ag डस्ट डाल दो, Ag सिल्वर डस्ट डाल दो तो अल्काइन बनती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। Zn अल्कोहलिक अल्कोहल, Zn और अल्कोहल डाल दो, हीट करा दो तो अल्काइन बनेगा, बेसिक है ये, एक बॉन्ड एक एक एक, फ्री रेडिकल एक एक दे दो, दो दो बॉन्ड बना लेंगे मिलकर के, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। फिर है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, मेन जो है इसका वो आप लोगों का है केमिकल रिएक्शन अल्काइन का, H2 निकल PD PT डालते हो तो अल्केन बनता है, रिड्यूस करवा देते हो अल्केन बनता है, सोडियम लिक्विड NH3 डालते हो तो अल्काइन में, अभी मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोग बिर्च रिडक्शन और लिंडलर कैटलिस्ट में जो मेजर प्रोडक्ट होता है अल्काइन रिएक्ट करता है सोडियम लिक्विड NH3 के साथ, जो मेजर प्रोडक्ट बनाता है वो अल्किन बनाता है, एक में ट्रांस अल्किन बनाएगा बिर्च रिडक्शन में, और लिंडलार में आपका सिस बनाएगा, बस उसी चीज़ को यहाँ पे भी दे रखा। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा बस उसे थोड़ा सा देख लेना। फिर H2 डाल दो तो हेलोजिनेशन हो गया, HX डाल दो तो वही चीज़ है, OHX डाल दो तो आपका RC डबल बॉन्ड OCX2R, डायल्यूट H2SO4 और Hg2+ डाल दो तो ऐसा प्रोडक्ट आएगा RC डबल बॉन्ड OCH2CH2R HCN BACN का होल्ड, ये इम्पोर्टेंट है, साइनाइड बन जाएगा CN के साथ, साइनाइड
कंबाइंड हो जाएगा BH3H2O2, BH3H2O2, ये भी इम्पोर्टेंट है, BH3H2O2। तो ऐसा आपका प्रोडक्ट आता है, KMnO4 डाल दो अगेन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, RCOOH कार्बोक्सिलिक फॉर्म करेगा, ओजोनोलाइसिस है ये, O3 ZnH2O, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड में। अब भी एक इम्पोर्टेंट है, अल्कीन में ही अभी तक पूछा है जो एग्जामिनर है ना, वो अभी तक अल्कीन में ही पूछे हैं। अगर वो अल्काइन में दे दे, अगर वो अल्काइन में दे दे तो क्या होगा, तो ये होगा O3 ZnH2O, अगर अल्काइन में दे दे तो ऐसा करके आना, ये चीज 2021 में पूछा जा सकता है, नीट 2021, तो इम्पोर्टेंट है ये। फिर तीन कैटलिस्ट आते हैं, NaNH2, NH3, HgNO3, NH4OH, CO2, Cl2 और NH4OH। तो ये तीनों कैटलिस्ट है, वो ओनली वन अल्काइन ही बनाते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा 1 डिग्री अल्काइन बनेगा, वन अल्काइन, RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, RC ट्रिपल बॉन्ड CCU। हो क्या रहा है, जो स्टार्टिंग के है ना, बस उसे ऐड करना है, जो स्टार्टिंग के है एटम उसे ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान रिएक्शन है। अगर अल्काइन दे दे और ऐसा हम लोगों का कैटलिस्ट दे दे NaNH2 NH3 के साथ, AgNO3 NH4OH के साथ, CO2 Cl2 NH4OH के साथ, तो CO2 यहाँ पे CU ऐड करना है, यहाँ पे Ag जो कि वाइट PPT आएगा, CU ऐड करोगे तो रेड PPT आएगा और NaNH2 में Na आएगा, Na ऐड करना होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ वन अल्काइन ही देता, इसे याद रखना, 2, 3 नहीं हो सकता। सो यहाँ पे आपका हाइड्रोकार्बन भी खत्म होता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। हाइड्रोकार्बन में कॉन्सेप्ट बस सीख लो, जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जितना स्टार मैंने मार्क कर लिया उसे पढ़ लेना, ये भी थोड़ा पढ़ लेना, इसे NCERT पढ़ लो एक बार, NCERT कर लो, PIP पे क्वेश्चन डले हुए हैं, PIP पे जा कर के सर्च करना या प्लेलिस्ट में चले जाना, क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑर्गेनिक बाई फिजिक्स इन प्लेग्राउंड आपको मिल जाएगा, वो एक बार सॉल्व कर लो, हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन 100% कवर हो जाएगा आपका। अब हम लोग हेलोजन डेरिवेटिव्स देखेंगे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। उससे पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जो पिछले वाले मैंने बताया हाइड्रोकार्बन, तो उसमें आप लोगों को मार्कोनिकफ और एंटी मार्कोनिकफ मैंने बोला कि आप लोग इम्पोर्टेंट है याद रखना, तो ये फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे डला हुआ है, आप लोग सर्च करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना याद रखो, मार्कोनिकोफ रूल में क्या होता है, जो हम लोगों का स्टेबिलिटी देखा जाता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, एक मिनट, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे लेते हैं CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HBr, ठीक है, कुछ ऐसा समझे, कुछ ऐसा हम लोग लेते हैं, तब हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों का कैसे ब्रेक होगा, तो जो हम लोगों का ब्रेक होगा वो ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड इस साइड आएगा, जहाँ हाइड्रोजन कम रहे वहाँ पे हम लोगों का एटम जाके जुटेगा, जहाँ हाइड्रोजन कम रहे वहाँ पे हम लोगों का जो Br है या कुछ भी रह सकता है यहाँ पे, वो जा करके कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और ये जो ब्रेक होगा वो H+Br- में ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आप लोगों का Br- यहाँ आ जाएगा और H+ जो है वो आप लोगों का यहाँ चला जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आएगा C, यहाँ पे Br आएगा डबल बॉन्ड CH2, फिर से HBr देंगे तो फिर से HBr देने से वही होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये प्लस और ये माइनस प्लस Br के पास जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस H+, तो CH3 बना लेगा, और यहाँ पे C एक नीचे Br और एक ऊपर Br, ठीक है, CH3, ये है आपका मार्कोनिकफ। एंटी मार्कोनिकफ में क्या होता है, खरास इफेक्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं,
ये बॉन्ड इधर ना टूट करके ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होता है, और इधर ब्रेक होने के कारण सेकेंड कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन कम है उस पे ब्रेक हो करके उसे चला जाता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। जो Br- है वो हम लोगों का इस पे जा करके जुड़ता है प्राइमरी पे, ठीक है, किस पे जुड़ता है प्राइमरी पे, तो ये प्रोडक्ट ऐसा बना लेता है सी डबल बॉन्ड CBr। ये एक कॉन्सेप्ट बच गया था आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा जानना है हर एक चीज़ डला हुआ है, सिर्फ नेम लिखना और भाई फिजिक्स इन प्ले ग्राउंड यूट्यूब पे सर्च कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1, बॉटल्स कंटेनिंग C6H5I एंड C6H5CH2I लॉस्ट देयर ओरिजिनल लेवल्स, देयर वर लेबल्ड ए एंड बी फॉर टेस्टिंग, ए एंड बी वर सेपरेटली टेकन इन टेस्ट ट्यूब एंड बॉइल्ड विथ NOH सॉल्यूशन, द एंड सॉल्यूशन इन ईच ट्यूब वॉज मेड एसिडिक विद डायल्यूट HNO3 एंड देन सम AgNO3 सॉल्यूशन वॉज एडेड, सब्सटांस बी गेव अ येलो प्रेसिपिटेट। तो येलो प्रेसिपिटेट जैसे देखते हैं ना, तो येलो प्रेसिपिटेट से हमें एक चीज़ याद आता है, वो है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है किसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बहुत सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं उसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आयोडोफॉर्म का टेस्ट लेते हैं। जैसे हम लोग इथेनॉल, इथेनल एंड प्रोपेनल को डिफ्रेंशिएट करते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट में। आयोडोफॉर्म टेस्ट में होता है क्या, मान लो जैसे यहाँ पे इथेनल है सी सी डबल बॉन्ड OH, ये इथेनल, इसमें हम लोग रिएक्ट करवाते हैं I2+NaOH, I2+NaOH, तो ये जो प्रोडक्ट देता है वो देता है CHI3, CHI3, और ये येलो PPT होता है, येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्लस आप लोग HCOONa, माइनर भी याद रखना, बार बार बता रहा हूँ, 2017 में नीट में पूछा गया है मेजर माइनर, तो मेजर प्रोडक्ट जो है CHI3 आपको येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और इसे हम लोग आयोडो फॉर्म कहते हैं। आयोडो फॉर्म में आपको हमेशा ये देखने मिलेगा, इथेनल देता है, प्रोपेनल आपका आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और एग्जाम्पल दू तो पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन एंड पेंटेन थ्री ऑन, ठीक है, पेंटेन टू ऑन और पेंटेन थ्री ऑन, तो आप लोग इसे देखोगे तो यहाँ पे H3C CH2 CH2 सी डबल बॉन्ड OCH3, अगर यहाँ पे हम लोग I2- + NaOH अगर रिएक्ट करवाते हैं तो ये हम लोगों को कुछ ऐसा कंपाउंड दे देगा CH3+CH3CH2CH2CONa, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। NaOH यहाँ से एक H साइड हट रहा है और ये माइनस आकर के कनेक्ट हो जाएगा, ONa यहाँ पे आकर के कनेक्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये एक रिएक्शन है, समझे। और CHI3 फॉर्म करता है आपका, और इसे हम लोग ये येलो प्रेसिपिटेट देता है, और इसे हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं। और एग्जाम्पल लो तो एग्जाम्पल में आप लोग इथेनल एंड मिथेनल ले सकते हैं, इथेनल एंड मिथेनल, आपका इथेनल येलो प्रेसिपिटेट देगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बट मिथेनल नहीं देता। और दो तीन एग्जाम्पल और देख लो, एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन और बेंजोफिनोन, एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिनोन पूछ सकता है ऐसे करके, ये बेसिक है, कौन देगा कौन नहीं देगा बेसिक क्वेश्चन होता है, तो एसीटोफिनोन देगा और बेंजोफिनोन नहीं देगा, एसीटोफिनोन कुछ ऐसा आपका बनेगा सी डबल बॉन्ड OCH3+I2+NaOH, और ये जो आएगा प्रोडक्ट आएगा CHI3 येलो प्रेसिपिटेट और प्लस कुछ ऐसा आएगा COONa, हमेशा देखना कार्बोक्सिलिक वाला हमेशा आ रहा, समझे, हर एक प्रोडक्ट में आपका वो मिल रहा है, और बेंजोफिनोन नहीं देगा आपका, ठीक है। तो इधर इथेनल देगा, एसिटोफिनोन देगा, और आपका इथेनल देता है, इथेनल मिथेनल में इथेनल देता है, मिथेनल नहीं देता है, बेंजोफिनोन नहीं देगा, एसिटोफिनोन देगा, पेंटेन टू ऑन देगा, पेंटोन थ्री ऑन नहीं देगा, इथेनल देगा, प्रोपेनल नहीं देगा, तो इस चीज़ों को याद रखना। और भी एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो और एक और ये लास्ट है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, तो इसमें आप लोग करवाओगे तो
तो इथाइल अल्कोहल आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं देगा, समझे। मिथाइल अल्कोहल येलो पीपीटी नहीं देगा, CHI3 नहीं देता। तो ये सिंपल सा आयोडोफॉर्म का कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अब क्वेश्चन पे आते हो, क्वेश्चन में बोल रहा है येलो प्रेसिपिटेट कौन सा देगा, आयोडोफॉर्म पूछ रहा है। तो आयोडोफॉर्म देने के लिए यहाँ पे जैसा दिया हुआ है उस तरीका से C6H5I एंड C6H5CH2I है, और NaOH और HNO3 AgNO3 के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो चलो कराते हैं, तो C6H5I को NaOH के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा C6H5ONa। अब इसे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे HNO3, इसे हम लोग रिएक्ट करवाएंगे HNO3 HNO3H+। तो ये हम लोगों का C6H5OH देगा। अब फर्दर इसे AgNO3 के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का येलो पीपीटी आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा येलो पीपीटी। तो ये हम लोगों का आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अब यहाँ पे आ जाओ, C6H5CH2I ऐसा एक एलिमेंट है, उसको भी अगर करवाते हैं रिएक्ट तो NaOH होगा, NaOH C6H5CH2ONa। इसे फिर HNO3 HNO3 H+ से रिएक्ट करवाओ, तो ये आप लोगों का येलो पीपीटी देता है, C6H5CH2OH आएगा। और ये मैंने अभी अभी बताया कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा। तो बेंजाइल आयोडाइड बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, बेंजाइल आयोडाइड। तो बेंजाइल आयोडाइड आप लोगों का आएगा, जो कि येलो पीपीटी शो कर देगा, ठीक है, येलो पीपीटी। समझे। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो ए है, जो ए है वो ये है, और जो बी है वो ये है, बिकॉज साफ साफ लिखा है बी गिव येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ बी गिव येलो प्रेसिपिटेट। तो ए वाज C6H5I। अब बात है क्वेश्चन नंबर 2, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरल, ये कर लेना हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसमें कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं बताया, हाइड्रोकार्बन में बताया, बिकॉज इसका वीडियो डला हुआ है पहले से, तो इसलिए इसमें नहीं बताया मैंने। आप लोग बाय फिजिक्स इन प्लेग्राउंड कर लेना, और टेलीग्राम पे सारे नोट्स पहले से अपलोड है, तो वो आप लोग पढ़ सकते हो। तो DDT का फॉर्मेशन कैसे होता है, DDT जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो वो CCl3CHO के साथ रिएक्ट करता है। मैकेनिज्म समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। मान लो CH3 है यहाँ पे कार्बन, CH3 है, ठीक है। अब ये हम लोगों का, सॉरी CCl3 है, ऐसा नहीं होगा, CCl3+2HCl, और यहाँ पे है H2SO4H2O रिमूव होगा, H2O रिमूव करके प्रोडक्ट बनाता है CCl3CH, ये कुछ ऐसा बेंजीन बन जाएगा, और यहाँ पे Cl, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, CCl3COH ऐसे रहेगा, +2H और Cl। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोल है ये। तो यहाँ पे आप लोगों का जो कंपाउंड है CCl3 एज इट इज रहता है, और यहाँ से आपका ऑक्सीजन रिमूव करता है, ऑक्सीजन के पास पाई बॉन्ड है, दो मतलब डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन रिमूव करवाएंगे किसके फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। वाटर में ऑक्सीजन भी रिमूव होता है, ठीक है, H2 तो निकलेगा ही निकलेगा, बट ऑक्सीजन भी रिमूव होता है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप लोगों का कंपाउंड बनेगा ये, जिसे हम लोग वन 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 ट्राई क्लोरो 2 2 पीस, ठीक है, इथेन और पी क्लोरो फिनाइल इथेन, ये भी बोलते हैं, और DDT। तो जो आप नाम याद रख सको,
वो सही है, बिकॉज नीट में क्या करेगा ना, पूछ देगा DDT क्या हो सकता है, और ऑप्शन में ए दे देगा, बी कुछ और दे देगा, सी कुछ और दे देगा, डी कुछ और दे देगा, और जिन्हें ये चीज़ याद होगा वो सही करके आएंगे, समझे। बहुत तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, एक ही चीज़ को वो लोग नहीं पूछेंगे बार बार, उसी से डिराइव करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे, समझे। तो इस तरीका से दे सकता है, तो इसे भी याद रखना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। टर्सरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्सटीट्यूशन बाई एस एन टू मैगनीज बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। कैसे होता है? एस एन टू की स्टेबिलिटी मैंने बार बार बताया कि जो सी एच थ्री एक्स, मान लो सी एच थ्री का होल टू एक्स, सी एच थ्री होल थ्री एक्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना ज़्यादा बल की ग्रुप होगी, जितना ज़्यादा कार्बन के साथ मान लो यहाँ पे बल की ग्रुप कनेक्ट रहेगा, उतना ही इससे लीव करने में स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी, समझ में आ रहा है ना, जिसके कारण एस एन टू मैकेनिज्म कम हो जाता है और एस एन टू की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। 1 डिग्री में नहीं लगता स्टेरिक हिंड्रेंस, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना बल्की ग्रुप है, बहुत बल्की, या बल्की होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, समझ रहे हो। ये कुछ ऐसा, ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। और एस एन वन का जस्ट अपोजिट हो जाता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये होता है। एस एन वन का मैकेनिज्म ऐसे है, एस एन टू का मैकेनिज्म ऐसे है। और अच्छा से समझना तो ये वीडियो डाला हुआ है, हेलोजन डेरिवेटिव्स बाय फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड, कर लेना। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट टू गिव, अभी अभी मैंने पढ़ाया है ये अल्काइल हैलाइड के लिए, कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस अभी अभी आप लोगों को बताया मैंने, अल्केन में बताया था आप लोगों को कोरे हाउस सिंथेसिस। यहाँ देखो, कोरे हाउस सिंथेसिस, जो अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है लिथियम कॉपर आयोडाइड आर डैश एक्स के साथ, कोरे हाउस रिएक्शन बोलते हैं, फॉर्मेशन होती है अल्केन की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का अल्काइल कॉपर हैलाइड पूछ रहा है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ डाई अल्काइल कॉपर रिएजेंट टू गिव, क्या देगा आप लोगों को, सॉरी सॉरी अल्केन क्या देगा, वो देगा अल्केन, प्रोडक्ट पूछ रहा, प्रोडक्ट आप लोगों का अल्केन होगा आर एक्स, मुझे लगा वो रिएजेंट पूछ रहा, रिएजेंट है एल आई कॉपर आयोडाइड आर एक्स, कोरे हाउस रिएक्शन अल्केन, ठीक है। प्रोडक्ट क्या चीज़ देता है, अल्केन, ये गलत है, ये सब अल्केन आएगा प्रोडक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन। तो यहाँ पे देख लो, एलिमिनेशन किससे करवाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन करवाते हैं और एक्वस के OH से सब्सटीट्यूशन होता है। तो CH3CH, यहाँ पे Br, और यहाँ पे CH2CH3, ये हो गया, और यहाँ पे हम लोगों का अल्कोहलिक KOH। तो एलिमिनेशन आप लोगों का कैसे होगा, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या कहता है, अल्कीन वही बनेगा जहाँ मोस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, मोस्ट स्टेबिलिटी, और ये कहाँ होगा, मैक्सिमम 2 डिग्री में ही देखने मिलता है आप लोगों को, जहाँ आप लोगों का कार्बन जो है ना वो 2 कार्बन से कनेक्टेड हो, चीजें समझना। जो अरेंजमेंट करवाना है ना, जो हम लोगों का पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट करवाना है, जैसे इसे हम लोग यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिए, यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH3 कर दिए प्लस HBr, ठीक है, और एक हम लोग यहाँ पे CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, मान लो ऐसा एक कर दिए, तो इसमें हम लोगों का मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, जो ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, 2 डिग्री पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इससे,
इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा, समझे। यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगी ना कि यहाँ पे लगा देना। हॉफमेंस में आप लोगों का अल्किन जो लीस स्टेबल रहता वो मेजर हो जाता। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मिथेनॉल टू गिव। तो करते हैं फिनाइल ब्रो CH3OH, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिगनार्ड है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हम लोगों ने ग्रिगनार्ड में पढ़ा, CH3OMgBr हो जाता है, ठीक है। ROMgBr, ठीक है, ROMgBr आ रहा, समझ में आ रहा ना। ये क्या था, RMgBr, और यहाँ पे ROH प्लस RMgBr से जो आपका फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ROMgBr प्लस RH, ठीक है। वही आएगा यहाँ पे CH3OMgBr प्लस C6H6, एक H जा करके ऐड हो गया यहाँ पे, जो हाइड्रोजन ऐड हो रहा ना वही जा करके यहाँ ऐड हो गया, H5 को H6 कर दिया। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट। अब तो इसका ऑप्शन नंबर डी, 6 का ऑप्शन नंबर डी एंड 5 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी होगा। सी देख लेना, प्रीडोमिनेंटली टू ब्यूटीन, टू ब्यूटीन। अब क्वेश्चन नंबर 7, C6H5 कैन बी सिंथेसाइज इन लेबोरेटरी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों का सिंथेसिस पूछा, तो एक रिएक्शन है बाल्ज सिचमैन रिएक्शन। अगर बाल्ज सिचमैन रिएक्शन आप लोगों को मालूम होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों का जो दिया हुआ है NH2, NH2 दिया हुआ है, C6H5 कैन बी सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। तो कैसे सिंथेसाइज होता है ये डायरेक्टली पूछा है। तो एनिलीन जो हो गया वो रिएक्ट करवाते हैं हम लोग NaNO2 के साथ प्लस HCl। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रहता है, डाइजोटाइजेशन होता है। डाइजोटाइजेशन किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं N2 + Cl-, N2 + Cl- को डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें हम लोग ऐड करवाते हैं HBF4, HBF4 ऐड करते हैं, यहाँ पे हम लोगों का N2 + BF4 ऐड होता है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा, टेट्रा फ्लोरो, फ्लोरो बोरेट, बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरो बोरेट। अब इसे आप लोग हीट करा दो, इसे अगर आप लोग हीट करा देते हो तो आप लोगों का ये निकल के आ जाएगा C6H5F BF3 + N2, और इसे हम लोग बाल्ज सिचमैन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फिनाइल वन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, रिएक्शन ऑफ ट्रांस टू फिनाइल वन ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन ऑन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH है तो वो अल्कोहलिक KOH क्या करता है, अल्कोहलिक KOH बार बार बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि एलिमिनेशन करता है, और ये मैंने डीहैलोजिनेशन अभी दिखाया था उसमें डीहैलोजिनेशन कैसे होता है, तो बस यहाँ पे भी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। क्या होगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो 8 में कुछ ऐसा आप लोगों का C6H5Br, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल दोगे तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होगा, ठीक है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो हैलोजन की रिमूवल हो जाएगी, सिंपल सी है, C6H5 हैलोजन रिमूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांस टू फिनाइल वन साइक्लो ब्रोमो पेंटेन अल्कोहलिक KOH के साथ किए हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH2Cl और आई है NaCN DMF। तो ये थोड़ी हाई लेवल की क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग, मैं बता देता हूँ बट इसे सिर्फ देख लो चीज़ों को होता क्या, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है। CH2Cl यहाँ पे आयोडीन, इसे आप लोग रिएक्ट करवाओगे NaCN DMF, तो आप लोगों का यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा CH2Cl, ठीक है।
यहाँ पे न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना वो नहीं होता, ठीक है। अगर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन होता तो प्रोडक्ट आप लोगों का डिफरेंट आता, तो बस ये नहीं होता न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन जिसके कारण ये प्रोडक्ट आता। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एस एन टू। अभी बताया मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एस एन टू के लिए करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोग देख लो क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों का, यहाँ पे 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 डिग्री होगा नहीं। बी में 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 होगा नहीं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी, द ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियो केमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग एस एन टू रिएक्शन। 3 डिग्री कभी देगा नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगा, 2 डिग्री ये भी नहीं देगा, ये भी 2 डिग्री है तो ये भी नहीं देगा, CH3Cl देगा, सिंपल सी फैक्ट है ये। कंसिडर द फॉलोइंग, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड है यहाँ पे, और हम लोगों से क्या पूछ रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। तो SN1 रिएक्टिविटी अभी अभी मैंने बताया आप लोगों को, 1 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री स्टेबिलिटी होती है, 3 2 1। और ये किसकी स्टेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था, कार्बोकेटायन। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आता है, SN1 मैकेनिज्म जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का ऐसे Br दिया हुआ है ए में, सेकेंड में हम लोगों का कुछ ऐसे दे रखा है मिथाइल Br, और थर्ड नंबर में कुछ ऐसे दे रखा है मिथाइल मिथाइल Br। अब यहाँ पे अगर हम लोग आयोनाइजेशन करवाते हैं तो कार्बोकेटायन कहाँ पे बनेगा वो देखना। तो यहाँ पे अगर आयोनाइजेशन करवाते हैं तो हम लोगों का कार्बोकेटायन जो है वो हम लोगों का कुछ इस जगह बनेगा, ठीक है। आयोनाइजेशन करवाने के बाद ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे हम लोग करवाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस जगह पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे मिथाइल आएगा। इसे आयनाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे मिथाइल आएगा। अब कंफ्यूज कर जाओगे कि यहाँ पे, तो चलो ये समझ में आता है ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि 1 पे है। अब ये दोनों में फंस जाओगे बिकॉज ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। मिथाइल है और इधर भी CH3 या CH2, CH2 है पाई बॉन्ड है तो CH2 है, और यहाँ पे CH होगा पाई बॉन्ड है तो CH होगा, यहाँ पे CH2 CH2 होगा, ठीक है। तो दो दो कार्बन है, 2 डिग्री लेकर के चलो। तो अब सब बोलोगे कि दोनों तो एक ही जगह है, तो अब होता क्या है कि हम लोगों ने GOC में रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में हम लोगों का अल्टरनेट पोजीशन पे अगर पॉजिटिव और पाई बॉन्ड रहे, पॉजिटिव और नेगेटिव रहे, तो हम लोगों का रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस जैसे होगा तो कुछ ऐसा बना लेगा आप लोगों का, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करवा दो, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया शिफ्ट, ये पॉजिटिव हट जाएगा, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे आप लोगों का कुछ भी नहीं था, तो ऐसा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया इसका, तो इससे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड, तो ऐसा है। तो यहाँ पे देख लो BCA ऑप्शन नंबर 1, हाउ मैनी कायरल कंपाउंड आर पॉसिबल। ये कायरलिटी मैंने आपको बहुत बार बता दिया है GOC में, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाओ, खुद से सॉल्व करो। व्हाट इज DDT अमंग द फॉलोइंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है, अभी अभी बताया DDT। क्वेश्चन नंबर 15, कंपाउंड ए C8H9Br गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट व्हेन वाउंड विथ अल्कोहलिक AgNO3, ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स एन एसिड बी C8H6O4, बी इजिली फॉर्म्स एनहाइड्राइड ऑन हीटिंग, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए। तो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड पूछ रहा है हम लोगों से, तो यहाँ पे C8 बनाते हैं, C8H9Br गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट वाउंड विथ AgNO3। तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर 15, तो ये कुछ हम लोगों का ऐसा होगा C8H9Br CH2Br CH3, यहाँ पे अल्कोहलिक AgNO3, अल्कोहलिक AgNO3 बोल रहा है रिएक्ट करवाओ, तो हम लोगों का वाइट प्रेसिपिटेट देता, मतलब AgBr देगा तभी वाइट प्रेसिपिटेट आएगा, वाइट
प्रेसिपिटेट, अगर यहाँ पे आप लोगों का बीआर नहीं होता ना तो एजीसीएल, अगर एजीसीएल भी देता है, एजीसीएल भी आता है तो वाइट प्रेसिपिटेट आप लोगों को मिल जाता है। तो एजीबीआर है वाइट प्रेटिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट, अब बोलता है ऑक्सीडेशन करवाना, ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ बोल रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ ए गिव्स एन एसिड बी, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे HNO3 अगर इसमें पुट करेंगे तो हम लोगों को ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। फर्दर इसको हीट करवा देते हैं, अगर हम लोग इसे हीट करवाते हैं तो ये कंपाउंड आता CO, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, अगर हम लोगों का ऑक्सीडेशन होता है इस चीज़ का तो ये कंपाउंड होता है, और ये अगर वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है तो ऐसा लिखेगा कि ये कंपाउंड है वो वाइट प्रेसिपिटेट देता है। अगर उसे हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, तो वो प्रोडक्ट ये आएगा। अब पूछेगा जेई मेन से अगर होगा तो जो प्रोडक्ट आएगा उसे हीट कराते हैं तो क्या होगा, तो ये बनेगा। तो ऐसे दोनों चीज़ें याद करके रखना। तो इसका आ जाएगा आपका, पूछ रहा है कंपाउंड ए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए CH2Br CH3, ऑप्शन नंबर डी। अब इन SN2 रिएक्शन दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आप खुद से कर लेना, मैंने बार बार बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, द मेजर ऑर्गेनिक द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1-ट्राईक्लोरोइथेन विथ सिल्वर पाउडर। तो सिल्वर डस्ट आपको अभी अभी बताया था रिएक्शन में, सिल्वर डस्ट, ठीक है, अल्काइन में बताया था, अल्काइन में क्या होता है सिल्वर डस्ट, कर ही देते हैं CCl ClCH3 प्लस सिल्वर पाउडर रिएक्ट करवा दो, तो अल्काइन प्रोडक्ट आता है आपका CH3C CCH3 प्लस 6AgCl, ठीक है, ये 2 मोल, ये आ गया अल्काइन। तो देख लो यहाँ पे जो बन रहा है एसिटी लाइन, सॉरी 2 ब्यूटाइन आ रहा है, 1, 2, 3, 4 ब्यूटाइन किस पे है, सेकेंड नंबर पे। अब क्वेश्चन नंबर 18, दी सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड बाई, स्वार्ट्स रिएक्शन है ये, रटा रटा है ये, नोट्स आप लोग जा करके पढ़ लेना सारा, मैंने बता रखा है। फिंकलस्टीन रिएक्शन किसे बोलते हैं, फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन, और सेंडमेयर किसे बोलते हैं, और स्वार्ट्स किसे बोलते हैं। स्वार्ट्स में आप लोगों का क्या होता है, स्वार्ट्स में जो RX होता है वो AgF के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जो हम लोगों का हेलाइड होता है AgF या ग्लिसरॉल। यहाँ पे एक से याद रखना, क्लोरीन और ब्रोमीन ही होगा, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये हम लोगों को क्या देता है, अल्काइल हेलाइड RF देगा, ठीक है। एक कंपाउंड CH3Br प्लस AgF रिएक्ट करता है, तो CH3F प्लस AgBr। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन ये हो गया, फिंकलस्टीन पूछ रहा, तो फिंकलस्टीन में क्या चाहिए होता है, RX, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, यहाँ पे भी एक जो है क्लोरीन और ब्रोमीन है, सोडियम आयोडाइड और एसीटोन रहेगा, तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट आएगा वो अल्काइल हैलाइड आएगा, अल्काइल हैलाइड, ठीक है, अल्काइल हैलाइड, बस इसे याद रखना, सोडियम आयोडाइड रहेगा और एसीटोन रहेगा, यही है। बाकी सेंडमेयर रिएक्शन ये आगे की चीज़ें हैं, ये हम लोग आगे देखेंगे। फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन बता चुका हूँ, सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, डाइजोनियम रहता है, डाइजोनियम क्लोराइड कुछ ऐसा रहता है, N2+Cl- डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग COCl के साथ या COCN के साथ, ठीक है, या COBr के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है आप लोगों को साइनो बेंजीन बन जाता है, क्लोराइड बेंजीन बन जाता है, क्लोराइड आ जाएगा यहाँ पे, अगर CN है तो CN आ जाएगा, ठीक है, BR है तो BR आ जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है। तो ये रहा आप लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव्स जेई मेंस का प्रीवियस
पूरा का पूरा पेपर और कॉन्सेप्ट। अब सिर्फ तीन चीज़ें बचती है, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, कार्बोनिल कंपाउंड एंड एलियाफेटिक अमीन। बाकी की चीज़ें हम लोग कभी और देख लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर पढ़ना है तो नोट्स में सारा कुछ डला हुआ है, वो आप लोग कर लेना। अब ये जो तीन चैप्टर्स हैं, इनमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट सीखो। कुछ आपको फॉर्मूलाज याद करने होंगे, नेमिंग रिएक्शन कुछ आपको याद करना होगा, मैक्सिमम के मैकेनिज्म भी आपको आना चाहिए, क्योंकि जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, वो जेई मेन से कॉपी पेस्ट था, और वो मैकेनिज्म अगर आता होगा तभी आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो जेई मेन्स के पेपर अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो देख रहे हैं, ये आप लोगों का नीट 2018 में पूछा था, और फिर से क्वेश्चन नंबर आप लोग ये 10 नंबर देख लो, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे ये भी पूछा जा चुका है, और ये पहले से अपलोड है फिजिक्स इन प्लेग्राउंड पे। सो हम लोग अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही सारा कुछ पुराना ही क्वेश्चन रिपीट है बार बार एक ही चीज़ को। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या क्या पढ़ना हमें और क्या क्या नहीं पढ़ना। तो ये देखो, सबसे पहले अल्कोहल में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एच प्लस एच टू, और एक बात इसके बाहर नहीं आएगा, ये जो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और आपका कार्बोनिल कंपाउंड एंड एलियाफेटिक अमीन, ये जो आप लोग देखोगे और इतना अगर कर लेते हो, और जेई मेंस का एक बार कर लेना, रिवाइज कर लेना, पेपर पहले से करवा रखा है, इतना कर लेते हो, नीट का भी प्रीवियस ईयर कर लेना, अगर इतना कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कॉपी पेस्ट आएंगे और आप लोग बहुत इजीली सॉल्व करके आओगे। तो आओ देखते हैं कैसे क्या है इसमें। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एच प्लस डालो, और एच टू ओ, फिर एच जी ओ ए सी का होल टू एच टू ओ एन ए बी एच फोर ओ एच माइनस, और तीसरा है बी एच थ्री एच टू ओ टू। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ऑक्सीमरकुरेशन डीमरकुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सीमरकुरेशन एंड डीमरकुरेशन। तो ये आप लोग याद रखना, ऑक्सीमरकुरेशन डीमरकुरेशन, इसका मैकेनिज्म मैंने करा रखा है, वो अगर चाहिए होगा तो वो आप लोग देख लेना, डीमरकुरेशन, ठीक है। और बी एच थ्री एच टू ओ टू ओ माइनस को बोलते हैं हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन, सारे ऑक्सीडेशन ही है, एक का नाम ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन है, इसका नाम है हाइड्रो बोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दो चीज़ों से आप लोग अल्कीन है, अल्कीन से अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो। अब बात है आर एक्स एक्वस के ओएच, अल्कोहलिक के ओएच एलिमिनेशन करता है, और एक्वस के ओएच क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन करता है, एक्वस के ओएच सब्स्टिट्यूशन करता है। तो वहाँ से आप लोगों का अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल आएगा। आर सी डबल ओ आर एच थ्री ओ प्लस डाल दो, तो आप लोग अल्कोहल कर लोगे, रिड्यूस करवाना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आता है लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अगर कोई है तो वो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, ये पूरे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्डिहाइड रिड्यूस करवा रहा है, आर सी ओ आर रिड्यूस करवा रहा है, आर सी डबल ओ एच को अगर रिड्यूस करवाना है, आर सी ओ सी एल एसिटाइल क्लोराइड, आर सी ओ का होल टू ओ, ये सारा अगर रिड्यूस करवाइएगा आप लोग लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड डाल के, तो क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल। तो ये याद रखना, रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और इतना चीज़ों को आप लोग रिड्यूस करवाते हो तो अल्कोहल आता है। आर एन एच टू एच एन ओ टू डाल दो तो अल्कोहल मिल जाएगा। आर एम जी एक्स नेसेंट ऑक्सीजन है, इसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। एच टू ओ डालो, पानी पिला दो तो अल्कोहल आएगा। आर एम जी एक्स प्लस आर सी एच ओ एल्डिहाइड में पानी डाल दो तो आपका अल्कोहल आएगा। फिर आर एम जी एक्स ग्रिगनार्ड प्लस सी एच टू सी एच टू ओ पानी डाल दो तो अल्कोहल आएगा। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, ऑक्सीमरकुरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एक्वस क्यूएच सब्स्टिट्यूशन करता है, और रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इन सारों को रिड्यूस करवा के अल्कोहल बनाएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल के देखते हैं। अल्कोहल में अगर सोडियम डालोगे तो आर ओ एन ए आएगा। सी एच थ्री सी ओ सी एल डालते हो तो एसिटाइलेशन होता है। एसिटाइलेशन होने के बाद ऐसा फॉर्म करेगा। आर सी डबल ओ एच डालते हो तो इस्टरीफिकेशन होता है, इस्टर बनाता है।
सो इसे याद रखना स्ट्रिफिकेशन, एच एक्स अगर डालोगे तो आर एक्स बनेगा, पी सी एल फाइव और पी सी एल एसओ सी एल टू डालोगे तो हेलाइड बनाएगा, आर एम जी एक्स आर एच बनता है, आर एम जी एक्स से आर एच आपको दे देगा। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल बेसिक एनसीईआरटी में दिया हुआ था। डिहाइड्रेशन, अगर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हो तो ईथर और अल्कीन बनता है, अल्कोहल से डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता क्या चाहिए, रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर को अगर आप लोग निकाल देते हो, पानी निकाल देते हो, तो अल्कोहल से ईथर और अल्कीन बनेगा। अल्कोहल से अगर पानी, पानी एक्चुअली मिलाते हैं, बट अगर पानी निकाल दिया जाए वाटर, तो ईथर और अल्कीन बनेगा। अल्कोहल में सी यू और 300 डिग्री सेल्सियस पे अगर डालते हैं कॉपर, तो कार्बोनिल कंपाउंड देता है। 3 डिग्री अल्कोहल गिव्स अल्कीन। अगर आप लोगों का 3 डिग्री अल्कोहल रहा तो वो अल्कीन दे देगा, अगर 2 रहा तो पहले भी बताया था मैंने कि केटोन देता है, केटोन कार्बोनिल कंपाउंड में आता है, समझे। तो कार्बोनिल कंपाउंड देगा 1 डिग्री 2 डिग्री में, और 3 डिग्री रहा तो वो अल्कीन दे देगा। तो इसे याद रखना इम्पोर्टेंट है। अब ऑक्सीडेशन अगर करवाते हैं, अभी ये भी ऑक्सीडेशन ही है, आर ओ एच अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाओगे, कॉपर डालोगे तो ऑक्सीडाइज ही होगा, बट 3 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस, 3 डिग्री अल्कोहल में वो अल्कीन बन जाता है। अब ऑक्सीडेशन अगर करवाते हो तो फिर अगेन कार्बोनिल कंपाउंड, ये आपको अभी बताया, NH3 डालते हो आर ओ एच में तो अमीन की फॉर्मेशन होती है, अगर एल्डिहाइड डालते हो तो एसीटल बनता है, CH2N2 डालो तो आर ओ सी एच थ्री बनेगा, आर सी ओ आर डालो तो एसीटल बनता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका क्या क्या था, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन देख लेना, रिडक्शन देख लेना, और आप लोग एसिटाइलेशन, एस्ट्रिफिकेशन एंड डिहाइड्रेशन, ये चीज़ें देख लेना, एंड फॉर्मेशन ऑफ अमीन, ये भी अच्छे से एनसीईआरटी से एक बार कर लेना, और इतना चीज़ें याद रखना अल्कोहल में। अब आते हैं हम लोग ईथर, ईथर में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ईथर का क्या होता है, पहला आर एक्स प्लस आर ओ एन ए विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ही देगा, 1 डिग्री आर एक्स अगर 1 डिग्री है तभी विलियमसन सिंथेसिस देगा, अदरवाइज नहीं देगा। और फॉर्मेशन किसका होता है, आर ओ आर ईथर की फॉर्मेशन होती है। विलियमसन सिंथेसिस में आपका जो कंपाउंड प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका ईथर होता है, और जो रिएक्टेंट होता है आर ओ एन ए सोडियम ऑक्साइड और आर एक्स, और याद रखना सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए, सी एच थ्री सी एच टू एक्स होना चाहिए, ये ऐसा नहीं हो सकता है सी एच थ्री सी सी एच थ्री एक्स, या ऐसे सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री 3 डिग्री और ये एक्स, ये कभी विलियमसन सिंथेसिस नहीं देंगे, हमेशा 1 डिग्री पे होना चाहिए। और ये 2016 में पूछा था जेई मेंस में, कौन कौन से, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, और ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ था। आर ओ एच में अगर कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर डालते हो 140 डिग्री पे तो आपका ईथर का फॉर्मेशन होगा, आर एक्स में ड्राई ए जी टू ओ डाल दो तो आर ओ आर बनेगा, आर ओ एच अगर आप लोग सी एच थ्री ओ एच अल्कोहल में सी एच टू एन टू डाल करके हीट कराते हो तो ईथर बनता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस, इसे याद रखना। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो ईथर में एच सी एल डालते हो तो आर ओ प्लस आर सी एल माइनस, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह बॉन्ड बन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ईथर में डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर डालते हो तो आर ओ एच बनेगा, पी सी एल फाइव डाल करके हीट करो तो आर सी एल बनता है, आर सी ओ का होल टू ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप लोगों का एस्टरीफिकेशन, आर सी डबल ओ आर। अगर एच आई डालते हो ईथर में और कोल्ड तो आर ओ एच प्लस आ रही है, ये हम लोग देखेंगे, ये 2018 या 2017 2018 में जेईई मेंस में ये पूछा गया है, और 2016 नीट में ये पूछा गया है, समझे। इसमें क्या होता है, एस एन वन रिएक्शन होता है और एस एन टू रिएक्शन होता है, तो वो हमें देखना होता है प्रोडक्ट में, कि जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी, समझे, अभी सारा कुछ देखेंगे। एस एन वन फॉर्म करेगा एच आई डालते हैं, या एस एन टू फॉर्म करेगा अगर एच आई डालेंगे तो, ठीक है, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है रिएक्टेंट कैसा है। तो एच आई कोल्ड डाल देते हो तो यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है प्लस आर आई,
आ रहा है मतलब CH3 आई। अगर O2 डाल दो, लॉन्ग कांटेक्ट कर दो, तो हाइड्रो परोक्साइड बन जाएगा। हाइड्रो परोक्साइड HI के साथ हॉट, अभी तक वो कोल्ड पूछता है। अगर HI और हॉट HI डाल दे तो 2R है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3I प्लस H2O। R मतलब CH3, रिएक्शन विथ कोल्ड HI। अगर CH3O CH2 CH3 है समझे, तो यहाँ पे हम लोगों का SN2 रिएक्शन होगा। SN2 कहने का मतलब है 1 डिग्री पे जा करके हम लोगों का आयोडीन कनेक्ट होगा। तो 1 डिग्री पे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आयोडीन लगेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा आई माइनस और एच प्लस। और अगर ऐसा देखो ना आप लोग, CH3O CH2 CH3, तो ये देखो बीच में, तो ये हमेशा 1 डिग्री पे जो आई है वो 1 डिग्री पे आएगा। तो ये जो बॉन्ड है ना, ये ऑक्सीजन लेगा माइनस, और ये जो एच प्लस है, ये एच प्लस घूमता फिरता है यहाँ आकर के माइनस के साथ कनेक्ट होगा। और ये जैसे एक बॉन्ड लेगा अपने तरफ माइनस, यहाँ प्लस एक छोड़ता जाएगा, वहाँ से आई माइनस आएगा, प्लस के साथ अटैच हो जाएगा और CH3I की फॉर्मेशन होगी, प्लस CH3 CH2OH। तो यहाँ पे SN2 करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था जेईई मेंस 2018 में। अगर आपको ऐसा कंपाउंड, ये 2021 के लिए इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, अगर ऐसा कंपाउंड दे दे HI और दे दे कोल्ड HI और पूछे प्रोडक्ट क्या होगा, तो इसमें प्रोडक्ट याद रखना फिर से, यहाँ पे आपका CH है ठीक है, या कार्बन है CH, समझ रहे हो, CHOCH3 CHOCH3। तो यहाँ पे फिर से SN2 होगी, यहाँ पे आयोडीन जुटेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर हम लोगों का 3 डिग्री दे दे, 3 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हो, अभी तक 1 डिग्री कार्बन से था, और स्टेबिलिटी में बार 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 बता रहा हूँ, SN2 का 1 2 3 होता है और SN1 का 3 2 1 होता है। 3 डिग्री कार्बन से अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड हो, 3 डिग्री कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड हो, तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे आई होगा। 3 डिग्री कार्बन से अगर ऑक्सीजन कनेक्टेड हो, तो 3 डिग्री कार्बन में आयोडीन जा करके कनेक्ट होगा और CH3OH की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अगर 2 डिग्री हो तो अगेन 2 डिग्री है तो ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, तो इससे तो है। तो यहाँ पे आप लोगों का SN1 रिएक्शन होगा, SN1 रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे आपका आयोडीन आएगा और यहाँ पे आप लोगों का हाइड्रोजन कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है। SN1 SN2 कब यूज़ करते हैं, SN1 मोस्ट 3 डिग्री में आप लोगों को यूज़ करते हैं, SN2 1 डिग्री में यूज़ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाला, बाकी ये सब ईजी है, इसे याद रखना। अब देखते हैं हम लोग फिनॉल, फिनॉल में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन डालते हो, ये कुछ ऐसा है Cl, ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड नहीं है, CH2Cl रहता है तो बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। NaOH और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर रहता है और C6H5Cl के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आप लोगों का जो फॉर्मेशन होगी, फिनॉल की फॉर्मेशन होगी। नॉर्मल से यहाँ पे Cl हटाएगा, OH कनेक्ट हो जाएगा, NaCl आएगा और फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, डूमास प्रोसेस, डूमास नहीं, इसे डॉज प्रोसेस बोलते हैं इसे। ठीक है, ये फिनॉल जो बनेगा इसे डॉज प्रोसेस बोलते हैं। बेसिक है ये सबसे पहले पढ़ते हैं जब फिनॉल की फॉर्मेशन देखते हैं तो। ठीक है, कुछ होता नहीं है, NaCl यहाँ पे जो अपना लेकर के निकल जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर जैसे पॉजिटिव आएगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, ये आप लोग कमेंट करना या आप लोग खुद से सोचना, इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। और यहाँ पे Na प्लस रहेगा, प्लस भाई से आप देखेंगे माइनस को, माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, OH के पास माइनस रहेगा, यहाँ आकर के अटैच हो जाता है, ये बेसिक मैकेनिज्म है इसका। तो इसे हम लोग डॉज प्रोसेस बोलते हैं। C6H5MgBr नेसेंट ऑक्सीजन H+H2O डाल दो तो फिनॉल की फॉर्मेशन होगी, ये याद रखना। C6H5N2Cl-, इसे क्या चीज बोलते हैं, इसे हम लोग एजो जो बनाता है, ठीक है, डाइजोनियम क्लोराइड भी बोलते हैं। एजो जो बनाता है, पहले भी आपको बार बार बताया एजोटाइजेशन क्या होता है, समझे, तो डाइजोटाइजेशन, सॉरी, डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, और डाइजोनियम क्लोराइड से आप लोगों का एजो डाइन भी बनता है, एजो कंपाउंड, ये मैंने पहले भी बताया था। होता क्या है, एनिलीन जो होता है, आगे देखेंगे हम लोग ये भी, एनिलीन जो होता है NH2, ये हम लोगों का रिएक्ट करता है NaNO2 प्लस HCl के साथ,
ठीक है, अगर HCL के जगह यहाँ पे SNHCL रख दे, SNCL रख दे, तो वहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। तो NaNO2+HCl रखते तो हम लोगों का डाइजोनियम बनता है, इसे हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, N2+Cl-। ठीक है, यही दिया हुआ। अगर इसमें हम लोग पानी मिला देते हैं, इसे अगर हम लोग इसमें पानी मिला देंगे और हीट कर देंगे, तो हम लोगों का जो फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की, वो होगी फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल बन जाएगा। तो ये बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है, तो इसे याद रखना। डाइजोनियम क्लोराइड में अगर H2O डालते हैं तो फिनॉल बनता है, C6H5CH3CH3। अगर O2 और H2O डालते हो, ऑक्सीडाइज करवा दो, तो फिनॉल बन जाएगा C6H4OHCOH सोडा लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडा लाइम डाल करके फिनॉल बनाते हैं। C6H5SO3NOH डाल दो, फ्यूजन होगा, फ्यूजन के कारण फिनॉल बन जाएगा। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सोडियम डालते हो, अगर फिनॉल में सोडियम डालते हो OH, तो C6H5ONA, यहाँ पे H+ हटेगा और Na जाकर के कनेक्ट हो जाएगा। जिंक डालो तो C6H6 बेंजीन के फॉर्मेशन हो जाती है। फिनॉल में अगर आप लोग जिंक डालते हो तो वो बेंजीन की फॉर्मेशन करा देगा, प्लस ZnO। PCl5 डाल दो तो PO4 बनेगा, NH3ZnCl2C6H5। एनिलीन का ये आपका एनिलीन बनाता है, ठीक है, C6H5NH2। अगर फिनॉल में NH3 और ZnCl2 डालते हो तो एनिलीन बनेगा, एनिलीन। FeCl5 डाल दो तो वोलेट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, FeCl3 डाल दो तो वोलेट कलर का प्रेसिपिटेट देगा। Br2CCl4 डालोगे, ऑर्थो पारा ब्रोमो फिनॉल, ऑर्थो पारा ब्रोमो फिनॉल, आओ मेरे पास, ऑर्थो मेटा पारा, आओ मेरे पास, ऑर्थो मेटा पारा। तो यहाँ पे ऑर्थो पारा ब्रोमो फिनॉल, ठीक है, ये होगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर, ऑर्थो पारा ब्रोमो फिनॉल। CCl4 टेट्रा हैलाइड अगर फिनॉल में डालते हैं Br2 के साथ, तो ऑर्थो पारा ब्रोमो फिनॉल। Br2H2O ब्रोमिनेशन बोलते हैं इसे, ठीक है, ब्रोमिनेशन करवाओगे तो आओ मेरे पास। टोटली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे OH 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2 4 6, 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 यहाँ पे ब्रोमिन। ठीक है, ये देखो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। OH फेमस है, NCERT में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो इसे पढ़ लेना। डाइल्यूट HNO3 डालते हो तो ऑर्थो पे नाइट्रोफिनॉल बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर डाइल्यूट डाइल्यूट आप लोग डाल देते हो तो ये ऐसे बनेगा। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। NEET 2017 में पूछा था सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, तो वो आपका पिक्रिक एसिड था, ऑप्शन नंबर सी या डी दिया हुआ था, वो देख लेना। पिक्रिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है, तो किससे बनता है, फिनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डाल दोगे तो पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। पिक्रिक एसिड किसे बोलते हैं, पिक्रिक एसिड NO2, 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 इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। CH3ClAlCl3, ये और ये 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, जेई मेन्स या नीट में आना ही आना है, दोनों एग्जाम में से किसी ना किसी एक एग्जाम में ये आएगा। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट अभी रिसेंटली वो लोग पूछे हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, दोनों चीज़ें याद रखना। CH3ClAlCl3 ऑर्थोपारस रिजोल्व, CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड अगर, और AlCl3ZnCl2 डालते हो तो ऑर्थोपारा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ठीक है, एसिटोफिनॉन। ये 2018 में पूछा था नीट में, अभी अभी दिखा है आपको, कॉपी पेस्ट था जेईई मेंस का। रायमन टाइमन रिएक्शन ये देख लेना, रायमन टाइमन रिएक्शन, CH3NOH डालते हो तो सेलिसाइलिक एल्डिहाइड बनाता है। अगर उसी में हम लोग CCl4 टेट्राहैलाइड डाल देते हैं, फिनॉल में, तो हम लोगों का सेलिसाइलिक एसिड बन जाती है। CCl4NOH डालते हैं तो सेलिसाइलिक एसिड, CO2 और NaOH डालते हैं तो भी सेलिसाइलिक। CO2NaOH अगर कैटलिस्ट रहता तो उसे हम लोग कोलबे रिएक्शन बोलते हैं। CHCl3NOH कैटलिस्ट रहता तो रिमर टाइमन रिएक्शन बोलते हैं। एक्स्ट्रा वो लोग पूछ सकते हैं, CCl4 अभी तक किसी ने नहीं पूछा, जेईई मेंस में मैं भी पूछा बट नीट में अभी तक नहीं आया। कोलबे आ चुका है, कोलबे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंटली जेईई मेंस 2018 में आया था, ये अभी 2018 में पूछ चुका है, नीट में पूछ चुका है, ये अभी तक नहीं पूछा, तो इसे आप लोग याद रखना। CCl4 अगर फिनॉल में टेट्रा हैलाइड डालते हैं तो हम लोगों का जो कंपाउंड
कंपाउंड आएगा वो आएगा सेलिसैलिक, जो प्रोडक्ट आएगा वो सेलिसैलिक एसिड आएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट हो गया, सी सी एल फोर इंपॉर्टेंट हो गया, ट्राई नाइट्रोफिनॉल ये दो इंपॉर्टेंट पता है आप लोगों को, सी एच थ्री एल सी एच थ्री सी एल एल सी एल थ्री ये वाला देख लेना, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल्स कॉन्सेंट्रेटेड एच एन ओ थ्री से पिक्रिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, एच थ्री जेड एन सी एल टू सी सिक्स एच फाइव एनिलीन की फॉर्मेशन करेगी, एन एच टू एफ ई सी एल थ्री वोलेट कलर का प्रेसिपिटेट, बस इतना है आप लोगों का फिनॉल में, इसी को रिपीट कर देगा देखना 2021 में, यहीं से कुछ रिपीट करके वो लोग पूछेंगे सेलिसैलिक एसिड या सेलिसैलिक एल्डिहाइड, यही करेगा और इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कुछ होगा। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड किसे बोलते हैं, एल्डिहाइड और केटोन को, तो कार्बोनिल कंपाउंड में ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस मैंने बता दिया है कैसे करते हैं, ओलो ओलो निकल लो, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट करके मैंने बताया भी है, आप लोग चाहो तो वो आप लोग देख सकते हो। फिर अल्काइन में डाइल्यूट एच टू एस ओ फोर और एच जी एस ओ फोर मरकरी डाल दो सल्फाइड के साथ, तो आप लोगों का एल्डिहाइड बन जाएगा और केटोन। जेम डाइलाइड हाइड्रोलाइसिस करवा दो, हाइड्रोलाइसिस से आपका कार्बोनिल बनता है। अल्कोहल में आप लोग ऑक्सीडेशन करवा दो तो आप लोगों का एल्डिहाइड बनेगा, आर सी एच टू ओ एच अगर पी सी सी डाल दो तो एल्डिहाइड एंड केटोन बनेगा। पी सी सी किसे बोलते हैं आप लोगों को मालूम होना चाहिए, समझे, तो पी सी सी देख लेना, पी सी सी होता क्या चाहिए, पी सी सी आर सी एच टू ओ एच अगर ये है तो आपका आर सी एच ओ एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री है ये, 1 डिग्री था, ठीक है, अगर 2 डिग्री है, अगर 2 डिग्री है आप लोगों का आर टू सी एच ओ एच तो ये आप आर टू सी डबल बॉन्ड ओ, एक एल डी आई एक केटोन, ठीक है, तो इस चीज़ों को याद रखना। अगर 3 डिग्री है, आर थ्री जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर थ्री सी ओ एच है, अगर 3 डिग्री है तो कुछ रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन, मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बोलते हैं इसे, पी सी सी मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, तो ये चीज याद रखना, ये भी ऑक्सीडेशन, अभी तो बहुत सारा ऑक्सीडेशन आपको बता दिया सारा कुछ, तो पी सी सी 1 डिग्री अगर रहेगा तो आर सी एच ओ बनेगा, 2 डिग्री रहेगा आर टू सी डबल बॉन्ड ओ, 3 डिग्री रहेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, आर सी एच ओ एच आर 2 डिग्री है, 2 डिग्री पर आप लोगों का अल्कोहल दिख रहा है, ऑक्सीडेशन करवा दो K2Cr2O7 डाल करके K2Cr2O7 करवा दोगे तो आप लोगों का कार्बोनिल बनेगा, यहाँ पे MnO डाल दो रिड्यूस होगा तो आप लोगों का कार्बोनिल बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक से RCOO2CA ड्राई डिस्टिलेशन करवाने पे, ड्राई डिस्टिलेशन करवाने पे आप लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड बनता, इस्टर में ग्रिगनार्ड रिएजेंट डाल दो तो एल्डिहाइड केटोन कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा आप लोगों का, इस्टर में ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर डाल देते हो तो कार्बोनिल, अल्काइल साइनाइड में अगेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट अगर कैटलिस्ट यूज करते हो तो आप लोगों का जो फॉर्मेशन होगा कार्बोनिल हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर सी ओ सी एल में अगर एच टू पी डी पी एस ओ फोर डालते हो उसे हम लोग रोजेमंड रिएक्शन बोलते हैं, ये आप लोगों का एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देता है। IIT एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्डिहाइड, ठीक है, कितने जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेगा, प्रोडक्ट जो उनका आएगा एल्डिहाइड बनेगा, तो टोटल मल्टीपल चॉइसेस होते हैं JEE एडवांस में, होते थे, अभी क्या है सिनेरियो वो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है, पहले 360 का JEE मेंस होता था, अभी आई थिंक 275 या 270 का हो चुका है, तो मे बी JEE एडवांस में भी कुछ चेंजेस हो चुका होगा, तो एल्डिहाइड कितने देते हैं वो आप लोग याद रखना, बेंजल्डिहाइड इटार्ड रिएक्शन देता है, रोजेमंड रिएक्शन देता है, और आप लोगों का गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस इसे याद रखना, ये भी आप लोगों का बेंजल्डिहाइड दे देगा, मतलब एल्डिहाइड देगा, गेटरमैन कोच रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, गेटरमैन कोच रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन याद रखना आप लोग, इसमें भी आपको एल्डिहाइड मिलेगा, फिर ये 4 चीज़ें समझे, और एक स्टेफेन रिएक्शन, एक स्टेफेन रिएक्शन होता है, स्टेफेन रिएक्शन भी आप लोगों को एल्डिहाइड देता है, अब यहाँ पे कैटलिस्ट पूछोगे तो बता दूंगा, कैटलिस्ट स्टेफेन में SnCl2 लगता है,
डिटरमाइन कोच रिएक्शन में बेंजीन की रिएक्शन होती है आपकी, और HCN प्लस HCl रहता है, ठीक है, और प्लस ZnCl2, और पानी पिला दो यहाँ पे, तो आप लोगों का गेटरमैन कोच रिएक्शन में ये कैटलिस्ट रहेगा। और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में भी अगेन यही रहता है, सॉरी, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में HCN प्लस HCl ZnCl2H2O रहेगा। गेटरमैन कोच रिएक्शन में आप लोगों का जो कैटलिस्ट रहेगा वो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। गेटरमैन कोच रिएक्शन में कैटलिस्ट जो रहेगा एनहाइड्रस AlCl3, और गेटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन में HCN प्लस HCl ZnCl2 और पानी। स्टेफन रिएक्शन में HNCl2, और रोजेमंड में H2PdBSO4। इटार्ड रिएक्शन में आप लोगों का टोलिन का रिएक्शन होता है, टोलिन का रिएक्शन होता है, इसे टोलिन बोलते हैं, रिएक्ट करता है CrO2Cl के साथ, CrO2Cl और CH2, तो आप लोगों का बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, और बस इतना ही होता है इटार्ड रिएक्शन। तो ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, 2016 मॉक टेस्ट में उन लोगों ने पूछा था, जब ऑनलाइन किया था एग्जाम को तो उन लोगों ने एक मॉक टेस्ट अपलोड किया था, वहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी, तो इतने सारे कंपाउंड है जो कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है। RC ट्रिपल बॉन्ड एन में SnCl2 डाल दो। स्टेफन रिएक्शन अभी अभी बताया मैंने, स्टेफन रिएक्शन है, स्टेफन रिएक्शन में SnCl2 यूज करते हैं, SnCl2HCl डाल दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो, तो स्टेफन रिएक्शन आपको एल्डिहाइड की फॉर्मेशन देगी, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो ये इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार मार्क करता हूँ उसे थोड़े अच्छे से देख लेना। HCN डाल दो तो साइनोहाइड्राइड हो जाएगा, H+H+H2O डाल दो तो आप लोगों का OHOH आ जाएगा, H2NZ डाल दो, अमोनियम डेरिवेटिव्स बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे टिशेनको रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, ईस्टर की फॉर्मेशन होती है टिशेनको रिएक्शन में, समझे, ज़्यादा कुछ है नहीं, टिशेनको रिएक्शन बस नाम याद रखो, जे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट आता है आप लोगों का OH माइनस डालते हो तो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स गिव अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल रिएक्शन, तो ये इम्पोर्टेंट है, 2017 में इसी का मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया था, समझे, तो अल्डोल कंडेंसेशन थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, इसमें कुछ होता नहीं है ज़्यादा, अल्डोल मैंने पढ़ा रखा है, ये कुछ ऐसे रहता है C डबल बॉन्ड O CH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ से OH निकाल दोगे, इसे रिएक्ट करवाते हो, OH यहाँ से अगर निकाल देते हो तो ये समझो एक यहाँ से निकलेगा H+H, ये चला जाएगा नेगेटिव, H+ बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, अब इसके साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ CH3, इसे रिएक्ट करवाओगे तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो O के पास जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये जो प्लस है ये माइनस के साथ जा करके रिएक्ट कर लेगा, तो ये अल्फा पे देखोगे, अल्फा जो है ना, अल्फा कार्बन पे आपका OH फॉर्म करेगा, यहाँ पे O माइनस है और यहाँ पे H प्लस है, ये H प्लस O माइनस के साथ आकर के कनेक्ट कर लेता है, और ये टोटल एक कंपाउंड बना हो गया आप लोग, तो आप लोग देखना अल्फा पे OH आता है, ठीक है, अगर फर्दर उसे OH के साथ आप लोग रिएक्ट करवा देते हो और हीट कर देते हो, देखो कुछ ऐसा बनता है, बना ही देता हूँ, HC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O HCH3, ये यहाँ पे गया नेगेटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन हम लोगों ने एच प्लस निकाला था, ये पॉजिटिव यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ओ यहाँ पे रिएक्ट करेगा एच, अब यहाँ पे आएगा HC डबल बॉन्ड O CH2 CH OH CH3, ठीक है, फर्दर इसे आप लोग OH डाल करके हीट करा दो तो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CCH CH3, ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये याद रखना, ये पूछा गया था क्या होगा 2017 में जेईई मेंस में, तो इस चीज़ों को आप लोग याद रखना। अगर हम लोगों का यहाँ पे और एक आता है एल्डिहाइड्स में विदाउट अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन ना हो, H
सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो यहाँ पे तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे जीरो अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं, जीओसी में मैंने बता दिया। तो ये देगा कैनिजारो रिएक्शन और ये देगा अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, बस यही फर्क है। कैनिजारो रिएक्शन में नीट 2015 AIPMT 2015 कॉपी पेस्ट था जेई मेंस का। कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन कौन से ऐसे रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। ठीक है, तो वो होता है आपका कैनिजारो। कैनिजारो में जो आपका बनता है उसमें कार्बन कार्बन कनेक्ट नहीं होता, नॉर्मल CH3OH बनता है और आप लोगों का एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एन ए प्लस माइनस। इसका मैकेनिज्म बता देता हूँ, देखो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे आप लोगों का एच एच सी डबल बॉन्ड ओ एच 50% NaOH ऐसे डला हुआ होता। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे नॉर्मल इसका मैकेनिज्म समझो, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ फिर एच सी डबल बॉन्ड ओ एच इसे लिख रहा हूँ मैं, ये इसके साथ रिएक्ट करता है। तो होगा क्या, यहाँ पे ओ पे माइनस, ठीक है, ओ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ओ पे जैसे माइनस होगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये ऑक्सीजन पे जाकर के टूटेगा। ये भी पाई बॉन्ड हमेशा याद रखना ऑक्सीजन पे ही जाएगा। तो ये ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ पे फिर से आएगा प्लस, यहाँ पे जैसे प्लस आएगा यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड जा करके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रहा है ना, ये जो है इसके साथ जा करके बॉन्ड बनाएगा। ये हाइड्रोजन निकल करके, ये जो हाइड्रोजन है ना भाई साहब, ये निकल जाएंगे। ये प्लस को स्टेबलाइज करने के लिए ये जो बॉन्ड है इस पे टूटेगा तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड निकल करके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखने मिलेगा, एच 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 और यहाँ पे ओ पे माइनस। तो एक कंपाउंड ये हो गया और दूसरा हम लोगों का ये था CH3 वाला, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ये समझ में आया, ये कैसे बना, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, एन ए ओ एच जो है एन ए ओ एच एन ए प्लस ओ एच माइनस में ब्रेक होता है, एन ए प्लस ओ एच माइनस में ब्रेक होता है, इस चीज को याद रखना। और यहाँ पे आप लोगों का क्या हो रहा है, सी डबल बॉन्ड ये दोबारा वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये दोबारा यहाँ पे वापस आएगा और वापस आने के बाद फिर ऊपर जाएगा, एच सी एच थ्री जो है। ठीक है, और यहाँ पे समझो सी है डबल बॉन्ड ओ है, ये बॉन्ड हो गया, ये तो टूट चुका है। यहाँ पे आप लोगों का ये जो है ये फिर ऊपर जाएगा, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव माइनस, भाई साहब यहाँ आकर के अटैक करेंगे सी ओ नेगेटिव, यहाँ पे ओ एच आ गया, बाकी ऐसे ऐसे है, फिर ये नीचे आएगा तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है बॉन्ड, सिंपल सा है ये। अब एन ए प्लस हम लोगों का अभी भी बैठा हुआ है, तो अब समझो अब क्या होगा, अब इसके बाद हम लोग दोनों को रिएक्ट करवाएंगे। तो हम लोगों का जो आएगा वो क्या होगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ पे माइनस एन ए प्लस, एन ए प्लस भाई साहब जो थे वो यहाँ पे आकर के कनेक्ट होगा। कैसे कनेक्ट होगा, ये जो एच देख रहे हो ना, ये जो आप लोगों को यहाँ थ्री एच, ये जो एक एच देख रहे हो ये एच प्लस में ब्रेक होगा और ये ओ माइनस में ब्रेक होगा। समझ में आ रहा है, ये एच प्लस में होगा ये ओ माइनस पे होगा और ये माइनस एन ए का इंतजार कर रहा होता है, तो ये एन ए माइनस के साथ जा करके प्लस है, माइनस के साथ जा करके कनेक्ट करता है, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस एन ए प्लस बनाएगा प्लस सी एच थ्री ओ एच। यहाँ पे एच प्लस है, ये एच प्लस यहाँ पे जा करके रिएक्ट करेगा,
ये जो है CH3 है और यहाँ पे O माइनस H प्लस निकल के यहाँ पे रिएक्ट करके CH3OH बनाएगा, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कोहल। ये बेसिक मैकेनिज्म है, समझने की कोशिश करना है, आसान है, हो जाएगा। अब फिर आता है हम लोगों का ये टिशेनको के बाद, ये देख लिया आप लोगों ने, कैनिजारो एंड अल्डोल। फिर आता है क्लेमेंसन, रिड्यूसिंग एजेंट है ये, रिडक्शन होता है, रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन भी बोलते हैं। ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालते हैं तो अल्केन बनता है। लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये रिड्यूस करवा देगा कार्बोनिल को, और रिड्यूस करवा करके अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब ऑक्सीडाइज करवा दो तो एसिड बनेगा कार्बोक्सिलिक, बार बार एक ही चीज़ को बता रहा हूँ मैं। RMgX डाल दो तो अल्कोहल, NH2 डाल दो तो अल्केन, ठीक है, रिड्यूसिंग, NH2 डाल दो तो अल्केन, इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंसन तो इंपॉर्टेंट है ही, नेमिंग रिएक्शन है ये। कैनिजारो एंड अल्डोल इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग उल्फ किशनर रिडक्शन बोलते हैं, यहाँ पे भी रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन आप लोगों को बहुत सारे मिल गए होंगे कैटलिस्ट जो कि रिडक्शन करते हैं, और बहुत सारे सारे कैटलिस्ट भी मिले होंगे जो ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप लोगों को सारा दिख गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रख लेना, नीट में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। थोड़ा मैकेनिज्म पे फोकस कर लेना, कुछ कुछ नेमिंग रिएक्शन का थोड़ा मैकेनिज्म देख लेना, जैसे मैंने अल्डोल बताया, कैनिजारो बताया, रायमन टाइमन कोल्बे, उल्फ किशनर का सिर्फ नेमिंग रिएक्शन याद रखना, क्लेमेंसन का सिर्फ नेमिंग रिएक्शन याद रखना काफ़ी है। इधर आप लोगों को रोजेमंड रिडक्शन में नेमिंग रिएक्शन याद रखना, स्टेफन में आप लोग नेमिंग रिएक्शन सिर्फ याद रखना कैसे क्या होता है। अब आते हैं हम लोग एलियाफेटिक अमीन, एलियाफेटिक अमीन, एलियाफेटिक अमीन में हम लोग पहले अमीन की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी अमीन RNH2, मतलब CH3 NH2 को एलियाफेटिक अमीन बोलते हैं, और अगर बेंजीन के साथ NH2 कनेक्टेड है तो इसे हम लोग एनिलीन बोलते हैं। RX में NH3 डाल दो, ROH में NH3 डाल दो, साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड में हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, पानी पिला दो, सॉरी H3O+ डाल दो, ऑक्सीडेशन करेगा तो RNC में हाइड्रोलाइसिस करवा दो तो RNH2 एलियाफेटिक अमीन फॉर्मेशन होता है। अगर साइनाइड हो, साइनाइड हो तब क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं साइनाइड में तो क्या होगा, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। RNO2 में SNHCl डाल दो, RNO2 में SNHCl डाल दो तो आपका एलियाफेटिक अमीन की फॉर्मेशन होगी, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साइनाइड को रिड्यूस करवा दो अल्काइल साइनाइड को, CH3CN को अगर लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड डाल के रिड्यूस करवा दो तो आपका एलियाफेटिक अमीन बनेगा। RMgCl ClNH2 डाल दो तो एलियाफेटिक हॉफमैन ब्रोमाइड, इसका आप लोग मैकेनिज्म देख लेना, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, JEE 2016 में पूछा था हाउ मेनी मोल्स ऑफ Br2 एंड QOH इज यूज इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, तो 1 मोल ऑफ Br2 एंड 4 मोल ऑफ KOH या NaOH वो लोग दे सकते हैं, तो कितने मोल यूज होते हैं वो आप लोग याद रखना। और इसमें नॉर्मली होता क्या चाहिए है? आप लोगों को RNH2 बनता है प्लस K2CO3 बनेगा, K2CO3, RNH2 प्लस K2CO3 बनेगा। मैकेनिज्म थोड़ा देख लेना, मैंने अपने नोट्स में दे रखा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। RCOOH अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है, N3H कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, सिचमिड रिएक्शन बोलते हैं, आपका एलियोफेटिक अमीन बनता है। एसिटाइल क्लोराइड में आप लोग QTS रिएक्शन, यहाँ पे आप लोग रोजेमंड देखे, एसिटाइल क्लोराइड में अगर H2PDBSO4 डाल देते हो तो आपका एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, उसे रोजेमंड बोलते हैं। अगर एसिटाइल क्लोराइड में आप लोग NaNA3 डाल के हाइड्रोलाइसिस करवा देते हो, H3O+ करवा देते हो, ऑक्सीडेशन भी करता है, तो RNH2 की फॉर्मेशन, एलियाफेटिक की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम लोग QTS रिएक्शन बोलते हैं। गैब्रियल, इसका भी मैकेनिज्म देख लेना, गैब्रियल पैथल्डिमाइड रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म देख लेना, समझे। और एक बात याद रखना, ओनली 1 डिग्री अमीन इज प्रिपेयर्ड, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमीन होगा, CH3NH2 ही आप बना सकते हो, CH3NH3H, ये आप लोग नहीं प्रिपेयर कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, ये प्रिपेयर या ये प्रिपेयर आप लोग नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ CH3NH2 बनेगा। RCH डबल बॉन्ड हो, NH3Ni H2 डाल दो, निकल जैसे देखा आपने, समझ लो कि रिडक्शन हो रहा है, इसे हम लोग रिडक्टिव एमिनेशन बोलते हैं। RCH NH2COOH BaOH का होल टू, और हीट करा दो तो आप लोगों का एलियाफेटिक अमीन आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है।
तो मार्क कर दिया जितने इम्पोर्टेंट थे, इसमें क्या क्या आपके इम्पोर्टेंट है। एक SnHCl, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, सिचमिड रिएक्शन, QTS और गैब्रियल पेथल्डिमाइड एंड रिडक्टिव एमिनेशन। अब आता है अमीन में, एलियाफेटिक अमीन में HCl डाल दो तो ऐसा बनेगा NH3+Cl- कॉम्प्लेक्स की तरह है ये। Na डाल दो तो RNH, Na+ ½ H2RH डाल दो R2NH, ClCOR एसीटाइल क्लोराइड RCuCl अगर डालते हो तो ये बन जाएगा। फिर ये भी बन सकता है NHCO, फिनोल अगर रहता है यहाँ पे, एनिलीन अगर रहता है तो आप लोगों का RNHC डबल बॉन्ड OPH। कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन बोलते हैं जिसे हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट भी बोलते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन में आप लोगों को डिफरेंस कौन करता है? हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन जो होता है वो हिंसबर्ग टेस्ट देगा। CHCl3 आप लोगों को डालना होता है, CHCl3+KOH, आइसोसाइनाइड रिएक्शन और कार्बाइल अमीन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, समझे। फॉर्मेशन होती है RNC की, किसकी फॉर्मेशन होती है? RNC। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोग याद रखना है, हिंसबर्ग टेस्ट भी याद रखना आप लोग। इसमें प्रेसिपिटेट देता है हिंसबर्ग टेस्ट में, क्या होता है प्राइमरी अमीन को बेंजीन सल्फोनाइल के साथ रिएक्ट करवाते हैं, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो प्रेसिपिटेट देगा और KOH डाल देंगे तो सॉल्यूबल होगा, ठीक है। और सेकेंडरी अमीन में अगर हम लोग करवाते हैं सेकेंडरी अमीन को बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, तो वो भी प्रेसिपिटेट जो देगा उसे KOH उसमें अगर डाल देते हो तो वो इनसॉल्यूबल होगा, इनसॉल्यूबल। और 3 डिग्री अमीन में रिएक्शन ही नहीं होता, 2 डिग्री इनसॉल्यूबल, 1 डिग्री आप लोगों का सॉल्यूबल होगा। रिएक्शन क्या करवाना है? प्राइमरी अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्रेसिपिटेट देता है, KOH डाल दोगे तो आप लोगों का सॉल्यूबल प्रोडक्ट दे देता है, तो उसे हिंसबर्ग टेस्ट बोलते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में काम आता है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन किसे बोलते हैं? CHCl3+KOH डालते हो तो आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी अमीन ही होगा, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन देख लेना। CH2 और HGCl2 डालते हैं तो RN आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन यहाँ पे आती है, एक सल्फर भी आ जाता है यहाँ पे, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। HNO2 डाल दो तो आप लोगों का अल्कोहल बन जाएगा, RMGX डाल दो तो RH आ जाएगा, चीफ बेस। 2016 नीट 2016 में पूछा हुआ है, फेज 1 नीट 2016। अगर हम लोग एलियाफेटिक अमीन में एल्डिहाइड डाल देते, एलियाफेटिक नॉर्मल पूछा था, व्हेन एलियाफेटिक अमीन विल रिएक्ट टू एल्डिहाइड प्रोडक्ट बता दो, तो प्रोडक्ट में आपको ये भी नहीं दिया हुआ था, नॉर्मल लिखा हुआ था, अल्डोल बनेगा, कैनिजारो बनेगा, चीफ बेस बनेगा, सिचमिड रिएक्शन बनेगा, तो वहाँ पे चीफ बेस को लगा करके आना था, तो ये इंपॉर्टेंट है। NOCl डाल दो तो क्लोराइड बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं होगा यहाँ पे, होगा क्या? RNH2 है, NH2 ये मूव हो जाएगा और यहाँ पे RCl फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। ये है बेसिक इसका कॉन्सेप्ट। तो इतना सारा कुछ आप लोग याद रखना केमिकल प्रॉपर्टीज में, क्या कार्बाइल अमीन, हिंसबर्ग, हिंसबर्ग टेस्ट, कार्बाइल अमीन और आप लोगों हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल और एक चीफ बेस, इधर आप लोगों को क्या क्या याद रखना है बता दिया। सो यहाँ पे काफ़ी हो चुका है टाइम, आई थिंक मोर देन 3:30 हो चुका है, मतलब 3 आवर्स 30 मिनट, इससे ज़्यादा हो चुका होगा। सो यहाँ पे क्लोज करते हैं, थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। इतना कर लेते हो, इतना अगर रिवाइज कर लेते हो सही तरीका से, सारा कुछ NCERT पढ़ लो, ये कर लो, पढ़ना क्या है, जितना मैंने नोट दे दिया उतना करके अगर आप लोग चले जाते हो, 180 में 80 आएगा ही आएगा केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक फुल, फिजिकल डला हुआ है, फिजिकल में भी फुल आ जाएगा, इनऑर्गेनिक बचता है, इनऑर्गेनिक भी मैं करवा दूंगा कुछ ऐसा, एक और वीडियो इनऑर्गेनिक के लिए भी बना दूंगा। तो 180 में, 180 केमिस्ट्री में आप लोग इजीली कर लोगे। JEE मेंस के पेपर एक बार जरूर सॉल्व कर लेना, उतना टाइम नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया अल्कोहल, फिनॉल, इथर, कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक और एलियाफेटिक अमीन और एनिलीन। टाइम रहेगा तो फिर वो भी मैं करवा दूंगा अगर टाइम मिलता है तो। सो JEE मेंस कर लेना, नीट के प्रीवियस कर लेना और NCERT पढ़ लेना, बस काफ़ी है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।